ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير سورة الأحزاب मदनी सूरत नौ रकूआत सेवेंटी थ्री आयात तरतीब के अतबार से थर्टी थर्ड नंबर पर आने वाली सूरत इसका नाम आयत नंबर बीस में यख सबून अहसाबालम यजबू कि वो गुमान करते हैं कि वो गरो अहसाब अभी नहीं गए जमान नजूल और आ, पस मंजर इस आयत सूरत के नजूल का अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर तीन वाक्यात हैं जिस पस मंजर में इस सूरत को नाजिल किया गया तीन मेन वाक्यात गजवाए अहज़ाब जो शवाल पाँच हिजरी में उसके बाद गजवाए बनो क़ोरीज़ा जो ज़ीक़द पाँच हिजरी में और फिर हजर ज़ैनब रजी अल्लाज रसूल व निका ये भी उसी साल

कान बे माहमलू नबीरा वाला वक़ा बिल्ला वकीला शरा अज़ाब की इब्तदाई चार आयात में एक तीन आयात में अल्लाह अल्लाबाना ताला ने एक बहुत अहम चार निकाती तरीक़ा और एजेंडा समझाया है क़यामत तक के लिए हर इस्लामी रियासत को और मखसूस तौर पे उस दौर में मदीना की रियासत को छोटी सी इस्लामी रियासत मदीना की रियासत इसके ऊपर बहुत से मिले जुले ग्ररोहों का हमला अहज़ाब इसी हवाले से कहा गया हिजब कहते हैं ग्रो को और अहज़ाब उसकी जमा है बहुत से ग्रुप्स कंबाइंड एलाइड फोर्सेस का हमला मदीना की उस छोटी सी रियासत पर और मुश्किल हालात के सामने के लिए जो तरीक़ार बताया जा रहा है क्या है तकिल्ला आप इन दुश्मनों का इन दुश्मनों से मत डरें किन से डरें अल्लाह का तकवा करें और फिर अल्लाह का तकवा करने के बाद दूसरी बात क्या कि पैरवी किसकी करें उनके खौफ में उनकी पैरवी ना करें आप मुनाफिकों और काफिरों की पैरवी ना करें तो किसकी पैरवी करें अल्लाह ने फरमाया पैरवी करो उस बात की जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है अल्लाह उस हर बात से बाखबर है जो तुम करते हो तो पैरवी करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल वसल्लम की क्या करें तोले अल्लाह पर तवक्कुल करें अल्लाह काफ़ी है वकील खोने के लिए तो ये चार बात बताएं बातें बताई जा रही है कि तकवा और ख़ौफ़ अल्लाह का होगा अतात और पैरवी काफ़रों और मुनाफिकों की नहीं होगी अतात कुरान और सुन्नत के अहकाम की होगी और ये करने के बाद अल्लाह पर तवक्कुल होगा तो अल्लाह वकील निगरान मुहाफिज निकेबान मुआविन मददगार बन जाएगा अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में दो दिल नहीं रखे एक हकीकत है जिसकी मेडिकल साइंस बिल्कुल तस्दीक करती नज़र आती हैं कि कभी कभी इंसानी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि एक इंसान के धड़ में उसके सीने में दो दिल हों हाँ एब इस शक्ल में ज़रूर होती हैं कि दिल जो है वो लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पे हो जाता है जिसे डेक्सट्रोकार्डिया कहा जाता है कभी सारे के सारे आज़ाद जो हैं वो उलट पुलट हो जाते हैं उसको साइटस इनवर्स कहा जाता है लेकिन एक धड़ में दो दिल कभी किसी शख्स के नहीं हुए और ये ये मेडिकल साइंसेस इस बात की तस्दीक करती हैं अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे हैं कि जैसे ये अमर मुहाल है जैसे ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि किसी के सीने में दो दिल नहीं हो सकते वैसे ही अगली दो बातें जो तुम अपने मुँहों से कहते हो ये भी उतनी ही अमरे महाल और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दो चीज़ें कौन सी ना उसने तुम लोगों की उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माए बना दी है जहार की रस्म अरब के माशरे में राइज थी और यह क्या थी कि एक मर्द अपनी बीवी को यह कह देता था गु़स्से में आके तलाक देने के बजाय वो ये कह देता था कि आज से तेरी पीठ मेरे लिए वैसी ही हराम हो गई जैसे मेरी माँ की और ये कहने से वो ऑटोमेटिकलीज्यूम कर लेते थे कि वाकई बीवी जो है वो माँ की तरह हराम हो गई और उसके साथ ताल्लुकी हरमत का मामला हो गया और ये समझते थे कि इससे ख़ुद ब खुद बखुद तलाक वाक्य हो जाती है तो अल्लाह ने इसकी तरदीद कर दी है जहार की रस्म की नफ़ी कही की गई है और इन शुरा मुजाजला में इसका वाक़ भी आएगा तो ज़रा वजाहत से बात होगी दूसरी चीज़ जिसकी तरद की जा

ना उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया है यहाँ से आगे अब मुंह बोले ले पालक बेटों या अडॉप्टेड बेटों के लिए हुक्म दिया जा रहा है असल में बेटों का तस्करा इसलिए आ रहा है कि अरब के माशरे के लोग तो बेटियों से कराहत महसूस करते थे वो तो अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे उनको गोद लेने का तो तसुर ही नहीं था वो अगर गोद लेते थे अडॉप्ट करते थे तो सिर्फ बेटों को अडॉप्ट करते थे लेकिन ये जो हुक्म यहाँ पर बताया जा रहा है ये बेटे बेटी कोई भी अडॉप्ट की जाए या गोद ली जाए तो दोनों के लिए हुक्म है उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया है ना ये तो वो बातें हैं जो तुम अपने मुंह से निकाल देते हो मगर अल्लाह वो बात कहता है जो मबनी पर हमत है और वही सही तरीक़े की तरफ़ रहनुमाई करता है मुँह बोले बेटों को उनके बापों की नस्बत से पुकारो ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुनफाना बात है और अगर तुम्हें मालूम ही ना हो कि उनके बाप कौन है तो फिर वो तुम्हारे दीनी भाई और तुम्हारे रफीक हैं ना बात जो तुम कहोगे उस पर तुम पर कोई गरफ नहीं है लेकिन उस बात पर जरूर गिरफ्त है जिसका तुम दिल से इरादा करो कि अल्लाह गफूर रहीम है अल्लाह सुबहाना गोद लेने और अडोपशन के हवाले से वाज तौर पर यह हकीकत बता दी कि उनको उनके करने वाले वालद का नाम उसकी तशखस उसकी एंटिटी, उसका सर नेम नहीं दिया जाएगा और उनको अपना हकीकी बेटा होने का ऐलान और दावा भी नहीं किया जाएगा इससे मना किया जा रहा है और, और अल्टरनेटिव तरीका बताया जा रहा है कि उनको उनके हक़ीकी बापों के नाम से पुकार जिस बाप से तुमने ये गोद लिया उस बाप के नाम से पुकारो और कई दफा लावारिस बच्चे होते हैं यतिम खाने से बच्चे आ गए वैसे लावारिस बच्चे जो हैं वो मिल गए तो ऐसी हालत में अगर बाप का नाम नहीं पता तो भी तशखस अडॉप्ट करने वाले वालिद का नहीं दिया जाएगा फिर उनको दीनी भाई कहा जाएगा ना नाम दिया जाएगा ना उनको अपनी हकीकी औलाद की शक्ल में जाहिर किया जाएगा हदीस के अल्फाज भी इसकी तशरी में मौजूद हैं कराहत के लिए कि आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानते बूझते अपने आप को किसी ग़ैर बाप के साथ मंसूब किया उसने कुफर का इरतक किया इसी तरह एक और हदीस के अल्फाज हैं कि जिसने अपने आप को किसी और का बेटा कहा हालांकि वो जानता है कि वो उसका बाप नहीं उस पर जन्नत हराम है तो गोया ये कबीरा गुना है कि अपने आप को गैर बाप के साथ मंसूब करना या किसी और के बेटे को अपना नाम देकर अपने तशखस के साथ मनसूब करना क़ुरान और हदीस दोनों में यह कबीरा गुना है इसकी कबाहत क्यों क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि झूठ है जिस रिश्ते का आगाज़ जिस बंधन और ताल्लुक़ का आगाज़ ही झूठ के साथ हो और झूठ वो जो उम्मुल खबाइस है जिसका आगाज़ ही झूठ के साथ हो उसमें बरकत कैसे हो सकती है उसमें खुशियाँ और अमन कैसे आ सकता है और फिर मैं आपको बताऊँ ये एक दफ़ा का तो झूठ नहीं है ये तो लाइफ टाइम झूठ है ये तो एक लामुतना की झूठ का सिलसिला जो है इसका आगाज़ होगा और फिर सारी ज़िंदगी ये झूठ पर झूठ चलता रहेगा और फिर मैं आपको बताऊं कि ये झूठ बहुत देर छुपता भी नहीं है कहीं ना कहीं से इसका राज निकल जरूर आता है।, है कि वो बच्चा जब बालि हो तो कोई रिश्तेदार कोई हमसाया कोई उसको असल हकीकत उसके रिश्ते की बता दे और मैं आपको बताऊं कि जब इस लेटर पार्ट ऑफ द जिंदगी में जब ये हकीकत पता चलती है और ये झूठ का हकीकत जो है वो समझ में आती है तो वो शख्स या जो अपने तशखस से महरूम हो जाता है ना वो शायद अंदर से टूट जाता है इतनी मायूसी इतनी डिसपॉइटमेंट और इतनी टेंशन फिर के फिर उसमें आके शायद वो अपने उन पालने वाले वालदे से भी मुतनफ़र हो जाता है हॉस्टाइल हो जाता है इससे बहुत बेहतर था बजाय उसको कि अपना हकीकी बेटा कहते उसको सही तसवुर सच्चाई का तस्वुर बता दिया जाता ताकि सारी ज़िंदगी उनको अपने वालदे नहीं लेकिन अपने मोहसिन तो तस्वुर करता तो लिहाजा वैसे भी जैसे आप देखें ना कि सच्चे बात में बरकत ही है और उसी में खैर बरकत का मामला होता है और फिर इसके साथ वरासत के मामला में भी खर्द बर्द का इम्कान है और बढ़ के हम देखें कि पर्दे के अहकाम अगर बच्ची अडोप्ट की जा रही है तो वो वालिद उसके लिए ना महरम है अगर लड़का अडोप्ट किया जा रहा है तो वो वालदा के लिए ना महरम है तो बहुत सी कबाहतें हैं अल्लाह ने इसी लिए हमत से ये हुक्म समझा दिया इस आयत में अगर आप देखें तो ये आयत जो है ना उद उमली आबा हिम आयत नंबर पांच का इब्तदाई हिस्सा यह बसाकात कुछ थोड़ा सा मिस यूज़ और मिस इंटरप्रेट किया जाता है और वो कहने वाले ये कहते हैं कि अल्लाह जबाना ताली ने ये कैटेगोरिकल हुक्म दे दिया है कि सब लोग अपने आप को अपने बापों के नाम से पुकारे लिहाजा इस आयत की रूह से ये ज़रूरी है कि खातीन भी अपने नामों के साथ सिर्फ अपने बाप का नाम जोड़ें और इस आयत की रूह से फिर वो ये जवाज़ निकालते हैं कि खातन का अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जोड़ना या मिसेज़ फना फना कहलवाना ये इस आयत की रूह से जा और हलाल नहीं है और ये कबीरा गुनाह है ऐसी कोई बात नहीं है असल में बात है कि जब कुरान की आयत को देखते हैं तो उसके शान नजूल और पस मंज़र के हवाले से देखते हैं ये किन को कहा जा रहा है उनको उनके बापों के नाम से पुकारो ये अडोप्टड बच्चों के लिए स्पेसिफिक हुक्म है ये जनरली सब के लिए हुक्म नहीं है ये जनरली ख़्वीन को एड्रेस करके नहीं कहा जा रहा कि तुम अपने नाम के साथ अपने हस्बैंड का नाम ना लगाओ सिर्फ अपने वालिद का नाम लगाओ इस हुक्म को जवाज़ बना के ख़वीन को इस काम से मना नहीं किया जा सकता ना ये हराम है ना ये कबीरा गुनाह हाँ अरब की रियासत में उस जमाने में यह तरीक़ा था और अभी भी ये तरीक़ा है कि ख़्विन को उनके वालिद के नामी के साथ मंसूब किया जाता था फातमा बिनते मोहम्मद ही रही निकाह के बाद भी आयशा रज़ी अल्लाह हालांकि रहमतुल आलमीन नबी अलैहि वसल्लम के अगले निकाह में आई लेकिन फिर भी उनका नाम आयशा बिनते बकर ही रहा तो लिहाजा वहाँ पे चूँकि वो नॉम था तो उनका नॉम और उनका तरीका समझ के अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो कर ले लेकिन ये शरीयत का हुक्म नहीं है लाजिमन और फिर वैसे मैं बताऊँ कि वालिद का नाम रखना जैसे अरबों का दस्तूर था वो प्रैक्टिकली ज़्यादा आसान ज़रूर है हम खातें जो नाम अपने चेंज कर लेती हैं आधी जिंदगी एक एंटी मेट्रिक और एफ़ ए और एफ़ एस सी की डिग्रियों पर और नाम होता है फिर पासपोर्ट वीज़े पर जो है वो निकाह का नाम होता है तो ये सारी जिंदगी एक डबल एंटिटी में रहकर एक ड्यूल तशक्स में रह कर कन्फ्यूजन पेपर वर्क में भी होती हैं लीगल प्रोसीडिंग्स में भी होती हैं और कन्फ्यूजन भी होती है बहरहाल वो बेहतर ज़रूर है लेकिन ये हुक्म खुदाबंदी नहीं है और शौहर का नाम लगाना मना और हराम भी नहीं है असल में ये हमारे हमारा तरीका नहीं है ये हमने यूरोप से अडॉप्ट किया यूरोप में जब वो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई ना तो फिर मर्द बहुत ज़्यादा मर गए और औरतों की शरह बहुत ज़्यादा होगी स्पेसिफिकली जर्मनी में ये हुआ कि औरतों की पॉपुलेशन दुगनी और मर्दों की पॉपुलेशन आधी हो गई अब इस हाल में जब कोई औरत जिसका निकाह या शादी हो जाती थी तो वो इतनी खुश होती थी कि उसको शोहर मिल गया और वो शोहर दीदा होगी कि फ़ौर अपना नाम तब्दील करके अपने शहर के नाम के साथ उसके ऊपर ऐसे जैसे कब्जा जमाने के लिए अपना नाम बदल लेती थी तो ये मिस इस का तु जो है ना वो जर्मनी से शुरू हुआ था और ये यूरोप की तखलीक है हमारे माशरे का अंदाज तो नहीं है लेकिन मैं फिर बता रही हूँ कि अगर ये चीजें राइज भी हैं तो ये हराम नहीं है और ना ही यह कबीरा गुना है बिलाशुबह नबी सल्लम तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुकदम है और नबी सल्ह् वम की बीवियाँ उनकी माए हैं अजवाज मतहरा को महातुलमोमिन कहा गया किस हवाले से एक तो इज़्ज़त अदब मोहब्बत और एहतराम के हवाले से उनको उम्मत की माएँ कहा गया और दूसरी बात किस हवाले से कि मोमिनीन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि की वफ़ाद के बाद किसी को उनकी ज़िंदगी में उनसे निकाह की इजाज़त नहीं थी निकाह की हरमत बिल्कुल वैसी है जैसे हकीकी माओ की मगर किताब अल्ला की रूस से आम ममिन और महाजरीन की बनस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं अलबा अपने रफ़ीकों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो ये हुक्म किताब इलाखे में लिखा है नबी सल्लल्लाहु सल्हलम याद रखो उसदो पैमान को जो हमने सब पैगम्बरों से लिया था तुम से बीनू इब्राहिम मूसा ईसा इब्ने मरियम सलाम से भी सबसे हमने पुख्ता अहद लिया ताकि सच्चे लोगों से उनका रब उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे और काफ़रों के लिए तो उसने दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है रकू नंबर दो आयत नंबर तीन ए लोगों जो ईमान आयत नंबर नौ ए लोगों जो ईमान लाए हो याद करो अल्लाह के उस एहसान को जो उसने अभी अभी तुम पर किया जब लश्कर तुम पर चढ़ आए थे यहाँ से आगे अबरुदाद है गज़वा अहज़ाब या कसवाए ख़ की हम अपने मामूल के मुताबिक पहले इस रुदाद को मुख्तरा किस्से को देख लेते हैं हैंपनिंगस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर इन आयत को समझना आसान और सहल हो जाएगा अगर दोहरा तो लीजिए आप सल्हल्ला वसम की हिजरत उसके बाद पहले हिजर से पहले तो गुफ वकुम हाथ रोकने का हुक्म था और अब जब हिजरत हो गई तो पहले इजाज़त और फिर किताल और जिहाद का हुक्म आया दो हिजरी में बदर तीन हिजरी में उख़त और पाँच हिजरी में गजबाए अहसाब या खंदक ख़ंदकरुमा हुई इससे पहले अगर आप देखें थोड़ी सी वहाँ की लोकल सियासत तो रसूल सल्हलम जब हिजरत करके मक् से मदीना तशरीफ़ थे तो उस वक्त खजरज के जो मुश्किल कबीले वो तो मुसलमान हो चुके थे और वो अनसार मदीना बन गए अब तीन यहूदी कबीले बनो कैनुका बनो नजीर और बनो कुरैजा इनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसा के मदीना या चार्टर ऑफ मदीना का माहिदा किया इन इस पर वजाहत से बात आगे होगी इस पर वो पाबंद थे कि मुसलमानों के साथ अमन में रहेंगे और जहाद जंग में मुसलमानों के साथ दुश्मनों के साथ मदद करेंगे लेकिन बतहदी की यहूदियों ने और फिर गजबाए बदर के बाद पहले बनु कैनका को और फिर गजवाए उहद के बाद चार के में बनु नज़ीर को मदीना से निकाल दिया गया उनकी इस मिसा के मदीना की बदहदी की वजह से ये दो यहूदी कबीले जब इनको मदीना से निकाला गया तो ये खैबर में जाके मुंतकिल हो गया और वहीं पे इन्होंने अपने डेरे लगाए और मुफ़ीम हो गए ये यहूदियों की बस्ती थी अब जब तीन हिजरी तक ओहद का मामला हुआ मुश्किन भी मुसलमानों पर हमले दो दफ़ा कर चुके हैं लेकिन कोई खातर ख़वा कामयाबी नसीब नहीं हुई थी मुश्किन मक्का को और उधर यहूदी भी अब मुंतकिल हो चुके हैं वो भी शदीद गज़ो का शिकार हैं और मदीना से निकाले जाने पर उनकी दुश्मनी और अदावत पहले से बढ़ चुकी है तो फिर अब उहद के बाद पाँच हिजरी में गज़वाए अहज़ाब की जो बुनियाद बनी थी वो ये थी कि बनू नज़ीर का सरदार होई बिन अख्तब उसने यहूदियों को भी माइल किया और उधर ने मक्का को भी ये पैगाम भेजा कि तुम अकेले अकेले अब मदीना की रियासत का कुछ नहीं कर सकते हम सब मिल के मदीना पर हमला करते हैं ताकि एक दफ़ा इनका कला गुमा करके इस नए दीन का खात्मा किया जाए अब इस पर ने मक्का यहूदियों के ये दोनों कबीले और बनु गुदफान के सारे कबीले जो हैं इन्होंने मिलकर मदीना के ऊपर हमला करने का इरादा किया क्योंकि बहुत से हजब बहुत से ग्रोक कम्बाइन करके हमला आवर हो रहे थे इसीलिए इसको गजवाए अहसाब के नाम से जाना जाता है अगर हम देखें तो शुमाल की तरफ़ से बनु नज़ीर और बनु बनु कनका वाले जुनूब की तरफ से ने नमक् और शुमाल की मशरक़ की तरफ से ये गैतवान के सारे मश कबीले हर तरफ से मदीना के ऊपर अब एक हमला तकरीबन दस से बारह हज़ार दुश्मन की नफरी जो हैं वो अब मदीना पर हमला आवर होने वाले हैं आप सल्ला वसलम को इसकी खबर पहुँच गई उधर मदीना का हाल ये कि उनकी कुल आबादी तकरीबन इतनी है दस से बारह हज़ार की आबादी अगर सारे के सारे जंग के काबिल मर्द भी जंग के लिए निकल जाते तो उसकी तादाद तकरीबन तीन हज़ार थी इस मुश्किल हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा जो हुक्म खुदाबंदी या शाविर हम फिल्म आपने सहाबा इक्राम को मशावरत के लिए जब पूछा तो यहाँ पर मशावरत आई थी हजर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तरफ से एक परदेसी एक फॉरनर स्ट्रें की तरफ से मशवरा आता है आप वाली की वसावत देखें अदल देखें आपकी मामला फहमी देखें और एक गैर जानबदाराना नॉन प्राइजस्ट बिहेवियर और रि, रिस्पॉन्स देखें कि आपने खुले दिल से इनकी बात को सुना और फिर इसमें कितनी बरकत भी निकली इन सारी सिफतों की वजह से किसर सलमान फारसी ने बहुत ही अच्छा मशवरा दिया उन्होंने कहा कि हम ईरान में जब मैं थे आ, तो मैं देखता था कि ईरान में जब कोई बहुत बड़ी दुश्मन की फ़ौज हमलावर होती थी और हम उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे तो हम ये ट्रेंचेस और खंदकें खोद लेते थे और दुश्मन से अपने आप को इन खंदकों की वजह से महफूज कर लेते थे ये मशवरा एन मदीना की जग्राफियाई हालत के हवाले से बिल्कुल मौजू और मुनासिब था दुश्मन बहुत बड़ा था मदीना के लोग उनका शायद मुकाबला करने पर कादिर नहीं थे अगर मदीना की हालत देखी जाए तो मदीना के मशरक मदीना के मगरब और बहुत हद तक शुमाल मशरक में भी बड़े बड़े पहाड़ थे ये लावे के तोे इग्नियस रॉक्स और सियास संगलाख चट्टानों वाले पहाड़ थे और बहुत ही मजबूत पत्थरों पर मुश्तमिल थे कोया ये सारी सिमतें महफूज़ थीं मदीना के बिल्कुल जनूब में बनो कुरेजा का कबीला था ऊँचे ऊँचे खजूरों के दरक थे और अभी बनवा करीजा वाले अपना माहिदा नहीं तोड़ चुके थे इसलिए इनके साथ भी हिफाजत का मामला समझा जा रहा था सिर्फ जो गैर महफूज कस्सा था वो शुमाल मगरबी कोना मदीना का गैर महफूज था तो लिहाजा ये मशवरा मुफीद समझा गया और इस राय के मुताबिक ख़ंदक खोदने का इरादा कर लिया गया ख़ंद खोदने का इरादा तो किया गया हम जब वाक़ सूर्य ख़ंद हजबा संदक का सुनते हैं तो हम कहते हैं कि जी मशवरा आया नबी सल वम ने मशरे को एक्सेप्ट किया और ख़ुंद खोदी और बस मुसलमान महफूज हो गए वो जो कहते हैं ना ईज़ियर सेड दैन डन खंदक खोदी और आगे चल पड़े यह कह के असल तो रुदा दी खोदने की थी असल तो काम ही ये था यही था वो रिमार्केबल फीट ऑफ परफॉर्मेंस जो वो मदीना के लोगों ने जबरदस्त काम किया था ये कितना बड़ा काम था हम तो कई दफा गहराई से इन चीज़ों को देखते ही नहीं है कितनी बड़ी खंदक थी साढ़े तीन मील लंबी खंदक थी और तकरीबन पंद्रह से बीस बीस फुट गहरी थी तीन मर्द भी एक दूसरे के ऊपर खड़े होते थे ना तो वो खंदक के अंदर रहते थे और इतनी तकरीबन पंद्रह से बीस और कई जगहों पर पच्चीस पच्चीस फुट गहरी जो चौड़ी है ये थी, तीन लाख बीस हजार मकब दर फीट मिट्टी जो थी उसको खोदना था और टाइम कितना था मैक्सिमम लाइक इक्कीस दिन और तीन हफ्ते थे जिसमें ये इतना बड़ा काम करना काम बहुत बड़ा था और बहुत भारी था और ऊपर से हालात ये थे कि ये अफ़राध भी कम नस्बता बहुत थोड़े थे मामला तो बहुत अच्छा मशवरा था लेकिन इतना बड़ा काम जो करने का और इतने लिमिटेड पीरियड में करने का काम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज़बरदस्त नजम ज़ब्त और डिसिप्लिन का मामला किया आपने सारे सहाबा क्राम को ना बीस बीस लोगों की टोलियों में डिवाइड कर दिया और हर के हर एक टोली के ऊपर एक उनका निगरान और सिपा जो वो है ना उन का कोऑर्डिनेटर बना दिया हर एक शख्स को तकरीबन 100 सौ, सौ स्क्वायर फुट मिट्टी जो है वो अलॉट कर दी गई और वो ग्रुप्स जो हैं फिर वो काम करने लगे बहुत खूबसूरत माहौल हमें नज़र आता है खंदक की खुदाई के मौके पर कैसे ये लोग खंदक खोदते हैं मैं आपको ये भी बताऊं कि मुश्किलात कितनी थी कि इनके पास कोई कोई चीज़ें भी नहीं थी खोदने के लिए ना इनके पास किसी किस्म के कोई खुदाल थे ना बेलचे थे बहुत सा सामान अपने खुदालों का तो ये बनो क के लोगों से मांग के लाए थे अब जिसके घर में जो कोई इस किस्म का आला था जो जिसको मिला वो सभी लाते चले गए और सब के सब जो मर्द हैं ना मुजाहिद वो ख़ंदक खोद रहे थे बड़े बड़े सहाबाक राम का नाम हज़रत अबू बकरीक हज़रत उम्र रजी अल्लाह तु ये सब खंदक खोद रहे हैं और गारा मिट्टी ढोने के लिए इनके पास कोई चीजें नहीं थी ये अपने अपने दामनों में अपने कुर्तों के दामनों के अंदर मिट्टी भर भर के ढो रहे थे बड़े खूबसूरत वो नजारे हैं कि अल्लाह के, के रसूल सल्लम ये सब सहाबा मुजाहिदीन ये खंदक खोद रहे हैं रसूल सल वम भी साथ हैं आपल्हल वल्लम की जबानी मुबारक पर कभी कुरान की आयात हैं कभी जन्नत के वादों की तलावतें हैं कभी आप उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और वो जवाब में दुआएँ दे रहे हैं और कभी इतने इतने खूबसूरत अशार हैं तो वो ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा ईमानफ रोज़ माहौल था जिसमें खंदक खोदी गई और ख़ंदक खुदी मैं आपको बताऊँ इसलिए भी कि सिपा सालारज़म जै न वो बिल्कुल उनके दरमियान आपने सिर्फ ये नहीं कहा था कि ये अब एक करने का काम है और फिर अपने कोर कमांडर हाउस में चुप करके जाके बैठ गए थे ये तरीका नहीं था यू देयर वेरी मच देयर इन द फोर्सेस उन सफों में थे और वो खंदक के खोदने वाले जब किसी से नहीं खुदती थी ना तो फिर रसूल को बुलाया जा आप पेश पेश है गारा ढोने में खंदक खोदने में वो एक शुरू का वाक्य उनके सहाबा ने बहुत ही कोशिश की उनसे खंदक वो इतनी ज़्यादा चटान थी उसके नीचे कि वो उनसे खोदी नहीं जा रही थी और वो चटान टूट नहीं रही थी रसोल वसलम के पास सूरत हाल बयान की आपने फ़रमाया अच्छा चलो आपने पानी का बर्तन मंगवाया आपने अपने उसमें उंगलियां मुबारक डाली, आपने कोई आयत कुरान की पढ़ी, दम किया और फिर आपने कहा कि इस पानी को उसके ऊपर अब कतरे उसके छींटे डाल दो और जब छींटे डाल दिए गए और फिर आपने फ़रमाया कि अब इस पर ज़रब लगाओ तो जब ज़रब लगाई तो मुजाना तरीके से वो जो इतनी बड़ी चटान थी ना वो रेत के भुरभुरे टीलों की तरह भुर के टूट गई ये मोजाना अल्लाह ताली की मदद आई फिर एक और मौके पर एक बहुत बड़ी चटान थी अलकदिया की चटान ये जो पहाड़ इनके साइडों पे थे ना ये ज़मीन के अंदर भी थे जो ये खोद रहे थे अलकदिया की चटान इतनी बड़ी और इतनी मशहूर सी चटान थी और हमें पता चलता है कि साहबा ने इस दफ़ा तो पूरी कोशिश की जैसे एक शर्मिंदगी भी होती है ना कि हर जगह हम फंस जाते हैं और फिर रसुल्ला सल्ला को ही हम जहमत देते हैं आने के लिए पूरी उन्होंने अपनी कोशिश की लेकिन उनसे ये बिल्कुल चटान जो है ना वो टस से मस नहीं हो रही थी आप आपली वसलम तशरीफ़ लाए और आपने अल्लाह का नाम लेकर जब अपनी खुदाल मारी आपको पता है कि जब लोहे और पत्थर की आपस में रगड़ होती है ना तो फ़्रिक्शन की वजह से ना वो चिंगारियाँ और कितने ज़ोर से आपने वो खुदाल जो है वो मारी चिंगारियाँ उठी तो साथ ही आपने फरमाया मुझे मेरी इस मुशक्कत पर यमन की फ़तह की खुशखबरी दी गई है फिर आपने दूसरी दफ़ा ज़रब लगाई फिर चिंगारियाँ उठी आपने फ़रमाया मुझे शाम की फतह की खुशखबरी दी गई है और फिर तीसरी दफ़ा जब वो बिल्कुल टूट गई थी उस वक्त आपने फ़रमाया अब मुझे मशरक़ के इलाक़ों की फतह की खुशखबरी दी गई है और वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बाद इस्लामी रियासत में थोड़ी देर के बाद ये सारे इलाके मुसलमानों को फतह हुई थी और ये रियासत मुस्लिम में ये शामिल हो गए तो ये वो सारी अगर आप देखें कि मेहनतें हैं और मशक्क़तें हैं जिनके साथ ये खतक खोदी जा रही है और सिर्फ खंदक जो खोदी जा रही है ये रुदात नहीं है हो सकता है आप ये समझेंगे कि पता नहीं ये सुबह क्या क्या खा के आते थे और कितनी एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे थे और कितनी खुराकें खा रहे थे कि ये खंदक को खोद रहे खाने का हाल क्या था खाने का हाल तो यह था ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आए थे और उन्होंने ज़बान से तो कोई शिकवा नहीं किया था सिर्फ़ अपना कुर्ता उठाया था और उनके पेट के ऊपर क्या था एक पत्थर बंधा हुआ था क्योंकि मैदा इतना खाली था कि नकाहत का एहसास था और खड़े होना मुश्किल था तो पत्थर बंधा हुआ था सिपा आज़म को पेट पर बंधा हुआ एक पत्थर दिखाया आप सब् ने अपने शिक में मुबारक से कुर्ता उठाया तो वहाँ पर दो पत्थर थे ये ये आप देखें कि गारा भी साथ मिलके ढो रहे हैं पत्थर भी साथ मिलके तोड़ रहे हैं खंदक भी साथ खोद रहे हैं और भूख भी साथ काट रहे हैं सब कुछ ही साथ है ये तकलीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतने पेट पर शिकमे मुबारक के ऊपर दो पत्थर बनने के फ़ाके की कैफियत देखी तो साहबा इक्राम ऐसे जैसे तड़प उठते हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला तुम फ़ौरन वो अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं और अपनी जवाजा से पूछते हैं क्या घर में कुछ खाने को है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ाक़े का तस्करा करके कि क्या घर में खाने को कुछ है बीवी कहती है कि हाँ मेरे पास थोड़े से मुट्ठी भर जौ हैं गेहूं हैं और मेरे पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा है और तुम तुम जाओ तुम फिक्र कोई ना करो मैं उसको बिबा कर लेती हूँ और मैं खाना पका लेती हूँ मैं आपको बताऊँ दिल पे हाथ रख के अपने बताइए अगर कोई पाकिस्तान की खातून होती ना और शहर उस वक़्त उससे मांगने आता तो वो ज़रूरी उसके साथ उलझती और वो जरूरी कहती तुम्हारे दिमाग पे तो भूत चढ़ा हुआ है पहले ही खंद को खोदने का कितने कितने दिन तो तुम्हें हम हमें तुम नजर नहीं आते हो ना तुम्हें मेरी फिक्र ना तुम्हें घर की फिक्र ना तुम्हें खर्चे की फिक्र हम भूखे पीछे तड़प रहे हैं सिसक रहे हैं और अब मेरे और मेरे बच्चों का आखिरी लुकमा भी खींचने के लिए आ हो भाग जाओ यहां से मैं कुछ नहीं दूंग नहीं ये दीन की मददगार रजवाज थी ये दीन की मददगार रजवाज थी जो आपने फरमाया था ना कि एक नेक स्वाले औरत अपने शोहर के दीन का सतून होती है तो ये वो हर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का कर लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ बड़े मान से हजर जाब रजी अल्लान ला तशरीफ़ लाते हैं नबी वसल्लम को दावत देते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपकी दावत हमारे घर है लो जी अब वो जो भूख प्यास काट रहे हैं सबके साथ मिलके फाका हो रहा है अब खाना क्या अकेले खा लेंगे नहीं आपने उसी वक्त अनाउंस किया सारे मुजाहिदों को मुखातिब करके भाइयों आज हमारी दावत आज हमारी दावत जाबिर के घर है अल्लाह अकबर खजत जाबिर धक के छोटा सा बकरी का बच्चा थोड़े से मुठ्ठी भर जाओ और अब ये इतने मुजाहिद में क्या करूँगा बड़ी परेशानी है रसूल अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त फरमा दिया था कि जाबिर अहल खाना से कह देना कि जब तक मैं ना पहुंचूं हंडिया में से कफ़गीर नहीं निकालना है और जब तक मैं ना पहुंचूं आटा नहीं गूँधना आप तशरीफ़ ले जाते हैं आप लुआब दहन हंडिया में भी डालते हैं आप लुआब दहन आटे में भी डालते हैं और इन अल्लाह मबरीन वह जो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह पर तोल करके सब्र से जमे हुए थे ना भूख प्याज थकावट मुशक्क़तें सब बर्दाश्त कर रहे थे कुर्बानियाँ दे रहे थे हर महबूब चीज की अल्लाह की मदद इन प्यारों के साथ ऐसे आती है कि खाना लगाया गया सारे मुजाहिदीन आए मुजाहिदीन आए पेट भर के सब ने खाया और जितना जितना खाना पहले था उससे ज्यादा अहल खाना को लौटा दिया गया याद कर लीजिए आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सदका करने से माल कम नहीं होता ये वो वादा है उसके बाद वो हज़रत अमरा बिनते रवाहा हैं उनको भी पता चला कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना फाक है उन्होंने देखा उनके घर में बस थोड़ी सी खजूरें थी अपनी बेटी बिनते बशीर को बुलाया वो मुट्ठी भर खजूरें एक छोटी सी पत्नी कितनी को दो हाथों में खजूरें उठा सकती है जाइए अपने मामू अब्दुल्ला बिन रवाहा को दे दे रसूल की खिदमत में पेश करें बच्ची लेकर आई अपने मामू को दी रसूल वसल्लम ने खजूरें वसूल की और आपने फरमाया दस्तरखान बिछाओ चमड़े का दस्तरखान बिछाया गया सारे के सारे मुजाहिदीन कितने भूखे होंगे और कितनी मुशक्कत कर रहे हैं क्या हाल होगा भूख का सारों ने पेट भर के खजूरें खाई और वो बच्ची जो खजूरें लेके आई थी जितनी उससे ज्यादा उसको पलटा के घर वालों के लिए वापस लौटा दी गई अल्लाह सुबहाना तआला की रजा के लिए जब ये जम गए थे ना और ये तकवा अल्लाह का कर रहे थे मुनाफिकों और काफिरों की अतात नहीं कर रहे थे अतात अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे थे और उन्होंने अल्लाह पर तो किया था तो फिर अल्लाह उनके लिए कफा बिल्ला ही वकीला बन गया था अल्लाह ऐसे ही करता है ये वो सारी की सारी मुशक्तें खंदक खोदने की और मैं आपको बताऊं कि शायद अभी भी आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये कितना मुश्किल मरहला था मैंने आपको खंदक का एक्सटेंट तो बताया लेकिन ये भी मैं आपको बताती जाऊं कि जो जमीन है ना मदीना की वो बहुत सख्त है बहुत सख्त शदीद सख्त ज़मीन है जो लावे के चटानों वाले पहाड़ साइडों पे है ना बेसिकली वो सारी मदीना की ज़मीन के नीचे भी हैं मदीना की अपनी बस्ती के ज़मीन के ऊपर अगर हल्की सी मट्टी की तय भी है ना तो उसके नीचे भी अक्सर हिस्से पे ये लावे की चटानें हैं मदीना की ज़मीन को खोदना एक इंतहाई मुश्किल मरला है और ये मुझे ख़ुद इस बात का तजुर्बा हुआ कि जब मैं एक मौके पर मदीना गई और वहाँ पर मस्जिद नबी की तोसी और एक्सटेंशन का काम हो रहा था तो वो खुदाई के लिए उन्होंने इतनी जोर वाली मशीनें और इतनी पावरफुल मशीन्स लगाई हुई थी कि उनके चलने खुदाई के प्रोसीजर, प्रोसीजर की वजह से सारा दिन मदीना की ज़मीन जो है ना वो कांपती रहती थी ऐसे लगता था कि लरजती है और उसमें वाइब्रेशन होती थी कि मशीनें इतना ज़ोर से वो काम करती थी सिर्फ नमाजों के वक्त में ये हुक्म था कि मशीनें बंद की जाएंगी वरना सारा दिन वो ज़मीन ऐसे लगता था कि उसमें ज़लजले आ रहे हैं और उसमें वाइब्रेशन रहती थी हम खुद उस साइड पर जहाँ पे, पे तोसी हो रही थी हम वहाँ पर भी गए और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे सुपरवाइजर्स उन्होंने बताया कि दुनिया की जो बेहतरीन मशीनरी है ना बेहतरीन क्रेने बेहतरीन फोक लिफ्ट जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और हीवी मशीनरी है ना वो वो सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ख़रीद के रखी है लेकिन मशीनों का हाल यह है कि कभी बेल्टें टूटती हैं कभी चेनें टूटती हैं कभी इंजन उनके जलते हैं और वह मशीनें जो हैं वो काम नहीं करती और उन्होंने कहा कि मदीना के बाहर एक ग्रेवयार्ड है जिसमें ये सारी की सारी मशीनें जो हैं वो पड़ी हुई हैं और बिल्कुल ज़ाया हो गई हैं और यहाँ तक उन्होंने बताया कि फोर मैनस जो इन मशीनों ऑपरेट करने के लिए जब हायर किए जाते हैं ना तो उनकी ड्यूटी के आवर्स को आधा कर दिया जाता है और उस आधी ड्यूटी में उनकी तनख्वाहों को वो जो सऊदी हुकूमत के रियाल हैं ना उनको डबल कर दिया जाता है तनख्वाहों पर फिर भी कोई इस काम पर नहीं टिकता आज के दौर की इस साइंटिफिक दौर की मशीनें काम मुश्किल कर रही थी उनके अफराद रियालों में तनख्वाहें लेने के बावजूद भाग रहे थे ये वो काम है कुव्वत बाज़ुए मुस्लिम ने किया काम तेरा ये मदीना की बस्ती के लोगों ने इस खंदक को खोदने का काम किया था तीन हफ्तों में खंदक खुद गई थी इस मुशक्क़त से जो आप ये रुदात सुनी आप जब वो दुश्मन के अहजाब आए तो वो उस पार थे इधर मुसलमान थे और दुश्मन हक धक हाँ, हेल्पलेस के अब हम क्या करें हम तो कुछ भी नहीं कर सकते पहला दिन बहुत मुशक्क़त वाला था मुसलमानों को बहुत स्ट्रेस थी क्योंकि वो ख़ंद की हिफाजत पर मामूर थे और लगातार इधर से उधर वो भाग रहे थे और हिफाजत कर रहे थे पहले दिन ये हुआ था कि उनके जो बड़े बड़े जंगी बहादुर थे ना उम्र बिन अबदूद का वाकत है वो और उसके साथ तीन चार और लोग अला अरबी नस्ल के घोड़ों पर जहाँ नस्बता ज़रा सी खंदक कम चौड़ी थी वहाँ से उन्होंने अपने घोड़ों को एड़ लगा के खंदक को अबूर कर लिया था और फिर इधर आके मुसलमानों को मुबाजरत के लिए ललकार रहा था, था। ज़त अली और, और दो साहबाक्राम गए थे और उन्होंने फ़ौर ढेर कर दिया था उनको और फिर जब इनकी लाशें पड़ी हुई थी तो उन्होंने खंदक के पार मुसलमानों को यह पैगाम भेजा था कि हमसे माल ले लो और हमसे पैसे ले लो लेकिन हमारे सरदारों की लाशें हमें वापस कर दो और आपने पैगाम दिया था अपने सरदारों की लाशें वैसे ही उठा के ले जाओ हम मैतों के सौदागर नहीं हैं बहरहाल ये रसूल अल्लाम का पहला दिन बहुत ही मुशक्त तलब था और ये वही दिन था कि ख़ंद की हिफाजत और निगरानी के पेश नज़र इतनी मसरूफ़ी थी कि असर की नमाज़ फौत हो गई थी हज़रतमर रजी अल्लाह तुब बुखारी में आता है कि रसूल अल्लाम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने उन्होंने जाहिर किया कि मेरी तो असर की नमाज़ छूट गई है आपको उस वक्त याद आया बशरी तकाजों पर यह काम हुआ था आपने फ़रमाया सर की नमाज़ तो हमारी भी छूट गई है और फिर इस मौके पर आपने फरमाया था इलाही उनके घरों को और उनकी क़बरों को आग से भर दे उन्होंने हमारी सलात वस्ताफौत करा दी तो ये वो सारे का सारा वाक्य अगर हम देखें और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीर वगैरह जो हैं वो इधर उधर से फेंकते थे और नेज़े फेंकने की कोशिश करते थे एक तीर का तस्करा आता है कि रईस ओस सातिन माज की जो टांग की बड़ी रग थी ना हफ्ते अंदाम की उसमें लगी थी जिसकी वजह से वो बहुत शदीद ज़ख्मी हुए थे इनकी आदत के लिए खेमा अलैहि वसल्लम ने अपने खेमे के साथ लगवाया था और इतना खून बहता था कि उनका खून बह बह के खेमे से बाहर आ जाता था ये वो खून था जो इन्होंने अल्लाह की राह में बहा दिया कि जिसके खून का एक कतरा गिरते सार शहीद के सारे गुना बख्श दिए जाते हैं ये वो सहाबा इक्राम है जिन्होंने ये वाजे कर दिया था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी जानों अपने जिस्मों से ज्यादा महबूब हैं महासरा तकरीबन 21 दिन के लिए जारी रहा और 21 दिन के महासरे के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एक खुतबा जो है उसका वाक़ा मिलते हैं और मैं आपको बताऊं कि मदीना के लोगों के लिए ये महासरा कोई आसान नहीं था बाहर से कोई खाने पीने के खुरदनोश का सामान रोज़मर्रा जिंदगी के इस्तेमाल का सामान भी नहीं आ सक रहा था और फ़करो फाक़ा भी बहुत माली क्राइसिस था इकनॉमिक क्राइसिस का भी शिकार थे ट्वेंटी वन डेज़ पहले खंदक के खुदने के लिए और फिर इक्कीस दिन जो हैं वो खंदक में महासरे के लिए तो तकरीबन छः हफ्ते गुजर गए अब जब इक्कीस दिन महासरे में गुजरे तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फिर अपना वाक़ सुनाते हैं वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सहबा कराम को रात के वक्त अपने ख़ेमे में जमा कर लिया और कैफियत बताते हैं रस ज़ैफ़ा फरमाते हैं कि बहुत तारिक रात थी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना घट्टा टोप अंधेरा था कि आसमान पर चांद भी नहीं चमक रहा था और सर्द बर्फीली तूफानी हवाएं जो हैं वो चल रही थी और मैं खेमे के बिल्कुल एक कोने में सुकड़ के बैठा हुआ था मेरे पास कोई लिहाफ़ भी नहीं था कोई सर्दी से बचने के कपड़े भी नहीं थे मेरे पास सिर्फ़ अपनी बीवी की एक पतली सी ओढ़नी थी जिसको मैं लपेट के जैसे कहते ना मलमल -मल का दोपट्टा सा था जिसको मैं लपेट के सुकड़ के सिमट के कोने में बैठा हुआ था आप सल्ह वसलम ने जब बात का सिलसिला शुरू किया तो आपने हालात का जायज़ा लेते हुए फरमाया कि देखो महासरा तूल पकड़ता जा रहा है और फाका और तंगियाँ बढ़ती चली जा रही हैं अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम में से कौन सा शख्स है जो दुश्मन की सफ़ों में से जाके मुझे ख़बर लेके दे के दुश्मन का क्या इरादा है मतलब अब हमारे लिए ये बहासरा लम्बा करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है ये काम वो शदाई जिन्होंने खंदकें खोदी थी गारे ढोए थे भूख काटी थी कितने शदाई थे लेकिन इन शदाइयों में ना इस वक्त में कोई एक भी नहीं उठा था कोई एक भी नहीं उठा खामोशी और कोई आवाज़ नहीं है सवाई उस तूफ़ानी आवाज़ आंधी के तो ज़ैफ़ा फरमाते हैं जब कोई नहीं उठाना ना तो फिर रसूल वसल्लम ना अपनी निगाह घुमाने लगे एज इफ लाइक ही वॉन्ट्स टू पिक आउट एनी वन फरमाते हैं कि जब निगाह घुमाते घुमाते ना मुझ पर आई तो आपने फरमाया हुईफ़ा अब ये क्या था कल ही हमने देखा ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया गया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने को तुम आम लोगों की तरह ना समझना अब पहले तो एक जनरल ऑर्डर था एक ओपन ऑप्शन और चॉइस थी अब तो स्पेसिफिकली नाम ले लिया गया ना ये तो हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर तो इनकार हो ही नहीं सकता अच्छा तो ज़ैफा फ़ौरन फरमाते हैं कहते हैं मैंने कहा कि या लबाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आगे बढ़ा आप सला वारिसम के करीब आए और मैंने कहा कि यह रसूल्ला सलाहवारी मैं मौत से नहीं डरता हूँ लेकिन मैं शहादत का मुतमन्नी हूँ बस मुझे एक ही फिक्र है कि अगर मैं दुश्मन के हथे चढ़ गया तो वो मुझे तख्त मश्क जुल्म का तख्त मश्क बनाएंगे और कहीं मेरा ईमान ना बिगड़ जाए बस आप खुद ही सोच सकते हैं ना कि इस मौके पे अगर कोई मुसलमानों का जासूस सीआईडी करता हुआ काफरों के हथे चढ़ेगा तो वो जो 21 दिनों से वहाँ बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं हेल्पलेस हैं अब जब कोई मुसलमान इनके हत्े चढ़ेगा तो वो क्या क्या नहीं करेंगे पूरा इंतकाम शायद इसी से नहीं लेंगे बस इसी चीज़ से साहबा डर रहे थे कि कहीं ईमान ना बिगड़ जाए हज़रतज़ैफ़ा फरमाते हैं आप सल्हे वम ने उसी वक्त अपने हाथ उठाए और आपने दुआ की इलाही हुज़ैफ़ा की आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हुजैफ़ा की हिफाजत कर बस कहते हैं ये दुआ का करना था कि वो जो पहली सर्दी सारी लग रही थी वो सारी सर्दी काफूर हो गई वो जाती रही और वो जो मेरे दिल में दुश्मन का खौफ और रोक था ना वो भी सब आनन फानन ख़त्म हो गया ये ईमान की हरारत मिल गई है ना सकीना भी हो गया और ईमान की हरारत मिल गई है बस इस दुआ के बाद मैं बड़े तसली और सकीना के साथ मैं खंदक से उतरा और फिर मैं खंदक पर चढ़ा हम्म आसान काम है अंधेरी रात और फिर तूफानी हवाएं बड़े इतमान से मैं खंदक के ऊपर चढ़ा अब खंदक के परले किनारे पर क्या था वहां पे तो मुहाफिजों से पिटी पड़ी थी भरा पड़ा था वो परला किनारा मुहाफों से दुश्मन के मुहाफों से वो जो खून के प्यासे थे अब अल्लाह सबाना ताल की तरफ से वही मदद जो अल्लाह के रसूल सलिन ने फ़रमाया ना कि तीन लोगों की मदद का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया उनमें से पहला कौन सा है मुजाहिद फी सभी वही मदद जो नबी सल वसिम की हिजरत में भी आई थी कि आप दुश्मनों की सफ़ों और कत्ल करने वालों की सफ़ों में से आप गुज़र गए थे सूरा यासीन की आयात पढ़ते पढ़ते यहाँ पर भी अल्लाह के हुक्म से वह सारे मुहाफ़ों को अल्लाह के हुक्म से ऊँग आई थी और हज़रत ज़ैफ़ा फ़रमाते हैं कि मैं उनकी सफ़ों में से गुज़र गया और मैं खुले मैदान में हिफाजत से पहुँच गया अब अगला मरहला कहते हैं मैं खुल् मैदान पे पहुंचा तो मैंने देखा तो हद निगाह तक एंडलेसली जाहिर है बारह हज़ार का लश्कर है खेमे ही खेमे थे अब मुझे कुछ पता नहीं कहाँ जाऊँ कहाँ जासूसी करूँ किधर हाथ डालूँ और कहीं जाऊँगा तो फिर पकड़ा जाऊंगा हद निगाह तक खेमे और हज़रत ज़ैफा Allah की मदद कैसे आती है महबूब है अल्लाह के इन अल्लाहन वादा अल्लाह का इन साबरी मुजाहिद मुजाहिदों की हिफाजत का जिम्मा ले चुका है कहते हैं पहले ही खेमे का पर्दा उठाया तो मैंने देखा अंदर एक बहुत बड़ी महफिल है और अबू सुफियान खड़ा हुआ बाकी कबीलों के सरदार मौजूद हैं और वहां पर कोई मीटिंग कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है ये अल्लाह है और ये अल्लाह के वे हैं अल्लाह अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता हजरत ज़ैफा कहते हैं मैं चुपके से बैठ गया अब मैं सुनने लगा वहाँ पे प्रोसीडिंग हो रही थी गुफ्तू हो रही थी एक मीटिंग गोया हो रही थी अगली जंगी जो लाए अमल है उसके डिसीजन के लिए अबू सुफियान ने कहा कि भाइयों महासरा बहुत लंबा हो गया है हम अगला आइंदा आए, अमल जो है उसका फैसला करते हैं फिर थोड़ा सा सोच के अबू अबूसुफियान ने अपनी चाल चलने की कोशिश की था बड़ा समझदार उसने कहा कि भाइयों हम मुख्तल कबीलों के लोग हैं हम सब एक दूसरे को नहीं पहचानते एन मुमकिन है कि हमारे अंदर दुश्मन का कोई जासूस न घुस गया तो भाइयों मेरा मशवरा है तुम सब ऐसे करो हर ख्स अपने दाएं बाएं बैठे हुए शख्स की उसकी शनाख्त और उसकी तहकीक कर ले अब थोड़ा सा वक्त दिया अब इस पर हजरत फरमाते हैं कि जब मैंने अपने दाएं बाएं देखा तो मैंने कहा मारा गया मारा क्यों गया हु क्योंकि मैंने अपने दाएं बाएं उन दो लोगों को देखा जिनके हवाले से रसूल वसल्लम के अल्फाज मेरे कानों में गूंज गए कि आप फरमाया करते थे कि दो लोग राहियतुल अरब है अरब के सबसे सियाने अरब के सबसे सियाने समझदार और जीरक दो लोग अमर इब्न उलास और अमीर माविया दोनों मेरे दाएं बाएं मैंने कहा मारा गया हुसैफ़ जैफा कहा मारा जाए जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके अल्लाह ने तो मदद का जिम्मा लिया वह अज़ात ज़ैफा फरमाते हैं अल्लाह ने पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत और हौसला दिया कि वो जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस की मार मारना मैंने बड़े होश के साथ अपने बाई तरफ हाथ उस शख्स की रान पर मारा और मैंने कहा तेरा क्या नाम है उसने कहा अमर इब्न अलास दूसरे से पूछा उसने कहा मीर माविया और कहते हैं कि अल्लाह ने उन दोनों और अरब के अकलों पर ऐसा पर्दा डाला कि उनको मेरा नाम पूछना ही भूल गया और फिर कहते हैं कि मैं वहाँ बैठा रहा और अबू सुफियान ने इसके बाद अपना बात की और उसने कहा कि भाइयों हमारा मुहासरा बहुत तूल पकड़ता जा रहा है और हमारे जानवर मरते जा रहे हैं और सर्दी और तूफ़ान की वजह से हमारा खाना भी अब ख़त्म होता जा रहा है और पीछे से कोई कमक या किसी मदद के आने का इम्कान भी नहीं है मेरा मशवरा यह है यहाँ मज़ीद बैठने का कोई फ़ायदा नहीं चलो पलट चले वाह ये तो ज़बरदस्त खबर थी हज़रत वैफ़ा इस ख़बर को लेकर खुशी खुशी वापस खंदक से उतर के रसूल अल्ला वम की खिदमत में हाजिर होते हैं ये खुशखबरी जासूसी की सुनाते हैं आप सल्हस भी बहुत खुश होते हैं हसरतफ़ा फ़रमाते हैं कि ये वो रात थी कि अल्लाह के रसूल सल्हल वसलम ने इस रात मुझे अपनी कम्बली दे दी सोने के लिए हा? और मैं रसूल अल्लाह सलि वसम की कम्बली लेकर इतने मज़े से सोया मुझे इतनी मज़े की नींद आई कि सारी ज़िंदगी शायद मुझे इतनी मज़े की नींद नहीं आई मुझे तो जगाया रसूल सल्ला ने फजर के वक्त मेरे पास आप तशरीफ फरमा थे और बड़े प्यार से मेरा सर सहला रहे थे और मुझे कह रहे थे नौमान ए नींद के मतवाले या उठ जाओ ना तो ये वो फतह का तरीका कि फिर इसके बाद रात को बहुत सवेयर और इंटेंस वो ठंडा स्टाम और तूफ़ानी हवाएं दुश्मनों के सारे खेमे जो हैं वो उखड़ जाते हैं उनका सारा सामान उनके उनके जानवर भी सारे खुल के भाग जाते हैं और ये मैदान जंग सुबह ख़ाली होता है सुबह जब मुसलमान उठते हैं खेमे उखड़े पड़े हैं जानवर भागे हुए हैं और बर्तन बिखरे हुए है, हैं सारा सामान बिखरा हुआ छोड़ के मुश्किन और यहूदियों का लश्कर वापस पलट जाता है मुसलमानों को बिल्कुल गिने चुने जख्म कोई भारी नुकसान नहीं लेकिन अल्लाह सुबह ने मुसलमानों की कफा ही वकीला खौफ दुश्मनों का नहीं। खौफ से किया था जिन्होंने अतरून मुनाफिकों की नहीं अत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सलम की करके तवक्ल किया था अतात भी की थी तवक्ल भी किया था सबर से जमे थे तो फिर Allah की मदद आई थी अल्लाह वकील भी बना था, अल्लाह मुहाफिज और निगरान भी बना था। असूल वही हैं, अल्लाह असूल सिर्फ समझने नहीं इनको लोगों तक पहुंचाने की भी तोफ़ी करमाए अब इस पस मंजर में इंशाला आयात को पढ़ते जाएंगे तो समझ आती जाएगी अल्लाह सुबहाना तला फरमाते हैं आयत नंबर नौ ए लोगों जो ईमान लाए हो याद करो अल्लाह के एहसान को जो अभी अभी उसने तुम पर किया कब जब लश्कर तुम पर चढ़ आए थे तो हमने एक सख्त आंधी भेज दी थी और ऐसी फौजें रवाना की थी जो तुम्हें नज़र नहीं आती थी अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस वक़्त कर रहे थे जब वो ऊपर से नीचे से तुम पर चढ़ आए थे जब खौफ के मारे आँखें पत्थर आ गई थी कलेजे मुँह को आ गए थे और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे थे उस वक्त ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए थे पूरी तरह ख़िला मारे गए थे याद करो वो वक्त जब मुनाफिकीन और वो सब लोग जिनके दिलों में रोग था साफ साफ कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादे किए हैं वो तो फरेब के सिवा कुछ नहीं है जब उनमें से एक गुरु ने कहा यसरब के लोगों तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई मौका नहीं है पलट चलो हाँ जी ये ज़रा मेरी घड़ी का टाइम देख लें और उसको सेट कर दें ये जो वाक्य आया ये कहाँ का आया कि तुम पलट चलो आगे भी अल्लाह फरमाता है कि जब उनका एक फरीक ये कहकर नबी से रुखसत तलब कर रहा था कि हमारे घर ख़तरे में ये रुदात है बुनियादी तौर पर वही गजबाए खंदक के दौरान मैंने आपको बताया कि दो यहूदी कबीले बनो नज़ीर और बनो कैनका ये तो हमला आवरों में शामिल थे तीसरा यहूदी कबीला अभी मदीना ही में रह रहा था बनकर क्रैज़ा का कबीला और ये अभी अमन माहिदा भी मुसलमानों के साथ था लेकिन आगे जब उन लोगों ने क़याम किया और मुसलमानों का वो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं कर सके तो उस वक्त बन नज़ीर के सरदार होयई बिन अख्तब ने बनु कुरैजा के सरदार को पैगाम भेजा कि देखो हम खंदक के पार हैं हम कोई नुकसान नहीं कर सकते तो तुम ऐसे करो कि आगे से हम हमले की कोशिश करते हैं पीछे से तुम हमले की कोशिश करो और जब तुम पीछे से और हम आगे से हमला करेंगे तो एक दफ़ा इस्लामी रियासत का कला कमा कर मिल मिल कर करने में हम कामयाब हो जाएंगे बनु कुरैजा ने भी मदीना की बदहदी का इरादा कर लिया और मुसलमानों पर पीछे से हमला करने पर मायल हो गए और मदीना के ये जो यहूदी थे बनु कुरैजा के ये मदीना की गली कूचों में हालात का जायजा लेने के लिए घूमने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि इस इस तरह वो यहूदी पीछे से हमला करने का इरादा कर रहे हैं तो आपने अपनी तहक़ीक के लिए सहाबाक राम को भेजा हालत कुछ ऐसी ही थी हवा कुछ बदली हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ख़ुतान को और बच्चियों को एक किले में महसूर कर दिया ताकि वो महफूज हो जाएं और ये वो किले ही का वाक्या है कि जब हज़र सफ़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी उस क़िले में थी और औरतें और बच्चे भी उस क़िले में थे तो एक यहूदी जो है वो वो दीवार को अबूर करके आया और जो मुहाफ़िज थे उस क़िले के, के हज़रत हसान बिन साबित अलैहि वसल्लम के शायर भी थे हज़रत सफ़िया ने उनसे फ़ौर ही कहा कि इसको कत्ल कर दो तो उन्होंने कहा कि मैं तो शायर हूँ मेरा तो दिल पहले ही बड़ा कमज़ोर है अगर मेरा दिल जरा मज़बूत होता तो मैं मैदान जंग में ना चला जाता इसीलिए तो मैं पीछे रह गया मेरे असाब भी कमज़ोर हैं मेरे हवास भी कमज़ोर हैं

दीवार से ऊपर उस सर को परली तरफ फेंक दिया वहां यहूदी सिपाही मंडला रहे थे उन्होंने सोचा पता नहीं अंदर कितनी बड़ी फौज? फौज कौन थी? एक जरूरतमंदी रसूल की और फिर यह एक खातून पूरे के पूरे, के पूरे किले की खातन की मुहाफ़ और निगरान बन गई हमें ऐसी खातून इस्लाम बनने की तोहफी फरमा बहरहाल अब जब ये गैर महफूज था तो उस पर ये आयत नाजिल हुई थी मुनाफिकी रसूल वसल्लम से दरख्वास्तें कर रहे थे कि हमारे बीवी बच्चे अब गैर महफूज हैं हमें वापस जाने दें तो उस पर अल्लाह ने जवाब दिया कि वो कह रहे थे कि हमारे घर ख़तरे में हालांकि वो ख़तरे में नहीं थे दरअसल वो महाज से भागना चाहते थे अगर शहर के अतराफ़ से दुश्मन घुस आए होते और उस वक्त उन्हें फितने की तरफ़ दावत दी जाती तो ये इसमें जा पड़ते और मुश्किल ही से उन्हें शरीक फितना होने में कोई तामुल होता इन लोगों ने इससे पहले अल्लाह अहद किया था कि ये पीठ नहीं फेरेंगे और अल्लाह से किए हुए अहद की बाज़ुरश तो होनी ही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो अगर तुम मौत या कत्ल से भागोगे तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ नफा बख्श नहीं होगा इसके बाद ज़िंदगी के मज़े लूटने का थोड़ा ही मौका तुम्हें मिलेगा उनसे कहो कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता हो अगर वो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे और कौन उसकी रहमत को रोक सकता है अगर वो तुम पर मेहरबानी करना चाहे अल्लाह के मुकाबले में तो ये लोग कोई हामी व मददगार नहीं पा सकते अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो चंग के काम में रुकावटें डालने वाले हैं जो अपने भाइयों से कहते हैं आओ हमारी तरफ जो लड़ाई में हिस्सा भी लेते हैं तो बस नाम गिनाने को तुम्हारे साथ तुम्हारा साथ देने में भी सख्त बकील हैं ख़तरे का वक्त आ जाए तो इस तरह दीदे फिरा फिरा के तुम्हारी तरफ़ देखते हैं जैसे किसी मरने वाले पर खशी तारी हो गई हो मगर जब ख़तरा गुजर जाता है तो यही लोग फ़ायदों के हरीस बनकर कैंची की तरह चलती हुई ज़बानें लिए तुम्हारे इस्तबाल को आ जाते हैं ये लोग हरगिजी मान नहीं लाए इसलिए अल्लाह ने उनके सारे अमाल ज़ाया कर दिए और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है ये समझ रहे हैं कि हमला आवर अभी नहीं गए जब चले भी गए थे ना तो मुनाफिकीन डर रहे थे कि नहीं वो अभी नहीं गए अगर वो फिर हमला आवर हो जाए तो उनका जी चाहता है कि इस मौके पर कहीं सहरा में बद्दुओं के दरमियान जा ठहरें और वहीं से तुम्हारे हालात पूछते रहें तमाम अगर ये तुम्हारे दरमियान रहेंगे भी ना तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लेंगे दर हकीकत आयत नंबर ट्वेंटी वन लकान लकुम्फ़ी रसूल्ला हसन तुन तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल अलैहि वसल्लम के नमूने में एक बेहतरीन नमूना है सबके लिए नहीं हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखरत का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे रसूल सलम का उसवत हसनतुन तमाम मुसलमानों और मोमिनों के लिए बेहतरीन नमूना है इसी को आइडलाइज़ इसी को ग्लैमराइज़ इसी को कॉपी और इसी की इत्तिबा करनी है आप जन्नत के मुसाफिर जन्नत के राखी जन्नत के रहनुमा इन्हीं के पीछे चलना जन्नत का रास्ता इन शक़ीनी बनाएगा और अगर आप मैदान खंदक में भी देखें तो यहाँ पर भी, भी कितना बेहतरीन रोल मॉडल है बहसीयत एक सिपा सलारज़म आप खंदक को खोद भी रहे हैं गार ढो भी रही हैं जो खंदक किसी से नहीं खोदी जा रही आप सबको खोद के दे रहे हैं भूख में भी इकट्ठे हैं खाने में भी इकट्ठे हैं तो ये सारे नमूने के गज़वाय एहजाब में भी नजर आते हैं अल्लाह ने फ़रमाया कि सच्चे मोमिनों का हाल उस वक्त ये था कि जब उन्होंने हमला आवर लश्करों को देखा तो वो पुकार उठे ये वही चीज़ है जिसका अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम में हमसे वादा किया था अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सच्ची थी उस वाक़ ने उनके ईमान और उनकी सपुरदगी को और ज़्यादा बढ़ा दिया ईमान लाने वालों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए को सच्चा कर दिखाया है इन से कोई अपनी नज़र पूरी कर चुका है और कोई वक्त आने का मंतज़र है उन्होंने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं की क्यों ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई की जजा दे और मुनाफिकों को चाहे तो सजा दे और चाहे तोबा कबूल कर ले वो गफूर रहीम है अल्लाह ने कुफार का मुंह फेर दिया वो कोई फायदा हासिल किए बगैर ही अपने दिल की जलन यूं ही लेकर पलट गए और मोमिनों की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला जबरदस्त है आयत नंबर ट्वेंटी सेवन फिर अहले किताब में से जिन लोगों ने हमरा आवरों का साथ दिया था यहाँ से आगे अब इस आयत में गजवाए बनू कुरैजा की रुदाद मुख्तरा बयान की गई है अभी मैंने आपको बताया कि दो कबीले तो बदहदी की वजह से यहूदियों के पहले ही निकल चुके थे और खैबर में मुकीम थे और इन एहसाब में हमला आवर हो रहे थे तीसरा कबीला जो था वो बन कुरैसा का अभी तक मुआहिदे में थे लेकिन इन्होंने बदतैदी की अब चूंकि इन्होंने बतैदी की तो इनके साथ भी अब अल्लाह की तरफ़ से जंग का हुक्म आया ये कब आया जब पूरे छः हफ्तों के बाद तीन हफ़्ते खंदक खुदने के और तीन हफ़्ते मुहासरे के छः हफ़्तों के बाद ये लश्कर थका हारा बहुत ही एक इतनी तवील पीरियड के बाद जब वापस अपने घरों में पहुँचा यहाँ तक कि सल्लल्लाहु सल व्म भी पहुंचे अभी अपने हथियार रखे ही थे तो साथ ही हजरत इब्राहिल तशरीफ़ ले आए और उन्होंने कहा कि आपने अपने हथियार रख दिए हमने तो अपने हथियार नहीं रखे और फिर यहाँ पर वही का हुक्म दिया गया कि अल्लाह सबल तरमा रहे हैं कि आप फ़ौर बनु कुरैजा का कि उनकी बस्ती का मुहासरा करें और उनके साथ जिहात और किताल करें यह हुक्म आसान नहीं था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ला ने फ़ौर समेना वतवाना अतील्ला का ज़बरदस्त मामला आपने किया और आपने उसी वक़्त ऐलान कर दिया मनादी करवा दी गई पूरी मदीना की बस्ती में और आपने फरमाया कि जो जो शख्स जो जो शख्स अभी तक समा और अतात पे कायम है उन सब को चाहिए कि वो सब के सब लोग वापस आ जाएं। हम अपनी असर की नमाज कुरैज़ा के मुहासरे में अदा करेंगे छोटी बात नहीं थी ये वो लोग जो अभी मुश्किल से कितने कितने हफ्तों के बाद ये मुजाहिद अभी अपने घरों में पहुंचे थे अभी तो शायद इनकी माओ ने इनके सरों पे प्यार से हाथ भी नहीं फेरा था इन्होंने अपनी टांगों से लिपटने वाले बच्चों को शायद अपनी गोद में भी नहीं उठाया था ये तो शायद अपने बिस्तरों पे बैठ कर इन्होंने घर का ताज़ा खाना भी नहीं खाया था और उधर ही से वो वापस लबैक लबैक कहते हुए निकल गए छोटी बात नहीं थी ऐसे रोज झूम जाती है इनके रवैये साहबाक्राम के देखकर और मैं आपको बताऊं ये सहाबा इक्राम तो निकल गए थे लेकिन घर वाले भी तो मुआविन थे इनकी टांगों से इनके बच्चे भी नहीं लिपटे उन्होंने भी कर रुकने की दरख्वास्त नहीं की ना बीवियों ने रोका असल बात यह कि बच्चों ने इसीलिए नहीं रोका था ना कि अजवाज भी दीन की मददगार मौजूद थी घराने पूरे के पूरे वो थे जो उद फिर सिल में काफ़ा करके एक दूसरे के दीन के मामला में एक दूसरे के मुआविन और मददगार और पुश्तीवान बन गए थे ये पूरे का पूरा लश्कर फिर मुहासरा करता है को कैज़ा का जब इस शान की अतात जब इस शान की अतात और इतना हो, तो फिर अल्लाह की मदद ख़ास शक्ल में आ जाती है बनो क़ुरु रैज़ा का मुहासरा मुसलमानों ने कर लिया वहाँ जा इन्होंने अपनी असर की नमाज अदा की बनकर कुरैजा के वो यहूदी उनके पास इतने किले थे इतनी गड़ियाँ थी कि अगर मुसलमान कोशिश भी करते तो ये मुट्ठी भर जमात उनके किलों को कुछ भी नहीं कर सकते थे और वो इन क़िलों में अगर पूरा साल भर भी बैठे रहते ना तो पूरे साल भर के मुहासरे में भी उनका खाना और खुराक जो उन बस्ती वालों के पास थी उनकी गड़ियों और क़िलों में थी वो पूरे साल के मुहासरे में भी उनकी खुराक काफ़ी थी लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में रोक डाल दिया अल्लाह ने दिलों में रोप डाल दिया और उन्होंने हथियार फेंक दिए बिला जंग मुसलमानों को फता हुई बनूक रेजा में और फिर जब बनो कुरैज़ा से यह पूछा गया कि इनका मुकदमा फ़ैसला कैसे किया जाएगा तो चूँकि नबी वम की हिजरत से पहले औस के हरीफ़ कबीला बनो कुरेजा का कबीला था तो इनका ख्याल था कि ओस के सरदार सात बिन माज कि हमारी हमायतें उनके साथ रही हैं पहले तो अगर हम उनसे फ़ैसला करवाएँगे तो शायद हमें नरमी का फ़ैसला मिलेगा तो नबी सलम से उन्होंने दरख्वास्त की कि हमारा फ़ैसला हजरत सात बिन माज से करवाया जाए अभी मैंने आपको बताया ना कि सात बिन माज की टांग पर वो जख़म तौर ख़ून बहुत कसरत से बहता था तो जब ये वापस अभी मदीना पहुंचे ही थे तो रसूल ने इनको हकम बनाने और सालिस बनने के लिए घर वालों ने भी नहीं रोका वो खुद भी नहीं रुके यहाँ तक हाल ये था के पाँँ पाँँ चल के नहीं आ सकते थे गदे पर डाल के हजर सात बिन माज को लाया गया था और साबा फरमाते हाल उनका यह था कि जिस रस्ते से हजर बिन माज आ रहे थे उस पर खून के कतरे गिरते जा रहे थे। लेकिन रसुल्लाहलम ने बुलाया ना इनकार हो कैसे जा इनकार हो कैसे सकता है बिन माज और उनकी तौरात के मुताबिक फिर उन्होंने फैसला किया और ये यहूदियों एक्सपेक्टेशंस के बहुत खिलाफ था। वो तो थे कि शायद हमें कोई नरम फैसला मिल जाएगा अपनी गुजशत की जो हमारी उनके साथ वफादारियां थी जो तौरात के अहकाम के मुताबिक फैसला यह किया गया था कि इनके मर्दों को कतल कर दिया जाएगा इनकी औरतों को लॉन्डी गुना बनाया जाएगा और फिर इनकी सारी इमलाक के ऊपर कब्जा किया जाएगा बहुत से लांडी गुलाम बने थे और फिर इन्हीं इसी गए को रज़ा के मौके पर रसूल अल्लाह सल वसम के हरम में हज़रत रेहाना बिन तशमून इनको भी एक लांडी की शक्ल में दाखिल किया गया था वाक्य पढ़ें अल्लाह उनकी घड़ियों से उन्हें उतार लाया उनके दिलों में ऐसा रूप डाल दिया कि आज उनमें से एक गुरोह को तुम कत्ल कर रहे हो किसको? मर्दों को कत्ल और दूसरे को कैद ये कौन थी औरतें और बच्चे उसने तुम्हें उनकी ज़मीन और उनके घरों और उनके अम्वाल का मार वारिस बना दिया और वो इलाक़ा तुम्हें दे दिया जिसे तुमने कभी पामाल नहीं किया था अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है आयत ट्वेंटी एट रकू नंबर चार ए नबी सल वसम अपनी बीवियों से कहो अगर तुम्हें दुनिया और उसकी जीना चाहिए तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूँ और अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल असलम और दार आख़रत की तालीब हो तो जान लो कि तुम में से जो नकुकार हैं अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है ये असल में वाकया बनो कुरैज़ा और बनो ख़ंदक के गजवाए कुरैज़ा और गजबा ख़ंदक़ के बाद ये वाक़ जो हुआ और क्या हुआ बहुत ढेर सा माले गनीमत ये यहूदियों की बस्ती में से भी ढेर सा गनीमत और वो जो अहज़ाब इतना माल लेकर आए थे उनका भी माले गनीमत ढेर सा माले गनीमत इन दोनों गजबात में मुसलमानों को मिला मालिक गनीमत की तकसीम का तरीका मैं पीछे बता चुकी हूँ सुरान फाल में कि एक बटा पाँच हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अल्ला वल्लम के लिए मखसूस और उस में से फिर आधा रसूल अल्ला वम के लिए अजवाज मतहरा और घर के अखराजा के लिए क्योंकि आप हम वक् दिन के काम में मसरूफ़ फ़िक्र माश का कोई आपके पास काम वक्त नहीं था तो अजवाज मतहरा का एक जायज़ हद तक नान नफ़ा इस एक बटा पाँच के आधे हिस्से में से निकाल लिया जाता था और फिर जो ज़रूरत से ज़ायद था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में से भी वो गरीबों फ़कीरों फ़कीनों और उनके जरूरतमंद रिश्तेदारों को दे दिया जाता था अब इतना माल मालिकनीमत आया तो जो मुनाफिक औरतें थी जिनके दिलों में माल की मोहब्बत होती है ना ये मुनाफिक औरतें जो है ना उस वक्त तक अभी मुनाफिकों के चेहरे बेनकाब नहीं हुए थे चेहरे तो जाके तबूक में बेनकाब हुए था ना मुनाफिक मर्दों और, और औरतों के अभी ये सब कुछ रले मिले घुले मिले सब एक दूसरे से सोशली इंटरेक्ट करते थे मुनाफिकों की कुछ औरतें मोमिन के साथ उठती बैठती मिलती जुलती थी इन मुनाफिक औरतों ने उम महातमिन के दिलों में एक ख्याल और वसवसा डाला और ये मशवरा दिया मुनाफिकों के मशवरे भी तो उनके जैसे ही होते हैं ना उन्होंने मशवरा दिया कि इस दफ़ा बहुत सा मालिक गनीमत आया आपस वाज मुता क्या करें नबी सल्ह वसम से अपने नान नफ़के में इजाफे का मुतालबा कर लें ये मुनाफिकाना दोस्तों से जो मशवरा आया ये मशवरा महातलमोमिन के दिलों में जगह पकड़ गया और उन्होंने अजवाज मतहिरात ने ना नफ़े के इजाफे का मुतालबा कर लिया ये है मुनाफिका ना सोबत और माहौल का नतीजा इसलिए अल्लाह सुबहाना ताली गाहे ब गाह हमें क़ुरान में मुनाफिकों की सिफात दिखाता है इसलिए नहीं दिखाता है कि हम किसी किसी के ऊपर लेबल और टाइटल लगाते जाए इसलिए दिखाता है कि हम उस सोबत को उस वलायत को समझ के उससे वलायत से गुरेज़ और परहेज़ करें ताकि हमारा ईमान ना बिगड़ जाए हमारा इस्लाम ना ख़राब हो जाए ओ महातमिन फिर कैसे मुतालबा करती हैं वाह क्या आता है रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के सहन में तशरीफ़ फरमाते और आपकी अजवाज मतहरा उस वक़्त आपके अकद निकाह में चार अजवाज मतहरा थीं हजरत सौदा हजरत आयशा हजरत खबसा और हज़रत हज़रतम्म सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये चार अजवाज मतहरा चारों आपके इर्द गिर्द तशरीफ़ फ़रमाएँ और उधर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हजरत उमर रजी अल्लाह तहु ये दोनों ज़ाहिर है दो दो अजवाज मुतरा के वालिद हैं ये दोनों ये दोनों वालिद आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन प्यारे साथियों को देखकर और अपनी जवाजाओं के वालिदों को देखकर एक शक्ल में शिकवा करते हैं कि ये देखो ये सारी जो है ना वो मुझसे नान नफ़े में इजाफे का मुतालबा कर रही हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तु भी अपनी साहिबजादी को समझाते हैं लेकिन हज़रत अबू उमर रजी अल्लाह तु तो हजरत हफ् रजी अल्लाह तह को बड़ी खफगी से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम बाज़ आ जाओ और आइंदा अगर तुम्हें कभी अखराजा की ज़रूरत हो तो रसोलम को परेशान न करना मुझसे मुझसे मदद मांग लेना बहरहाल ये एक मामला ना नफ़के में इजाफ़े का मुतालबा और फिर एक और मुतालबा जो इन शाला तहरीम में और शुर मु मुनाफिकून में जा के बात होगी ये दो तीन वजूहत कुछ मोमिनीन की तरफ से ऐसी हुई जिसकी वजह से इनकी अब तरबियत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वलम ने खफगी का इजहार करने और उनके तजकिया करने के लिए उनके साथ इला कर लिया एक महीने के इला की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई थी और इला करने के बाद फिर आप अपने बाला खाने में तशरीफ़ ले गए थे आपने एक महीने के इला की कसम खाई थी और फिर आप उनतीसवें दिन जब वापस आए थे तो हज़र आयशा रज़ी रील तह ने पूछा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो एक महीने की इला की कसम खाई थी अभी तो उनतीस दिन हुए आपने फरमाया आयशा कुछ महीने उनतीस दिनों के भी होते हैं आपने ये इला की ईला के बाद अब वापस तशरीफ लाए और उसके बाद ये तखैर इसे हक तलाक कहते हैं तखैर भी कहा जाता है तखीर भी कहा जाता है राइट ऑफ डाइवोर्स की ये आयात अल्लाह के रसूल सल अल्ला वलम पर नाजिल की गई थी और अल्लाह ऑप्शन दे दी थी मोमिनीन को कि अगर चाहती हो तो रसोल सल वम के साथ ज़िंदगी कैरी ऑन कर लो लेकिन अगर नहीं चाहती तो रसोल्ला सल्ह को कहा गया था कि आप ऑप्शन दे दें कि मैं कुछ दे दिला के रुखसत कर लेता हूँ यह आयात के नाजिल होने के बाद ईलाज से उतरने के बाद ये आयात नाजिल हुई आपशा रज़ी अल्लाह तह के पास तशरीफ़ ले गए और आपने उनसे कहा फ़रमाया कि मैं अभी कुछ कुरान के हुक्म सुनाऊंगा और मैं तुमसे ये बता दूं पहले ही कि जवाब देने में जल्दी ना करना अपने वालदेन से मशावरत कर लेना लेकिन फिर जब आपने आयात सुनाई तो शी वो सो क्लियर इतनी क्लैरिटी थी हज़रत आयशा रज़ील्ल्ल को कि उन्होंने फ़ौरन ही जवाब में बता दिया कि मैं रसूल अल्लासम के साथ रहने को तरजीह देती हूँ फिर आप बाकी उमायतलमिन के पास भी तशरीफ़ ले गए और उन्होंने भी यही जवाब दिया तो ये हक तलाक और तखैर का वाक़ है और इला का वाक्य है जो इन आयात के पस मंजर में अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है और तुम से जो अल्लाह और उसके रसूल सल असलम की अतात करेगी और नकमल करेगी उसको तो हम दोहरा अजर देंगे और हमने उसके लिए रिस्क करीम मुहैया कर रखा है ये क्यों दोहरा अजर और दोहरा अजाब क्योंकि वो महातुलमोमिन सारी उम्मत की ख़वातिन के लिए रोल मॉडल्स हैं वो रोल मॉडल्स हैं जिनको उम्मत की माएँ बहनें बेटियाँ देख कर कापी और आइडलाइज़ करती हैं तो इसलिए उनके लिए ये मामला जो है वो क़ुरान के ज़रिए वाजे किया गया आयत नंबर थर्टी टू नबी सल्हल वसम की बीवी हो तुम आम औरतों की तरह नहीं हो क्या फ़र्क है वो रोल मॉडल्स हैं फॉर द लेडीज़ ऑफ़ उम्मा तुम आम औरतों की तरह नहीं हो अगर तुम तो अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जबान से बात न करो क्यों क्योंकि दिल की खराबी का मुबतला कोई शख्स लालच में पड़ जाएगा कोई गलत इरादा तुम्हारे साथ कायम कर लेगा और फिर ऐसे बात ना करो तो कैसे करो वकुल मारूफ़ा, बल्कि साफ सीधी बात करो कुरान का एक दस्तूर बहुत ज़्यादा दफा नज़र आता है कि अल्लाह जहाँ एक डोंट बताता है कि ऐसे ना करो तो फिर कैसे करो वो भी अल्लाह साथ ही बता देता है ये हुक्म अल्लाह अल्ला बुनियादी तौर पर मुखातिब करके तो उमा हाथ ममोमिन को दे रहा है लेकिन उनके तवसुत और उनके ज़रिए से ये उम्म की तमाम ख़्विन को पैगाम दिया जा रहा है किस हवाले से कि अगर मुसलमान ख़वात किसी नाम महरम मर्द के साथ रिलेट करें कॉन्वर्सेशन या गुफ्तु करें तो उनका अंदाज कैसा होगा असल बात ये पहली चीज़ जो हाई मैं करूँगी वो ये कि बहुत दफ़ा ये तसवर के मुसलमान ख़वान के लिए नामहरम मर्दों से बात करने की इजाज़त ही नहीं है और ममानियत है ऐसा तसवर नहीं है हमारा दिन बहुत प्रैक्टिकल है बहुत बैलेंस दिन है आप देखें कि खातान ने बाजारों में भी जाना है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी लेनी है और बहुत से और ज़िंदगी के ऐसे शोबे हैं जहाँ पर उनको इंटरेक्शन ज़रूरी होगा तो लिहाजा इजाज़त बात करने की इजाज़त है कैसे पता चल रहा है अल्लाह बात करने का तरीका सिखा रहा है और तरीका उसी चीज़ का सिखाया जाता है जिसका कॉन्सेप्ट इजाज़त मौजूद हो अगर इजाज़त ही ना हो तो फिर तरीका सिखाने का मकसद क्या तरीक़ा इसीलिए सिखाया जा रहा है कि दिस इज़ परमिसेबल इन इस्लाम कि एक मुसलमान औरत एक बताए हुए चार्टर और तरीक़े के मुताबिक ना महरम मर्दों के साथ गुफ्तगू भी कर सकती है और इंटरेक्ट करके बात भी कर सकती है अब तरीक़ा क्या बताया जा रहा है कि जब तुम किसी ना महरम मर्द के साथ बात करो तो तभी जबान में ना करो क्या समझाया जा रहा है कि इंटरेक्शन में गुफ्तु का तरीका जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही नरम बहुत ही पुलाइट बल्कि एक्स्ट्रा पोलाइट लूचदार तरीके से लटक लटक के लाड नखरे के साथ प्यार के अंदाज में जो है वो तुम ना मैरम के साथ बात ना करो मिसाल देने के लिए कई दफ़ा मैं बातें हाई लाइट इसलिए करती हूँ कि हकीकत समझ में आ जाती है अपने माशरे की अक्सी भी हो जाती है जैसे वो एयर होस्टस को बस होस्टस को वो रिसप्शनिस्ट को सेक्रटरीज को वो टी वी के अनाउंसर्स को बग़ैर वजह के हंस हंस के गुफगू करने का तरीका सिखा दिया जाता है सोशली उनको ज्यादा प्रजेंटेबल तरीके से कन्वर्स करने का तरीका तो वो जो लूचदार गुफगु है जिसकी वजह से अगर तुम्हारे वो लाड नखरे और प्यार की गुफ्तु का तरीका होगा तो कोई शख्स किसी बदगुमानी उसको लगेगा शायद तुम उसको किसी गलत काम की तरफ दावत दे रही हो या माइल हो या कायल हो तो उसका उसका दिल किसी गलत चीज़ की तरफ जो है वो माइल ना हो जाए और मैं आपको बताऊँ कि ये सिर्फ बात करने का अंदाज़ नहीं है बात करने का मौजू भी इंपॉर्टेंट है अल्लाह ने कहा कि इस अंदाज़ में बात ना करो तो कैसे करो La Marufa. एक मुसलमान औरत जब किसी दूसरे ना मेरे मर्द के साथ इंटरेक्ट करेगी तो एक तो ये सब कुछ नहीं करेगी उसकी बात का अंदाज़ सीता साता क्लियर कट दो टोक ना फालतू बात ना खराफात ना ला यानी गुफ्तु गु। टू द पॉइंट जितनी बात ज़रूरी है वो उतनी टू द पॉइंट कॉन्वर्सेशन होगी और वो सीधे साधे तरीके से होगी और उसमें उसमें किसी किस्म का झोल नहीं होगा और मैं आपको बताऊं कि मौजू भी ठीक होगा बात के अंदाज़ भी ठीक होंगे और बॉडी लैंग्वेज भी ठीक होगी कई दफा बात करने का अंदाज ठीक होता है लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है वो बाहया नहीं होती तो पूरे का पूरा चैप्टर सिखा दिया जा रहा है और उसमें अंदाज हया का समझाया जा रहा है और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसमें बद अखलाक़ी भी नहीं होगी बद अख्लाक़ी और बदजबानी भी नहीं होगी किसी किस्म की चरब ज़बानी भी नहीं होगी और सख्ती और दरश्तगी का अंदाज़ भी नहीं होगा हो लेकिन ये सारे अखलाक के मुताबिक ये बात वही है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अगर हम कुरान की तलीमत और हया की तलीमत इस्लाम में देखें तो ये पूरे का पूरा एक पैकेज है पूरे का पूरा एक चार्टर है अल्लाह सिर्फ़ हमें हया का एक लिबादा और एक निकाब का टुकड़ा नहीं हुक्म दे देता हमें चलने का बोलने का देखने का इंटरैक्ट करने का तन्हाई का जुदाई का लिबास का पूरे का पूरा चार्टर सिखाया जाता है तो हमें उद फिसल में काफा करना है इस पर्दे और हया में से कोई एक कॉम्पोनेंट लेके बाकियों को छोड़ नहीं देना अल्लाह हमें ऐसे समय ना अतवा ना करके हया का पूरा ही पैकेज एक्सेप्ट करने की तोफ़ी कता फरमाए आयत नंबर थर्टी थ्री व करना नफी बयूत वकरना वकर ना दो मतलब है करार पकड़ो और वक़ार से बैठो अल्लाह जुबाना ताल अब एक मुसलमान औरत को उसकी ज़िंदगी का दायरा कार समझा रहा है एक मुसलमान औरत को उसकी ज़िंदगी का सर्कल एंड सफ़ेयर ऑफ लाइफ जो है उसको हाईलाइट करके कहा जा रहा है पहला मतलब ये कि वक़ार से बैठो वक़ार से क्या बैठो ए औरतों तुम अपने घरों में वक़ार और इज़्ज़त से बैठो क्यों अल्लाह अल्लाबाना तला ने तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे सारे मर्द रिश्तेदारों को वो तुम्हारा बाप है तुम्हारा भाई है तुम्हारा बेटा है तुम्हारा शौहर है हर रिश्ते में तुम्हारी माली कफालत का बोझ तुम्हारे नान नफके तुम्हारी ज़रूरियातें जिंदगी का बोझ तुम्हारे मर्द रिश्तेदारों पर डाल दिया है तुम पर उनका कोई किसी किस्म का बोझ जिम्मेदारी नहीं डाली तो बस अल्लाह ने तो तुम्हारी कफालत का बोझ उन मर्दों के ऊपर डाल दिया तुम बेटी हो तो तुम घर की शहजादी बना के तुम्हें कुरान रख है, तुम बीवी हो तो तुम्हें घर की महारानी और मालिकन बना के दीन सिखाता है शोहर को तो बस तुम शहजादियों तुम घरों की महारानियों तुम अपने घरों में अपनी वकार से बैठो तुम अपने वकार अपनी इज्जत के साथ अपने घरों में बैठो और दूसरा करार पकड़ो बगैर वजह के टिक के करार से अपने घरों में फिरो बैठो बेकार बेफजूल ला यानी गलियों में कुचों में बाजारों में शॉपिंगें विंडो शॉपिंगें और ला यानी कामों के लिए घूमती ना फिरो हदीस के अल्फाज हैं औरत मस्तूर रहने के काबिल है औरत मस्तूर रहने के काबिल है जब वो घर से निकलती है तो शैतान उसे ताकता है और एक औरत अपने रब की रहमत के करीब तरीन उस वक़्त होती है जब वो अपने घर के अंदर तरीन हिस्से में होती है तो बेकार वजह से ना निकलो जरूरियात ज़िंदगी और मजबूरी के काम में तो निकलने की इजाज़त मौजूद है लेकिन वैसे अपने घरों में करार से बैठो और अपने घरों में अपने वक़ार और अपने सुकून के साथ टिक के रहो बेसिक दायरा कार औरत का उसका घर है मैंने आपको सूर निसा में भी बताया था अल्लाह ने मर्द और, और औरत को जौज तो कहा है हम पल्ला हैं बराबर हैं लेकिन दोनों के दायरे फ़र्क हैं क्योंकि अल्लाह ने बनाया फ़र्क मिजाज हैय साख टेम्परमेंट इमोशन सब कुछ फ़र्क औरत नरम नाजुक है औरत कमज़ोर है टूट के मोहब्बत करने वाली है वफ़ादार है हक़शनास है तो उसका दायरा कार उसका घर बनाया गया जहां चोटे -चोटे नने -नने है जहाँ वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जहाँ पे वो उसके बूढ़े कमज़ोर ज़ईफ़ वालदेन हैं तो उसका दायरा कार उसका घर बना दिया गया है। ये बात मैं बहुत दफ़ा दर्द दिल के साथ ख़्वत इस्लाम को समझाने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह सुबहाना ताल के हुक्म से वो बच्चा जिसका जिसका हमल जिस माँ के पेट में ठहरा था जिस माँ ने उस बच्चे को जना था जिसके ज़रिए अल्लाह ने उसकी रज़ात का अहतमाम किया था वो बच्चा बुनियादी तौर पर उस मुसलमान खातून माँ की ज़िम्मेदारी औलाद बुनियादी तौर पर माँ की जिम्मेदारी है ये दूसरे लोगों की जिम्मेदारी नहीं और यह 24/7 जॉब है और फिर उम्मत मोहम्मदी अलैहि वसल्लम की औरतें जिन्होंने अपनी गोदों में डाली जाने वाली उस नेमत भरी औलाद को नबी उम्मत का अफराद बनाना है ये तो ट्वेंटी फोर जॉब है इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम है बुनियादी तौर पर औरत का दायरा कार उसका घर है उसके फरज़ उसके उस दायरा कार के अंदर हैं। अगर ख़वात अपने जॉब्स अपने प्रोफेशंस के चक्करों में अपने बच्चों को बस अवकात अपनी माओ और अपनी सांसों के पास छोड़ जाती हैं तो ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है वो बूढ़ी ख़वात वो माँ वो सास कभी उसका ब्लड प्रेशर कोई उसका शुगर कहीं उसके जोड़ों की दर्द वो झुकी हुई कमर और दुखते हुए हाथों और जोड़ों के साथ वो सारा दिन उस बच्चे को संभालती है और शाम को जब बेटी और बहू रानी आती है तो फिर डांटें भी खाती है और झिड़कियाँ भी खाती है ने लाया क्यों नहीं फ खिलाया क्यों नहीं और फला क्यों खिला दिया ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है वो अपनी जिंदगी में अपनी औलाद की जिम्मेदारियां निभा चुकी है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपनी ज़िंदगी में निभा चुकी है बल्कि इसकी जिम्मेदारियाँ नहीं इसका तो उल्टा हक था इस नानी इस दादी का इस बुढ़ापे में हक़ था कि नहलाए धुलाए खिलाए पिलाए पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ इसकी गोदों में आए इसका दिल बहलाएं इसके साथ मोहब्बतों का इजहार करें करवाएं और बस ये इसका हक था माओं के पास छोड़ना ये ये तरीका कार का नहीं है फिर उसके बाद माओं के बजाय फिर कई दफा हम खाद के पास छोड़ जाते एक मेड की गोद में बच्चा पलते मुझे इतना तरस आता है उस बच्चे पर जो एक मेड की गोद में पलते है और मां मां पता नहीं कहां आसमान तक डिग्रियां हासिल करके मां डॉक्टर है मां प्रोफेसर है मां पता नहीं कितनी बड़ी टीचर है मां लॉयर है और बच्चा पल रचा पल गोद में एक जाके एक अनपढ़ एक शिरक तस्वुरात और गलत तकदे वाली औरत की गोद में 80 फीसद पर्सनैलिटी बच्चे की पहले तीन सालों में बन जाती और वही शख्सियत सारा साल सारी ज़िंदगी चलेगी लेकिन ये कि उन मेड्स के पास बच्चे छोड़ दिए जाते हैं और उससे बदतर शक्ल ये कि बच्चों को डे केयर सेंटर्स में डंप कर दिया जाता है उन डे केयर सेंटर्स में डंप करके अपने प्रोफेशन और अपने माल कमाने के चक्रों में मैं तो कई दफ़ा हकीकत आपको बताती हूँ कि इट इज़ एग्जैक्टली हाउ दिस इज़ अगर वालदे अपने बच्चों को मुलाजिमाओं और खादिमों के पास छोड़ के जाएंगे तो फिर वो याद रखें और वो जहनी तौर पर तैयार रहें कि उनके बुढ़ापे में उनके औलाद भी उनको फिर मेल नर्सिस और फीमेल नर्सिस के हवाले करके निकल जाएगी और अगर मां बाप अपनी जवानी में अपने बच्चों को डे केयर सेंटर्स में डंप करें तो वो वालदेन भी फिर जेनी तौर पर तैयार रहें कि उनकी औलादें उनको बुढ़ापे में फिर ओल्ड होम्स में डंप करके रख्सत हो जाएंगी और अगर आप कौमों की रुदादे देखें तो इसी तरह ही होता रहा है हर सोसाइटी में पहले बनते हैं डे केयर सेंटर्स और फिर कुछ सालों के बाद उसी सोसाइटी में बन जाते हैं ओल्ड होम्स मैं खुद अगर अपनी जिंदगी की रुदात बताऊं तो मुझे याद है मैं जब फाइनल ईयर में थी तो उस वक़्त हमारे हमारे गंगाराम के हॉस्पिटल के अंदर एक डे केयर सेंटर जो है वो डॉक्टर्स के बच्चों के लिए बना था और उसके मिन वन बीस पच्चीस साल के बाद मैंने लाहौर के शहर में ओल्ड होम्स का इनका देखा ये ऐसे ही होता है अल्लाह हमें समझने और समझाने की तोफ़ी अता फ़रमाए और अपने फ़रस को पूरी फ़र्श नासी से निभाना हम सब के लिए आसान और मुमकिन बनाए लेकिन ये भी बताती चलूँगी कि क़ुरान की तलीमत वकरना नफी बूत कुन्ना की तलीमत एक औरत को चादर और चार दिवाली में कैद नहीं करती है। उसको जंजीरों से जकड़ती नहीं है और ना ही इस्लाम का ये मिजाज है और कुरान की ये तालीम का अंदाज़ है कि उसको सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाए नहीं हाँ औरत इजाज़त दी गई है कि अगर वो अपनी ये बुनियादी जिम्मेदारियाँ जो उसका बेसिक फ़राइज का दायरा कार है अगर अपने फराइज़ को पूरा करने के बाद वो इतनी जिसमानी ताकत इतनी असाबी ताकत इतना फिज़िकल और इमोशनल आई क्यू है कि वह फुर्सत के वक्त अपने वक्त में बरक़त के बाद पा लेती है तो फिर उसको निकलने की इजाज़त है सहाबियात की रुदादें देखें तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ना शी हैपन्स टू बी वॉट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस वुमन इन इन मक्का अगर आप देखें तो हजरत खदीजा उमहातुलमोमिन सहबियात हज़रतम उमारा की रुदादें देखें ये लोग मैदान जंग में भी जा रही हैं ये वहाँ पे मरहम पट्टियाँ भी कर रही हैं ये प्यासों को पानी भी पिला रही हैं की हयात तयबा में हज़रत लैला गफ़ारिया रज़ी तब वो जराही और सर्जरी भी कर रही हैं तो शरीयत रोकती नहीं है निकलने से पर निकलना कब है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने अपने फ़रइज़ को अदा करने के बाद अगर फुर्सत है और इतनी ताकत और इतनी असाबी ताकत है कि वो निकल सकती है तो निकलना है लेकिन निकलना है तो शरीयत की परते की हदूद और कैूद के मुताबिक निकलना है जो बात जो चलने जो देखने जो खुशबू सारे जो तस्वूर समझा दिए गए उन हदूद के अंदर निकलना है ताकि अल्लाह की नाफरमानी किसी शक्ल में ज़िंदगी में राइज ना हो जाए अल्लाह ने कहा कि अपने घरों में टिक के रखो और फिर क्या मोला तबर रचना तबर उ जल जा तिल ऊला कि जब तुम घरों से निकलो तो तुम सबका दौरे जालियत किसी सज धज न दिखाती प्रो यहाँ पर मैं फिर रुक के एक बात हाईलाइट करूँगी अल्लाह सुबहाना तह ने कहा तो ये है कि वकर नफ़ी बयू वक़ार करार घर में टिको लेकिन अल्लाह ने निकलने का तरीक़ा सिखा दी तरीका सिखा दिया का मतलब क्या है कि निकलने की इजाज़त है इट इज़ परमिसेबल फॉर अ मुस्लिम वुमन कि वो अपने फ़राइज को पूरा करके शरीयत की ड्रेस कोड और हदूद के मुताबिक निकल सकती है अगर निकलना ना होता और उसको चार दीवारी में कैद करना मकसूद होता तो निकलने का तरीका ही ना बताया जाता निकलने का ड्रेस कोड और, और एथिक्स ही ना सिखाए जाते तो अल्लाह ने कहा जब तुम घरों से निकलो तो क्या ना करना तबर्रुज करके ना निकलना और क्यों ना करें तबर्रुज क्योंकि तबर्रुज जाहिलियत की औरतों का तरीका है तबर्रुज का मतलब क्या है तबर्रुज बा रॉ जीम से है बुर्ज कहते हैं किसी ऐसी चीज को जो बहुत नुमाया हो जो बहुत नुमाया हो जो बहुत प्रोमिनेंट हो और वो दूर से लोगों की निगाहों का मरकज और फोकस बन जाए ऐसी चीज़ को कहते हैं बुरज मैं मेरा ख़्याल है कई दफ़ा मैंने याद रखने के लिए कोई मिसालें ऐसी दे देती हूँ ताकि बात याद रहे आपने अरब का नाम सुना है ना अरब क्या है वो एन समुंदर के अंदर एक इमारत का बहुत बड़ा सा उभार दूर से नज़र आता है वंडर्स ऑफ द तो वर्ल्ड में अब समझ में आ गया प्रोमनेंट है उभार है नुमायाँ हैं हाईलाइट है कैची हाई है अब अल्लाह कह रहे मुसलमान औरतों के जब तुम घरों से निकला तो तुम क्या ना करना तुम्हारी किसी चीज में तुम्हारे किसी रवैये में किसी लिबास में किसी चीज में एनीथिंग अबाउट यू और अराउंड यू ऐसी नहीं अडॉप्ट करना कि तुम ज्यादा नुमाया हो जाओ तुम प्रोमिनेंट हो जाओ तुम हाईलाइट हो जाओ तुम कैची और अट्रैक्टिव हो जाओ कि लोगों की निगाहों का महवर और मरकज़ बन जाओ लोगों की निगाहों को अपनी तरफ माइल और अट्रैक्ट करने वाला चाहे वो तुम्हारे जुल्फे हैं चाहे वो तुम्हारा मेकअप है चाहे वो तुम्हारे जीवरात हैं चाहे वो तुम्हारे जर्क बर्क लिबास हैं चाहे वो तुम्हारी हैं तुम्हारे पायलों की झनकारें हैं चाहे तुम्हारे चलने के तरीके चाहे तुम्हारे निगाहों की निकलना कि तुम माशरे की दुल्हन बन जाओ तुम लोगों के निगाहों का मरकज और फोकस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बन जाओ ऐसे क्यों ना करूं ये तो जाहलीत की औरतों का तरीका ये तो जाहलीत की औरतों का तरीका है अल्लाह कह रहे हैं कि तबरुज करना ना तरीक़ा है ओल्ड फैशन तरीका है हमारे माशरे का तरीका ही फ़र्क है हम हमारे माशरे में जो जितना ज़्यादा तबरुज करती है जो जितना ज़्यादा तबरुज की हालत में खातून होती है हम कहते हैं ये बड़ी रिफाइंड है ये बड़ी पॉलिश है ये बड़ी टेस्टफुल है ये बड़ी वेल ग्रूम्ड है ये बड़ी सक्सेसफुल well और कॉन्फिडेंट है, है ना और ये बड़ी मॉडर्न है अल्लाह के यहाँ अल्लाह के यहाँ पैमाना ही फ़र्क है अल्लाह कह रहा है कि जो तबरुज करती है वो बड़ी ओल्ड फैशन है वो तो वो तो मक्का के बदू और जाहिलों की औरतों का तरीका था मॉडर्न बनना चाहती हो ओल्ड फैशन नहीं रहना चाहती मॉडर्न बनना चाहती हो ऑबसलीट नहीं रहना चाहती आउटडेटेड नहीं रहना चाहती तो तबरुज को छोड़ो और रब का पसंदीदा लिबास अडॉप्ट कर लो अल्लाह हमें ऐसे मॉडर्न बनने की तोफ़ी कता फ़रमाए अल्लाह ने कहा है कि जहलीत की सज धज ना दिखाओ और तबरुज को छोड़ने का तरीक़ा क्या है तुम लोग क्या करने लगो न सलात नमाज़ कायम करो जक़ात दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लाम की अताद करो तबरुज को छोड़ना मुश्किल है छोड़ने के नुस्खे और हेल्पिंग कोड्स बताए जा रहे हैं नमाज का क्याम करना तबरुज को ज़िंदगी में से निकालने का कैसे जरिया बनेगा आप देखें कि एक औरत अगर ये हद कर लेती है कि अब मैंने इरेगुलर नमाजें नहीं मैंने नमाजें कायम करनी है मतलब कोई नमाज ऐसी नहीं होगी मैं जिसको छोड़ू मैं घर पे हूँ मैं घर से बाहर हूँ मैं पार्टी पर हूं मैं दावत में हूँ मैं जहाँ पे भी हूं मैंने अब नमाजें इस्टब्लिश करनी है कायम करनी है तो जब ये किसी दावत पर जाने के लिए निकलेगी तो सातिर लिबास पहन के जाएगी ना कहीं जाहिर है जाना है अगर गैर सातर लिबास हो गया तो नमाज का वक्त आ गया तो फिर नमाज़ कैसे पढूंगी वो लिबास भी सातर लेकर जाएगी वो ओढ़ भी अच्छी मोटी लेकर जाएगी ताकि अब तो नमाज कायम करनी है ना अब छोड़नी नहीं है उसका लिबास खुद ही खुद ही सातिर हो जाएगा और फिर अगर वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए गई भी है मेकअप करके गई है हेयर स्टाइल बना के गई है लेकिन वज़ू का वक्त आ गया नमाज का वक्त आ गया वज़ू की ज़रूरत होगी तो वो मेकअप वाला चेहरा धोएगी ना सारे का सारा तबरुज नल में बह जाएगा और फिर उसके बाद जब मसा करेगी तो वो जो बालों का वो बालों का तबरुज है वो भी सारे का सारा जाता रह जाएगा तो ये नमाज है नमाज को जब कायम करोगे तो ये नमाज तुम्हारी जिंदगी में से बेख को फश को वो जो कुरान में कहता है सलाता तनहा अनिल्फाई कि इसमें कोई शक नहीं कि नमाज हर फश और मुनकर से रोकती है तो अपनी जिंदगी से तबरुज का वरक़ा फाड़ने के लिए इरादा कर लो कि तुमने नमाजें कायम करनी है और जब तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सलाह वाले से उनकी अताात करने लगोगी तो फिर तो वैसे ही तबरुज तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगा अल्लाह नुस्खा बता रहे अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गंदगी को दूर करे और तुम्हें पूरी तरह से पाक करे और क्या करो वज़कुरना ज़िक्र करो याद करो रिपीट करो मेंशन करो किसका? अल्लाह की आयत का और हिकमत की उन बातों का जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती है अल्लाह लतीफ़ और बाखबर है अब यहाँ पर अल्लाह सुबह ने मुखातिब करके अहले बैत कहा है अहले बैत किसको कहा जा रहा है इस आयत में जवाज मतरा को यहाँ पर अह बैत कहकर मुखातिब किया जा रहा है पीछे हमने सुराल इमरान में बात की थी जब अल्लाह ने मुबाह का हुक्म बताया था निजरान के ईसाई वफ़द के साथ तो अल्लाह के रसूल सल्हुस वम अली हज़रत फ़ातिमा और उनकी औलादों को लेकर तशरीफ़ लाए थे और उनको अपने बाज़ुओं के घेरे में डाल के आपने क्या फ़रमाया था अल्लाह महाजा अखली तो हदीस के उस सही वाक़े के रू से हज़रत फ़ातिमा और उनके हल खाना अहल बैत हैं लेकिन इस आयत की रूह से उमहातुलमोमिन भी अहल बैत ही के ज़ुमरे में शामिल है अला सुबहान यहाँ पर अजवाज मतहिरा को अहल बैत कहकर नबी सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के घरों और हुज़रों की पाकी और तहारत का नुस्खा सिखा रहे नुस्खा तो उनके घरों की पाकी का सिखाया जा रहा है लेकिन जो उनके घरों की पाकी का तरीका है वो सारे इस्लामी माशरे और इस्लामी घरों की पाकी का तरीका होगा कि नहीं अगर उन घरों को पाक रखने बेहि फहाशी शैतान के फितनों और अल्लाह की नाफ़रमानियों से पाक रखने के लिए यह नुस्खार बताया गया तो ये हर मुसलमान घरान हर मुसलमान माशरे की पाकी का तरीक़ा है नुस्खा क्या है बाकी और तहारत के नुस्खे घरों के ये कि औरतें वकर करना फ़ी बुत कन्ना वक़ार के साथ करार के साथ अपने घरों में बैठें जब घरों से निकलें तो तबरुद से बच के निकलें नमाज़ें कायम करें अपनी जकवातें अदा करें और अपने घरों के अंदर कुरान सुन्नत और सीरत की बातों का तस्करा करें अपने घरों को ज़िक्र की महफिलें बता दें अल्लाह हमें अपने घरों की तस्करी करने के तरीके सीखने और इनको अपनाने की तोफ़ी कता फरमाए आयत नंबर थर्टी फ़ाइव अल्लाह सुबाना तआला अब यहाँ पर कुछ अपने पसंदीदा बंदों की सिफात और फिर उनके साथ किए जाने वाले वादे का तस्करा हैं इन्नल मुस्लिमीन मुस्लिमात इसमें कोई शक नहीं कि सारे के सारे मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें कौन होते हैं मुस्लिम मर्द और औरतें वो जो अल्लाह के आगे सर तस्लिम खम कर देते हैं जो अल्लाह अल्लाह की किताब और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु सल्हुसम को मानने लगते हैं अपनी बाग अपनी डोर अल्लाह के आगे दस्तबरदार होकर उसको थमा देते हैं तो कौन से लोग अल्लाह को मानने वाले मर्द और उनको मानने वाली औरतें कैसे वलमिनीना वलमोमिनत अल्लाह की मानने वाले मर्द और अल्लाह की मानने वाली औरतें वल वलुनिता कैसे मानने वाले फर्मा बरदारी करने वाले मर्द और फरमाबरदारी बरदारी करने वाली औरतें कैसे फरमाबरदारी बरदारी व सदकिया व सच्चे दिल से सच्चे रब के अहकाम की अतात करने वाले मर्द औरतें कैसे

कोई भी तकलीफ़ आए तो सब्र से जम और डट जाने वाले मर्द और औरतें वल वल्वाशात सब्र क्यों करते हैं अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाले और झुकने वाले मर्द और औरतें वल वल मुतसद्दिकात डर के झुक के क्या करते हैं सदका करने, करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें वसोमीना वसोईमान रोज़ा रखने वाले मर्द रोज़ा रखने वाली औरतें वल्ला फरूज वल्लाफिजा अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द औरतें वजाकिन कसी कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और ज़िक्र की फज़ीलत है ना साहबा ने पूछा हम सब रोज़ा रखते हैं सबसे ज़्यादा अजर किसका होगा आपने फ़रमाया जो जिक्र ज़्यादा करेगा फिर फरमाया कि हम जिहाद करते हैं हम हम हज पे जाते हैं तो आपने फ़रमाया जो ज़िक्र ज़्यादा करेगा इनके लिए क्या वादा है तजरन अजीमा इन तमाम सिफ़ात के हामिल ये इन सिफात की लड़ियों वाले हार जिन्होंने अपने गले में डाल ली हैं कलमा लोगों ने इनके लिए अल्लाह की बख्शिश है, अल्ला है वो कितना बड़ा होगा अल्लाह हमें इन तमाम सिफात से मुतसिफ फरमा और इन पर साबित कदमी से जिंदगी गुजारना मुमकिन और आसान बना आयत नंबर थर्टी सिक्स किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत का ये हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले का फ़ैसला कर दें तो फिर उसे अपने इस मामले में खुद फ़ैसला करने का रखे और जो कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल वसल्लम की नाफरमानी करेगा तो वो शरी गुमरा ही में पड़ गया ये किस हवाले से कहा जा रहा है असल में यहाँ से आगे सल्लल्लाहु अलैहि सल्हम के मुंह बोले बेटे हजरत जैद रजील्ल्ला तु के निकाह का मौका है हज़रत ज़ैद रजी अल्लाह तन के हवाले से अगर मुख्तर शुरुदा देखें तो हजरत खदीजा तुल तुलकब्रा के भतीजे ने उकाज़ की मंडी से कुछ गुलाम ख़रीदे इन ग़ुलों को हजरत खदीजा ने अक्सर गुलामों को हज़रत खरीज़ा ने उनसे ख़रीद लिया इनमें से जो सबसे शरीफ और बहुत ही समझदार लग रहे थे हज़रत हज़रतैद बिन हारिस रसोल सल्हलम को तोफ़ता हजरत खदीजा ने इनको दे दिया हजरत जैद सल्लल्लाहु सल वसम की खिदमत पर मामूर रहे और फिर ये कि उधर उनके घर वालों का हाल ये था कि माँ भी परेशान है बेट वालिद तो और सारे घर वाले इनको ढूंढ रहे हैं एक उन्हीं के कबीले का शख्स जब मक्का में आया और उसने हजरत ज़ैद बिन गारिसा को वसल्लम की ग़ुलामी की हालत में देखा तो घर जाके, बस्ती में जाके उनके घर वालों को ख़बर दे दी चचा और वालिद ढेर सा माल कीमत कीमती की आज़ादी की कीमत के लिए माल लेकर वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और दरख्वास की कि हमसे आप जो माल चाहते हैं हमसे ले लें लेकिन जैद को आज़ाद कर दें आपने फरमाया कि तुम इस मामले में जैद से पूछ लो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तुक को पूछा गया आपका जवाब क्या था फिर रसूल उसवत हसन अब उस का नमूना देखिए, हजर जैत रजी अल्लाह तु ने गुलामी की जिंदगी इसको तरजीह दी आज़ादी के आज़ादी के मुकाबले में गुलामी को तरजीह दी आपने अपने वालदे अपने माँ बाप अपनी बस्ती में लौटने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने को तरजीह दी आपने वाज तौर पर फरमा दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा रसूल सल्लम इत इतने इतने मुता हुए उनकी मोहब्बत और उनकी वफ़ादारी से कि आप हरम के सहन में ले गए और आपने ऐलान कर दिया कि आज से जैद जैद बिन मोहम्मद बुलाए जाएंगे आपने अपना मुँह बोला बेटा बना दिया अरब के दस्तूर के मुताबिक अपना नाम दे दिया फिर जब ये सूरा एज़ाब की आयात नाजिल हुई उदू हमली आबा एहम तो आपने समेना व अतवाना का तकासा करते हुए कोई अना का मामला नहीं बनाया था आपने वापस उनका नाम जैद बिन हारिस मुंतकिल कर दिया ये मुँह बोले बेटे थे, आपको बहुत महबूब थे इनके बेटे हजरत उ सामा बिन जैद गोया एक शक्ल में आपके पोते थे हुक्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब था एक एक टांग पर आपके नवाज़ से और एक तरफ हजरत सामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तन तशरीफ़ फरमा होते थे और आप उनके बालों के ऊपर मोहब्बत से हाथ फेर रहे होते थे उनके बालों की खुशबू सूंघ रहे होते थे उनको बोझ से दे रहे होते थे और फिर हाथ उठा के दुआ फरमाते थे इलाही मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ तू भी इनसे मोहब्बत कर तो ये वो घराना है हजरत जैद रज़ी अल्लाह तू की तरफ़ से अला का हुक्म आया कि इनके लिए नबी सल्ला वम की पुपी ज़ात बेटी हजरत ज़ैनब बिनते जर्श के लिए, लिए निका का पैगाम भेजा जाए अल्लाह का हुक्म था वही के ज़रिए बताया गया था आपने उनके घर आने वालों कोजरत जैन जैद के लिए निका का पैग़ाम भेज दिया हजरत ज़ैनब के हाथ के लिए अब घर आने वाले भी क़ुरैश मक् के सरदारों का घर आना था उन्होंने भी इनकार कियाजरत ज़ैनब ने ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से किया उन्होंने तो इनकार की वजह भी बताई जैनब रजी अल्लाह फरमाया कि अना खैर हूँ नसबा मैं नसब के लिहाज से ख़ानदान के लिहाज से इनसे बेहतर हूं अनायमल कुरैश मैं तो कुरैश की शरीफ सादी हूँ ये एक शक्ल में था, था, ये तकबूर था। दिल में जब तकबर आया ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु के हुक्म की, की नाफरमानी हो गई ये तकबर है इसलिए इसको निकालना जरूरी है राई बराबर भी आ गया ना तो ईमान और रताद बर्बाद हो जाएगी अब जब हजर जैनब रजी अल्लाह ने अपने खानदानी तफाखुर में आके इनकार कर दिया तो ये आयत नाजिल हो गई और अल्लाह ने फरमा दिया कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लाम का हुक्म आता है ना फिर किसी के पास इख्तियार नहीं रहता खियारा, इख्तियार नहीं रहता ये तो इस्लाम है कि हमारे पास अपना इख्तियारमल नहीं है हम कलमा पढ़ने के बाद अपने इख्तियारमल से ही तो दस्तबरदार होते हैं हम सरेंडर ही तो करते हैं हम अपना अपना हक के तो इख्तियार छोड़ते हैं ये तो इस्लाम और ईमान कि इख्तियार ही नहीं रहता जब ये आयत पढ़ी तो सहाबा इक्राम का तरीका सिर्फ आयत की तलावत नहीं करते थे वो गहराई से सोचते थे कि ये मुझे क्या बता रही है मेरे लिए क्या मैसेज और असूल है हजर जैन ने पढ़ा तो उनको समझ में आ गई कि तो मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया था मेरे पास तो इख्तियार है ही नहीं है सरेंडर करती हैं क्यूं? क्यों क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया था वम या व रसूलो कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सलासिम की नाफ़रमानी करेगा वो तो बड़ी वाज तौर पर गुमराही में भटक भटकने का तो ये तसवुर भी नहीं रखते थे नाफरमानी का तो इनको इनकी रूह तड़प जाती थी फौर हज़रत जैनब रजी अल्लाह तह ने सरेंडर कर दिया और निकाह के पैगाम को एक्सेप्ट कर लिया मेरे और आपके लिए जिनके लिए कहा गया ना कि वो मोमिनीन तुम आम औरतों की तरह नहीं हो ये नमूना ये नमूना बहुत अहम नमूना है हजरत ज़ैनब के लिए इस निकाह के पैगाम को एक्सेप्ट करना छोटी बात नहीं थी बड़ा मुश्किल था एक एक गुलाम के साथ एक सरदारों के खानदान की बेटी का निकाब कैसे कैसे मसाइल होने थे सोशल साइकोलॉजिकल इमोशनल इकोनॉमिक हर किस्म के मसले आने थे कि नहीं आने थे इज्जत में कमी होनी थी शान में कमी होनी थी कि नहीं होनी थी बरादरी वालों ने पता नहीं कैसे कैसे बातें करनी थी कि इसको गुलाम के अलावा कोई भी ना मिला इसका हाथ माँ बाप ने पकड़ के गुलाम के हाथ में दे दिया इसको कोई सरदार ना मिला और फिर माशी तंगी का भी इमकान था और जनी तौर पर भी आपस में हम नहीं थी लेकिन बस पैगाम उम्मुल जैनब के इस रवैये ने मुझे और आपको सिखा दिया हम पर्दे के अहकाम पढ़ रहे हैं हम निकाब के अहकाम पढ़ रहे हैं हम सुरानूर और अरहज़ाब के अहकाम पढ़ रहे हैं इन अहकाम की अत के बदले माशी मसाइल आने का भी इम्कान है कोई जॉब कर रहा है उसकी तरक्की पर डांट डल जाएगी उसकी प्रमोशन में आके रुकावट आ जाएगी शायद उसको जॉब ही नहीं मिलेगी बाब होने की वजह से माशरा नकू बनाएगा सोसाइटी मजाक करेगी उसकी इज्जत में उसकी शान में भी शायद कमी आएगी वो इतनी रिफाइंड इतनी मॉडर्न इतनी पॉलिश इतनी स्मार्ट अपने आप को कैरी करती और अब अब वो अब वो निंजा टर्टल बन जाएगी सब कुछ होने का इम्कान है लेकिन नमूना मौजूद है कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लाम का हुक्म जिसको मानने के बाद चाहे जैसी मर्जी सोशल साइकोलॉजिकल इमोशनल इकनॉमिक इश्यूज आए समा के बाद अतवाना करना ही करना है क्योंकि अगर नाफरमानी की तो फिर रास्ते से भटक जाएगी अल्लाह ऐसी अतात करने की तोफीक ताफरमा अब निकाह हो गया निकाह हुआ तो फिर क्या हुआ आयत नंबर 37 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करो वो मौका जब तुम उस से कह रहे थे किससे हजर जैद से जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था कि अपनी बीवी को ना छोड़ो अल्लाह से डरो उस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था तुम लोगों से डर रहे थे हुँ? तुम लोगों से डर रहे थे हालांकि अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो ये क्या हुआ था कि हजरत ज़ैद रज़ील्ला तु रसूल सल्लम की ख़िदत में हाजिर हुए थे क्योंकि घर निब नहीं रहा था रिश्ता चल नहीं रहा था हजर जैद ने आके ज़ाहिर जब इनको कोई इशूज़ और क्राइसिसज़ होते थे मशवर आके रसुल्लम से करते थे हजर जैद ने आके अपनी इशू बताई और उनका मसला ये था कि उन्होंने कहा कि एज़ ए जैनब रज़ी अल्लाह त वो मेरी कवानीत को तस्लीम नहीं करती वो मेरी कवानीत को तस्लीम नहीं करती और अब निभा नहीं हो रहा हमारे घर के अंदर अमन और सुकून नहीं अब मैं उनको तलाक देना चाहता हूँ अब आप बताएं मैं क्या करूँ हजरत ज़ैद के आने से पहले रसूल अल्लाह को पहले ही वही के ज़रिए बता दिया गया था कि अब इनकी जब तलाक होगी और हज़रत ज़ैनब का कि उनकी इ्दत जब पूरी होगी तो रसूल अल्लाह सलम को हज़रत जैनब से निकाह कर और ये निकाह रसूल सल्हलम के लिए बड़ा मुश्किल और बड़ा भारी था क्यों भारी था क्योंकि उनको पता था कि एक मुखालफत का तूफान उठेगा एक अपोजिशन क्रिटिसिज्म और तनकीद का एक तूफान उठेगा क्यों उठेगा क्योंकि मर्दों के लिए मुसलमान मर्दों के लिए चार औरतों से निकाह की इजाजत मुनाफिकीन तो शोर शराबा हंगामा मचाएंगे उनको तो मौका चाहिए नबीम को डीफेम नाव से बिला करने का कि आम मर्दों के लिए चार और नबी सलाम में चार से ज्यादा अभी इस वक्त तक रसूल के अगद निकाह में चार वाज मुता मौजूद मुनाफिकन की तरफ से अपोजिशन फिर ईसाइयों और यहूदियों के अंदर कज़न मैरिजिज का कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ तक कि उनके अंदर तो ये कि सात नस्लों तक अगर किसी से रिश्ता हो ना तो उसके साथ निकाह की इजाज़त नहीं थी खुद साख्ता थे लेकिन ये तस्वुरा थे तो यहूदियों की तरफ से भी एक तनकीद और क्रिटिसिज्म आने का इम्कान था और फिर मुश्की मक्का पूरे के पूरे जो बद्दू और मुश्रक थे अरब के माशरे का ये तरीका था कि जो मुँह बोला बेटा होता है उसको वो हकीकी बेटा समझते थे और मुँह बोले बेटे की बीवी को भी हकीकी बहू बेटे की बहू की तरह उसके साथ भी अबी हुरमत का तस्वर रखते थे गोया उनकी तरफ से भी एक मुखालिफत रसूल ने अपनी बहू के साथ निकाह कर लिया ये हर तरफ से जो अपोजिशन का इम्कान था इसके पेश नजर ये हुक्म मानना रसूल सलि को बहुत भारी लग रहा था इसलिए उसके पेश नज़र जब ये मशवरा लेने के लिए तलाक का आए तो रसूल सल्हल वसलम ने ये मशवरा दे दिया कि तलाक ना थो क्योंकि आप चाहते थे ना तलाक हो और ना मैं उनके साथ निकाह की आजमाइश में डाला जाऊं उस पर अल्लाह सुबहाना तला ने तबसरा फरमाया क्या उसकद लोगों से डर रहे थे अल्लाह ने कैसे तबसरा फरमा दिया कि क्या तुम लोगों से डर रहे थे अल्लाह ज्यादा हकदार था कि तुम उससे डरो अच्छा यहां पर रुक कर मैं कुछ और भी बात वाज़े करती चलू ये दो अफराद ये घर नहीं निभा था ये घर नहीं निभा था नहीं चला था क्यों कौन से अफराद हैं अफराद तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अफराद हजर जैद ये वाक़ सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में आया और किसी साहबी रसूल सल्हेम का नाम कुरान में नहीं आया ये तो वो खुश नसीब साहबी हैं जिनका शायद नाम लेने पर भी दस नेकियों का आचर है क्योंकि ये कुरान का लफ्स है और उधर वह उमुल मोमिन हजर ज़ैनब बिनते जखश जो नबी सल वसम के अग्दे निकाह में आती हैं ये दो इतनी अल्टीमेट पर्सनालिटीज़ का भी रिश्ता अजवाज़ चला नहीं था निभा नहीं था क्यों क्योंकि अल्लाह के एक सुनहरे असूल अरे जा इसकी नाफरमानी हो रही जब अल्लाह के सुनहरे असूलों की नाफरमानियां होती हैं ना तो नतीजे मुरतब होते हैं रिप्रिक आती हैं ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि आप देखें कि इन दो अफरा बेहतरीन तकवा और ईमान वाले अफराद का घर नहीं चला था अगर अर कव निसा उस घर में राइज नहीं हुआ था अगर उनके नहीं चले थे तो क्या आज हमारे चलेंगे अव्वल तो चलेंगे नहीं अव्वल तो चलेंगे और निभेंगे नहीं और अगर चलते भी रहे तो घिसकते सिसकते सिसकते चलेंगे खुशी सकून और अमन घरों में राइज नहीं होगा अल्लाह के अहकाम एक एक हुक्म इतना सुनहरा असूल है कि उस एक ही को छोड़ दिया जाए तो बुरे नतज और उस एक ही को अपना लिया जाए तो खैर बरकत शामिल ज़रूर होती है और फिर दूसरी बात ये भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी आप देखें कि दो कितने बेहतरीन ईमान और तकवा वाले लोग हैं लेकिन निभा नहीं हुआ हालांकि इनके अखलाक और मामला में दोनों में कोई ख़राबी और बिगाड़ नहीं है तो आज के बाद ये याद रखिएगा जब कोई भी रिश्ता टूटता है किसी जोड़े में तलाक होती है ना तो खुद से खुद तजसस कुरेद लोग बड़े जजमेंटल हो जाते हैं ये लड़की थी ही ऐसी ये लड़का था ही ऐसा कई दफ़ा कुछ ख़राबी नहीं होती बस आपस में रिश्ते में चीज़ें क्लिक नहीं करती तो लिहाजा ख़ुद से खुद किसी के बारे में तस्वूर देना या उसकी टो और कुरेद करना ये भी इंतहाई नापसंदीदा है आगे अल्लाह ने फरमाया फिर जब जैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने इस मुतलक़ा ख़ातून आपकी पुपी जदाद का निका आपसे कर दिया क्यों ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे जबकि वो उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों सुन् ताली ने यह निकाह इसलिए भी करवाया था कि अल्लाह सुबहाना ताली जो गलत रसूमा माशरे में थी मुँह बोले बेटे के हवाले से कज़न मेरिज़ के हवाले से इन सब चीज़ों की नफ़ी और गलत रसूत की तरदीद के लिए ये निकाह करवा के क़यामत तक के लिए सही तस्वरत निकाह के हवाले से समझाना चाहता था अब जब तलाक हो गई हजर जैनब रजी अल्लाह ताली की इद्दत पूरी हो गई तो फिर निकाह का पैगाम भेजने के लिए वही के जरिए रसूल अल्लाह वसम को बताया गया कुछ रवायात में आता है कि आपने हजर जैद ही को निकाह का पैग़ाम देकर हजर जैनब रजी अल्लाह तहा के पास भेजा था रवायात में आता है कि जब निका का पैगाम लेकर आए उस वक़्त हज़ा ज़ैनब रजी अल्लाह आटा गूँध रही थी उनको जब निकाह का पैगाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने रब से मशवरा करूँगी उन्होंने इस्तखारा किया अल्लाह ने उनके दिल को कायल किया और फिर यह निकाह दोनों के दरमियान करवा लिया गया कुछ रवायात में आते हैं कि यह निकाह आसमान पर अल्लाह अल्ला के हुक्म से हुआ था और फिर इसी हवाले को बयान करने वाले ये भी कहते हैं कि इसी हवाले से फिर हज ज़ैनब रजी अल्लाह तूसरी वाहतमन पर हल्का सा तफाखुर किया करती थी कि तुम्हारे निका तो तुम्हारे वलियों ने ज़मीन पर पढ़ाए मेरा निका अला सुबहाना ताली ने आसमान पर पढ़ाया वल्लम इसकी क्या हकीकत है अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही था नबी अलैहि वम पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर कर दिया हो यही अल्लाह की सुन्नत है उन तमाम अबिया के मामले में रखी जो पहले गुजर चुके हैं और अल्लाह का हुक्म तो एक क़ायीत तयशुदा फ़ैसला होता है ये अल्लाह की सुन्नत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगाम पहुँचाते हैं और उस से डरते हैं और एक खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते और महासपे के लिए बस अल्लाह काफ़ी है लोगो नबी सल्ला वलम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं अल्लाह के रसूल सल्ला वम की कोई ज़िंदा नरीना औलाद नहीं थी आप आपल्ह वम की चार साहिबजादियों का तस्करा तो मिलता है हज़रत ज़ैनब कुलसूम हज़रत रुक़्या और हज़रत फ़ातिमा ये हयात बेटियां ही थीं बेटे तीन आपकी ज़िंदगी में हमें इनका तस्करा मिलता है दो बेटे हजरत खदीजतुलकब्रा रजी अल्लाह ता के बतन से ये दोनों नबूवत से पहले कासिम, जिनके हवाले से कासिम आपकी कुनीत और वो तोयब और तोहिर उनका लकब और फिर ये दोनों बेटे छोटी ही उम्र में फौत हो जाते हैं जिनकी वजह से फिर अबू लहब ने यह मशहूर किया था मक्का की बस्ती में कि नाऊजुबिल्ला सु नाऊजुबिल्ल मज़ालिक आपकी जड़ कट गई है और आप सल्ह वम के बेटों की वफ़ाद के मौके पर उसने बहुत खुशियाँ की थीं हालाँकि चचा भी था और हमसाया भी था और फिर आप आपम के तीसरे बेटे आपकी नबूवत के बाद आपकी वो लॉन्डी हज़रत मारिया किप्तिया रज़ी अल्लाह तब आपको इनका हुस्न बहुत पसंद आया इन से आपली वल्म ने कुरान की हुक्म की इजाज़त और लचक के मुताबिक इनके साथ निकाह नहीं फरमाया था लॉन्डियो के साथ, साथ तमत्तों का तसवर था इन श्ला आगे जा के इस पर बात करूँगी इनके बतन से आपके साहिबज़ादे हज़रत इब्राहिम मदनी दौर में पैदा होते हैं लेकिन वो भी छोटी उम्र में फ़ौत हो जाते तो अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्हलम किसी के बाप नहीं अल्लाह बड़ा मेहरबान है जब कुछ नियमतों से महरूम करता है तो फिर बहुत बड़ी नमतें दे भी देता है मगर नमत क्या दी वो अल्लाह के रसूल हैं सल सल्लल्लाहु वाली वसल्लम और ख़ातिमुन्नबीयीन है और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन्नबीयीन कहा गया है ख़ातमा का मतलब है मोहर लगा देना बंद कर देना सील कर देना टू स्टॉप आपको पता है किसी चीज़ पर जब मोहर लग जाती है कोई पैकेज है कोई गिफ्ट पैकेट है उस पर मोहर लग जाती है तो अंदर की चीज़ बाहर बाहर की चीज़ अंदर नहीं आ सकती तो ये मोहर का तस्वुर नबूवत के हवाले से ये है कि अब नबियों का सिलसिला मुनकता रसूलों का सिलसिला मुनकता वही का सिलसिला मुनकता हजर जब्राइल अब किसी नबी के पास किसी बशर के पास अल्लाह का हुम वही का लेकर नाजिल नहीं होंगे अकैदा ख़त्म नबूत ये येद रसालत का एक लाजिम जुज्व है अगर कोई शख्स रसूल और रसूलों को मानने वाला नबी मेहरबा सल्ला वसलम की ख़म नबूत और ख़म रसालत पर ईमान नहीं लाता तो उसका अक़ीद रसालत दुरुस्त नहीं है और इस ज़ुमरे से वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है बहुत सी अदीस इस आयत के हवाले से भी मौजूद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के बाद एक और नबी आता था मेरे बाद कोई नबी नहीं है मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ इसी तरह वो एक तवील हदीस के अल्फाज कुछ ऐसा उसका मजमून है कि आपने फ़रमाया कि मेरी मिसाल बाक़ी नबियों के साथ बिल्कुल उस जैसी है कि जैसे एक शख़्स ने बड़ी ख़ूबसूरत इमारत बनाई लोग उसके गिरद घूमते हैं उसके हुसन से मुतासर होते हैं लेकिन उस शख्स ने उस इमारत में एक ईंट की जगह खाली रहने दी लोग उस खाली ईंट को देख कर हैरत करते हैं मैं नबूवत की इमारत की वो आखिरी ईंट हूँ मेरे बाद को कोई नबी नहीं है इसी तरह हदीस के अल्फाज हैं ला नबी वला उम्मतन बादिकुम मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं है ये अकीदा खत्म में एक और हदीस है आपने फरमाया मैं मोहम्मद हूँ मैं अहमद हूँ मैं हाशिर हूँ मैं आकिब हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है तो ये आप अपने सिफाती नाम और अपने बाद किसी नबी के ना होने का तस्करा ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह को कसरत से याद करो सुबह शाम उसकी तस्वीर करो वही है जो तुम पर रहमत करता है उसके फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं ताकि वो तुम्हें तारीकियों से रोशनी में निकाल लाए वो मोमिनों पर बड़ा मेहरबान है जिस रोज़ वो उनसे मिलेंगे उनका इस्तबाल सलाम से होगा और उनके लिए अल्लाह ने बड़ा बाज़्ज़त अजर फराहम कर रखा है हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर खुशखबरी देने वाला बुरे अंजाम से मुतनब करने वाला अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ़ दावत देने वाला और क्या बना के सरा मुनरा रसोल्ला सल्ला वलम जिनका सीना मुबारक जिनका कल्ब मुबारक कुरान की और वकी तालीमात से मुनवर हो गया था आप सरापा रोशनी सराजम मुनीरा कहकर कुरान में पुकारे जा रहे हैं तो खुशखबरी दें तो उन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फसल है हरगज ना दबो काफरों मुनाफिकों से कोई परवाह ना करो उनकी अज़ियत रसानी की और भरोसा कर लो अल्लाह पर अल्लाह ही इसके लिए काफी है कि आदमी अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दे ए लोगों जो ईमान लाए हो जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो तुम्हारी तरफ़ से उन पर कोई इद्दत लाजिम नहीं है जिसके पूरे होने का तुम मुतालबा कर सको लिहाजा उन्हें कुछ माल दो और भले तरीके से रुखसत कर दो ये बात पीछे शराब बकरा में भी आ चुकी है कि अगर निका हो जाए तो रुखसती से पहले या खिलवत से पहले या खिलवत हो भी जाए तो त्लुक़ से पहले तलाक दी जा सकती है दिस इज़ प्रमिशबल इन इस्लाम और अगर ऐसी हालत में ताल्लुक़ से पहले तलाक़ दी जाएगी तो फिर उस खातून पर इद्दत नहीं होगी शोहर कोलबत्ता ये कहा गया कि अगर हक महारकर कर लिया गया है तो आधा हक महर दिया जाएगा और अगर हक महारकर नहीं किया गया तो भी कुछ ना कुछ तोहफाता देकर रखसत किया जाएगा ए नबी सल वम हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं तुम्हारी वो बीवियाँ अब यहाँ से आगे अल्लाह सुबहाना ताला इस आयत में रसूल सल्ला वम को जिन खुतिन इस्लाम के साथ जिन हालात में और कंडीशंस में शर्तों पर निकाह करने की इजाज़त दी गई थी उनका तस्करा किया जा रहा है ये आयत बुनियादी तौर पर इसलिए एक्सप्लेन की जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पर उस दौर में भी जिस बात का उनको डर था कि जब वो पांचवा निकाह होगा तो एक मुखालिफत का तूफ़ान उठेगा उस दौर में भी और आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसोल्ला सल्हसम की दस पर एक निका के हवाले से एतराज़ात बहुत ज़्यादा पॉलीगैमी के नाम से ये और हर किस्म के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं और ये जो पॉलीगैमी का एतराज़ रसूल वम पर चार से ज़ायद निका और मल्टिपल मैरिज़ का निका का जो एतराज़ लगाया जाता है ये नाउज़बिल्ला मिजालिक इस में जवाब के तौर पर ये आयत में वजा कि ये अल्लाह के हुक्म से ये सारे के सारे निकाह जो हैं वो करवाए गए तो अल्लाह ने वाज तौर पर ये डिटेल बता दी कि ये निकाह कैसे कैसे करवाए गए और कौन कौन सी औरतें मैं साथ साथ आपको हर कैटेगरी में बताती जाऊँगी कि इस कैटेगरी में आपने किस किस जोजा मोहतरमा के साथ निकाह किया तुम्हारी वो बीवियाँ जिनके तुमने माहर अदा किए आपने तमाम अजवाज मतहरा के महर अदा किए सवाए जो आगे एंड में एक शर्त आएगी हज़रत ममूना रजी अल्लाह तह कि उन्होंने अपने आप को हिबा किया था आप आपल वसम ने अपनी पहली दो अजवाज मतहरा के हवाले से अगर हम देखें हज़रत आयशा रजी अल्लाह तह औरतर ख़दीज अतुल्कब्रा रजी अल्लाह तह इनको आपने पाँच सौ दिनम हक महर दिया लेकिन बाकी अजवाज मतहरात को साढ़े बारह क्या चांदी हक महर देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लोंडियो में से तुम्हारी मलकियत में आईं लौंडियों के हवाले से जो ख़्वीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगद निकाम में आईं उनमें मतफ़्रज्ब में जैसे हम देखते हैं कि गजबाए बनी मुस्तलिक में हारिस बिन जरार की बेटी हज़रत जवेरिया बिन त हारिस ये रसूल सल वसलम के निकाह में आईं फिर गजबाए खैबर के बाद हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तहत जो होयी बिन अख्तब की साहिबजादी थी वो फिर गजबाए कुरैज़ा के बाद हज़रत रेहाना बिन शमून और फिर शाह मकोकस की तरफ से आप सल्ह वम को तोफ़ता एक लौटी हज़रत मारिया किप्तिया इनको जो है वो रवाना किया गया था पहली दो अजवाज मतहरात ये वो हैं हज़रत जवेरिया बिन ति हारिस और हज़रत सफ़िया बिन त बिन अख्तब जिनके साथ रसूल सल्ला वम्म ने निकाह करके उनको अपने हरम में दाखिल किया था दूसरी दो हज़रत रिहाना बिन तशमून और हज़रत मारिया किप्तिया ये लॉन्डियों ही की शक्ल में आपके हरम में दाखिल हुई और आपने इनके साथ तमत्तो फ़रमाया शरीत के अहकाम और इजाज़त के मुताबिक और तुम्हारी वो चचाजा और पुपीजा और मामू और खाला ख़ालाजा बहने इस ज़ुमरे में आप सल्हम ने हज़रतैन बिनते जखश रजील्ला के साथ निकाह किया अल्लाह के हुक्म से जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है इस जुमरे में अबू सुफियान की बेटी हबीबा रजी अल्लाह तहा ने के साथ आपका निकाह हुआ और वो मोमिन औरतें जिसने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा किया हो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे निकाह करना चाहें हिबा की इजाज़त का तस्वुर सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था और इसका मतलब ये था कि एक ख़ातून अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो के पे लिए गिफ्ट के तौर पर पेश करें कि मैं हक महर के बग़ैर आपके साथ निकाह पर राज़ी हूँ हज़रत मैमूना रजी अल्लाह तह का निकाह इस हुक्म के जवाब से के साथ अल्लाह के हकम से करवाया गया अजवाज मतहरा के हवाले से अगर मैं मुख्तसरा डिटेल बता दूँ तो आपके अकद निकाह में कुल ग्यारह अजवाज मतहरा आपके अकद निकाहाम में आईं और दो इसके अलावा आपके साथ लॉन्डियाँ आपके हरम में शामिल की गई ग्यारह अजवाज मुता अगर तरतीब के हवाले से नाम लिख लीजिए हजरत खदीजा तोलरा रजी अल्लाह तह उसके बाद हज़रत सौता रजी अल्लाह हज़रत आयशा हजरत हफ् उसके बाद हजरत ज़ैनब ज़मा ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा और हजरत ज़ैनब ज़ैम ज़मा इनको उम्मुल मसाकीन कहा जाता था ये दोनों अजवाज ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही में फौत हुए हजरत ज़ैनब ख़ुज़ैमा के बाद फिर हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह रज़ील्ल्ला के साथ निकाह हुआ और फिर हजरत ज़ैनब बिनते जहश इनके बाद फिर हज़रत जवेरिया बिनते हारिस फिर हज़रत हज़रतम हबीबा फिर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तह और फिर हज़रत मैमूना रजी अल्लाह तह जिन जिनके साथ हिबा के ज़ुमरे में निकाह हुआ ग्यारह आजमाज मुताहिरात के साथ निकाह हुआ जिनमें दो आपकी हयात तय्यबा में फौत होती हैं और बयक वक्त आपके अकद निकाहाम में रहने वाली अजवाज की तादाद नौ बताई गई है बशमूल दो इजाफी लॉन्डियों के ये जो आप सल्लल्लाहु वाली वसल्लम पर पॉलीगैमी का इतराज़ लगाया जाता है उसकी नफ़ी के लिए एक तो ये आयत मौजूद है अल्लाह ने वाज तौर पर यह इतराज़ की नफ़ी के लिए फरमा दिया कि ये जो सारे के सारे यारह निकाह थे ये आपकी अपनी मर्जी रजा और रगबत से नहीं हुए थे ये अल्लाह के हुक्म अल्लाह के ऑर्डर अल्लाह की स्पेसिफिकेशनस और स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टस्ट्रक्शन पे हुए थे इसमें आपकी मर्जी का कोई दखल मदार नहीं था अभी हमने हजरत जैनब रजी अल्लाह त के साथ निकाह की कैफिय देख ली कि अल्लाह ने वही कर दी थी कि अब तलाक की इद्दत के बाद आपके साथ निकाह होना है आप नहीं चाह रहे हैं आप वो जिसे कहते हैं ना किसी तरह अपना पल्ला छुड़ाना चाह रहे हैं आप तलाक ना देने का मशवरा दे रहे हैं लेकिन ये निकाह फिर भी अल्लाह के हुक्म से हुआ सारे के सारे निकाह खालिसतन अल्लाह के हुक्म से हुए आपकी मर्जी के साथ आप देखें कि अगर आपकी मर्जी के साथ होते तो जो पहला निकाह है वो अपने से पंद्रह साल बड़ी खातून से होता है उसके बाद अगले निकाह हजरत सौदा के साथ भी हज़रत आयशा रजी अल्लाह इतनी छोटी उम्र की बच्ची सारी की सारी खावन जो आपके अकद निकाह में आती हैं शहर दीदा है सिर्फ हजरत आयशा रजी अल्लाह त एक कमारी बच्ची जो आपके अकद निकाह में आती हैं और फिर अगर आप देखें कि ये सारे निकाह तो फ़तह मक्का से बहुत देर पहले हो गए फतह मक्का के बाद या इवन जब एक इस्लामी रियासत बन गई थी या इवन बिफोर दैट जब मुशिकी ने मक्का हर किस्म की रिकन्सिलियशन के लिए ऑफ़र करते थे कि अगर आपकी ख़्वाहिश है कि, कि किसी मालदार खूबसूरत औरत के साथ आपका निकाह करवा दें तो हम करवा देंगे ऑफ़र्स मौजूद थी फतह मक्का के बाद गलबा इस्लाम के बाद अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी एक से एक सरदार की बीवी अवेलेबल और असेसबल थी लेकिन आपने उनमें से किसी के साथ निकाह नहीं किया आपकी मर्जी आपकी ख्वाहिश आपकी तमन्नाओं का या इंक्लिनेशन का कोई रोल इन निकाहों में नहीं है और फिर दूसरी बात आप यह भी देखें कि जो ये सारे के सारे निकाह हैं आप बहुत से एहकाम अगर हम देखते हैं तो नबियों के लिए अहकाम उम्मत के मुकाबले में फ़र्क होते हैं मसा आप देखें कि उम्मत के अफराद के लिए तजुद फ़र्ज़ नहीं है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने लिए फ़र्ज़ रखा हुआ था जैसे ये आता है कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता नबी कोई अपनी विरासत का माल या माल रुका नहीं छोड़ते नबी जिस ज़मीन पर फ़ौत होते हैं उनको वहीं दफन किया जाता है फिर हदीस में वादा है कि ज़मीन की मट्टी नबियों के जिसम को नहीं खाती सो देर आर सो मैनी थिंग्स जो एक नबी और एक आम इंसान के बारे में फर्क है निका के अहकाम में भी फर्क है आम मर्दों के लिए तहदीद में चार की इजाजत है नबी को चार से ज्यादा की इजाज़त नहीं बल्कि मशहूर तरीके से हुक्म दिया गया था आम मर्दों के लिए हिबा की इजाजत और ऑप्शन नहीं है ये इजाजत नबी सल्हलम को मखसूस तौर पर दी गई थी आम मर्दों के लिए तमाम अजवाज में अदल का हुक्म है आपको इसका मुखलफ नहीं किया गया था इसी तरह अगर आप बाकी मामला भी निकाह के हवाले से देखें तो कुछ अहम सलम को यह आजवाज के आपके निकाह में दी गई थी इनके अलावा आपको किसी के साथ निकाह की इजाजत नहीं थी इनको तलाक देने की भी इजाजत नहीं थी और अजवाज मुतालम की वफा के बाद फिर उमत बन गई उनके साथ किसी को निका की इजाजत नहीं थी सो so, देर्स में रसुल्ला के कितने हैं जो आम मोमिनों से फर्ते ये हुकम भी उन्हीं में से एक है ये अल्लाह के हुक्म से है आपकी मर्जी से नहीं है और फिर दूसरी बात यह है कि आम मुसलमानों के मुकाबले में निकाह के अहकाम भी मोहम्मद वसल्लम के लिए फर्क थे और फिर मैं आपको बताऊं कि ये सारे के सारे निकाह जो अल्लाह हकीम के हुक्म से हुए इन सब निकाहों में बहुत बहुत बड़ी खैर और हमतों के पहलू मौजूद हजरत खदीजा रज़ी अल्ला से अगर निकाह का वाक़ा देखें हजरत खदीजा के वाले बहुत मालदार थे और रसूल सल्हसम से पहले दो दफ़ा इनके निकाह हुए और उनके शोहर फ़ौत तो कहते एक शोहर से एक बेटा और एक बेटी भी थी और ये भी सहाबा और सहाबी के दर्जे में ये शामिल हुए बहरहाल जब दूसरे शौहर भी फ़ौत हुए तो कुछ देर के बाद इनके वालिद भी फ़ौत हो गए और वालिद ने इनको विरासत में ढेर सा दिया था और फिर उससे ये कारोबार भी करने लगी थी जो इनके वालिद पहले करते थे ये कारोबार ही तो था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कारोबार के लिए गुलाम भेजा था अपना माल सौंप के और आपकी सदाकत और रमानत से मुतासर होकर फिर हजरत खदीजा ने ख़ुद निकाह का पैगाम भेजा इनके साथ निकाह में कितनी खैर थी अल्लाह ने कितने रस्ते निकाले थे हज़र खदीजातकुब्रा रजी अल्लाह ताल के निका में आप देखें एक बड़ी उम्र की समझदार सिहानी मो मुतहमल मिजाज बुरदबार खातून बेहतरीन बीवी की सिफात से फिर वो आरास्ता होती हैं अपना माल अपना वक्त अपनी सलाहियतें अपनी मुआवनतें पूरी की पूरी रसूल सल्ह् वसम के लिए निछावर कर देती हैं तो ये हिकमत थी इसने कहा कि जो अल्लाह के हुक्म से पहले रसालत से ये ख़ुद से खुद हालात बना के करवा दिया गया दूसरी चौजा मोहतरमा हजरत सौदा रजी अल्लाह ना ये भी बड़ी उम्र की थी रसूल अल्लाह सल वसलम की हमसिन थी लेकिन जब 10 सन नबूवत में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ना फ़ौत होती हैं चचा भी फ़ौत होते हैं ग़म का साल अमुन हुजन यर ऑफ ग्रीफ आप पे आता है चार जवान बेटियों के बाप कितनी ज़िम्मेदारियाँ उधर दावत भी है तबलीग भी है इबादत भी है वकी की मशक्क़ें भी हैं ऊपर से ने मक्का की मुखालफें और अजियत रसानियाँ भी हैं इस हालत में चार बेटियों की कफालत निगरानी हिफाजत बड़ी उम्र की बुरदबार खातून हज़र सौदा रजी अल्लाह तहा को आपके घर में दाखिल कर दिया गया ताकि आप घरेलू जिम्मेदारियों और परेशानियों से बेफिक्र के खुल के अपना काम है, हर निकाम में हमत हजरत रजी अल्लाह ये वो निकाय जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना इसको बनाया जाता है और ये वो निकाय जो सबसे ज्यादा खैर वरकत लाया सबसे ज्यादा खैर वरकत इसी निका से निकलती है पहली तनकीद तो यह होती है कि एक छोटी ना बच्ची के साथ निका यह तो पता नहीं क्या है ना जुल्म और ज्यादती है मैं आपको बताऊं ये उम्मत के लिए एक नमूना पेश करना था एक लचक और छूट देने के लिए ना बाल बच्ची के साथ निकाह करना हुक्म खुदाबंदी नहीं है ना ये सुन्नत मद है ये तो एक नमूना है जवाज़ है कि अगर कहीं मजबूरी हो तो ये परमिसेबल है और ये डूएबल है और ये किया जा सकता है आप देखें हर वक्त सबके हालात एक जैसे नहीं होते सोचें ना ज़रा एक माँ है बाप उसका शोहर वैसे ही फौत हो गया है अकेली खातून है बेवा अकेली खातून है और ख़ुद भी अब वो कैंसर के मर्ज़ में मुबतला है डॉक्टरों ने उसको टर्मिनल कैंसर कह के लाजवाब उसका लाइलाज जो है उसको करार दे दिया अब उसकी एक ही बच्ची है बच्चे के साथ वो क्या करेगी ना मामू संभालते हैं ना चाचा संभालते हैं कोई संभालता है नहीं अब ये माँ इसके लिए एक ऑप्शन तो यह कि उसको किसी ऑर्फनेज में या किसी यतीम खाने में दर बदर की ठोकरें खाने और मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए छोड़ जाए उसको तनहा जिंदगी में और दूसरी ऑप्शन यह कि इज्जत से उसका हाथ किसी शरीफ घराने के मर्द में दे जाए जहां उसकी सास भी शायद उसको माँ और उसकी नंदे भी शायद उसको बहन बना के पाल लें यह ऑप्शन बेहतर ऑप्शन है इसलिए ये निकाह करके दिखा दिया गया कि मजबूरी की हालत में दिस इज एन ऑप्शन इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि ने किया था ये किया जा सकता है अगर आपने ना किया होता और सिर्फ इजाजत होती मर्जी से थोड़ा था रसूल को वही में खाब में हजरत जब्राहल ने एक सोने के थाल में रेशम के रुमाल में लपेट कर हजरत आयशा को प्रजेंट किया था दो दफा आपको ये ख्वाब आया था यह वही इलाकी से हुआ था और फिर ये निकाह कितनी खैर बरकत लाया छोटी उम्र की बच्ची रॉ माइंड फ्लेक्सिबल एज ज़्यादा, खुद हजरत आयशा फरमाती हैं कि वो जो मॉन्टिसरी पीरियड था बिल्कुल छोटा बचपन का टाइम था मैं अपने घर में होती थी तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि रसूल सलि से हमारे घर में तशरीफ़ ना लाए तो वो जो बिल्कुल इनिशियल प्री स्कूल मानटिस पीरियड था उसमें रोज़ नबूवत की किरने अपने वालिद के घर में इन पर पढ़ती रहीं वहाँ पे तरबियत होती रही और फिर जब स्कूल का कॉलेज का यूनिवर्सिटी का पीरियड था फिर व नफीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना में शिफ्ट हो जाती कितना वो फ्लेक्सिबल पीरियड होता है कितना वो रॉम माइंड होता है हाफसा कितना होता है सलाहियतें कितनी होती हैं ये वो एक बच्ची को रख के पूरे का पूरा दीन और क़ुरान की तालीमत समो के मुसलमान खवतिन के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल बना दिया गया था आयशा सदीका का था कि नहीं था ये कमारी यंग बच्ची जो रसूल के अकदे निका में आती हैं साहबा ने ऐसे तो नहीं कहा था चौथा हिस्सा दीन का हमें हमारी माँ आयशा रजील तहाज से मिला था दो हजार दो सौ दस हजरत आयशा रजी अल्लाह अनहास से मरवी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा के बाद शी लाइक जस्ट एजर थी तो फौत हो जाते हैं उसके बाद फिर कितने साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की अशात हिफाजत तालीम करती हुई नजर आती है ये बरकतें और फ्यूज और फिर अलग बात यह थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो पहले यारे गार थे जो सिद्दीक अकबर थे अब इस रिश्ते के बाद उनके घर को रसूल अल्लाह वसल्लम के घराने के साथ डायरेक्टली जोड़ दिया गया हजरत अफसा रजी अल्लाह तआला निकाह बड़ा खूबसूरत सा वाक्य ये जब बेवा हो जाती हैं तो हज़रत उमर निकाह का पैगाम अपनी बेटी के निकाह का पैगाम लेकर हजरत उस्मान के पास जाते हैं क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी जो इनके निकाह में वो फौत हो गई हैं हज़रत उस्मान कहते हैं मुझे बीवी से इतनी मोहब्बत है कि भी तो मेरा दिल ही अगले निकाह को नहीं मान रहा मेरा मेरा मेरा, मेरा जो मिजाज है इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ फिर हजरत अबू बकर के पास निकाह का पैगाम लेकर जाते हैं और वो भी खामोश रहते हैं शिकवा लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर हाज़िर होते हैं कि इस तरह मैं उस्मान रजी अल्ला के पास गए उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया और हजरत अबू बकर ने तो मेरे निकाह के पैगाम का जवाब ही नहीं दिया ही प्रिफर टू स्टेकवाइड अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली देकर फरमाते हैं उमर दिल तंग ना करो हो सकता है अल्लाह हफ्ा को उमर उस्मान और अबूबकर से बेहतर शोहर दे दे और हो सकता है अल्लाह उस्मान को हफ्सा से बेहतर बीवी दे दे ऐसा ही हुआ था हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तुम के निकाह में रसूल वसल्लम की दूसरी साहिबजादी और हज़रत हफ् का निका रसोल्ला वलम के साथ हुआ था और ये निकाह का मकसद भी ये था कि दो खलीफा दोम थे पहले ख़लीफ़ा को भी और दूसरे मुस्लिमीन को डायरेक्टली उनकी बेटियाँ रसोल्ला सल्ह्लम के घर में लाकर पहले दो खलिफ़ाए राशिदीन को ऐसे जोड़ा और खिलाफत राशद के अगले दो खलीफा राशद के घरों में रसूल सल्ह् वसम की साहिबजादियाँ भेज कर, उनको भी डायरेक्टली रिश्तों से जोड़ दिया उसके बाद अगर आप देखें तो हज़रत ज़ैनब बिनत जहज का निका हज़रतम सलमा के निका का वाक्य आप सुन चुके हैं ज़ैनब बिनत जहज का निका भी आपने देखा किन अगराज़ और किन मकासद के लिए हुआ रसूमत को ख़त्म करने के लिए ग़लत तस्वरत निकाह के ख़त्म करने के लिए फिर अगर हम देखते हैं तो हज़रत जवेरिया हज़रत जवेरिया हज़रत सफ़िया हज़रत उम् हबीबा ये वो निका थे जो सियासी बुनियादियों पर करवाए गए थे रसूल सल्ला वसलम के पक् कट्टर सरगन्ना दुश्मनों की बेटियों के साथ निकाह करवाए गए थे क्योंकि अरबों का तरीका यह था कि जब बेटी का जान निकाह हो जाता ना वो अपने दामाद के साथ आगे झुक जाते तो दुश्मनियाँ ख़त्म करने के लिए अदावतें मिटाने के लिए मोहब्बतें बढ़ाने के लिए रसूमा की असलाह कराने के लिए डिफरेंट मकासद के लिए यह निकाह करवाए गए थे ये वाज तौर पर ये सारे दलाइल हम सबको याद रखने हम में से किसी को भी एतराज़ नहीं है पॉलीगैमी का लेकिन ये तमाम दलाइल हमें सिर्फ इसलिए आने ज़रूरी हैं कि अगर हम कोई बदबक देखें कि जिसकी ज़बान पर ये एतराज़ और गुस्ताखी के अल्फाज हों तो हमारे पास दलाइल कुरानो हदीस से वाज तौर पर मौजूद हो और हम नबी सब उठने वाली जवाब देकर लाजवाब करने में कामयाब हो जाए फरमाया खालिशन तुम्हारे लिए है। दूसरे मोमिनों के लिए नहीं है हमें मालूम है कि आम मोमिनों पर उनकी बीवियों और लॉन्डियों के बारे में हमने क्या हदूद आये की है तुम्हें उन हदूद से हमने इसलिए मुस्तना किया कि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे अल्लाह तुम पर कोई तंगी ना रहे और अल्लाह गपूर और रहीम है तुम्हें इख्तियार दिया जाता है अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अलग कर दो जिसे चाहो अपने साथ रखो और जिसे चाहे अलग रखने के बाद अपने पास वापस बुला लो इस मामले में तुम पर कोई मुजायका नहीं इस तरह ज़्यादा मुतवे है कि उनकी आँखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा नहीं होंगी और जो कुछ भी तुम उनको दोगे वो उस पर सब राज़ी रहेंगी अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है वो अलीम और ख़लीम है इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें लाना हलाल नहीं है। अब ये निकाहों के हुक्म फ़र्क देख रही हैं ना और ना इजाज़त है कि उनकी जगह और भी आओ। ख़वा उनका हुसन तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना हो अलबत्त लॉन्डियों की तुम्हें इजाज़त है अल्लाह हर चीज़ पर निगरान है हाँ जी यहाँ पर निकाह के अहकाम के हवाले से जब रसोल्ला सल्ह्सम को तदुदुद अजवाज की इजाज़त दी जा रही है तो आपको अदल का भी मुकलफ़ नहीं किया गया था आपको पाबंद नहीं किया गया था बाकी मर्दों को तो कहा गया ना अल्लाह तादिलु वाहिदा तन के अगर तुम अदल नहीं कर सकते तो तुम फिर इस लचक से फ़ायदा ही नहीं उठा सकते रसूल सल्हम के एक तो ये निकाह अल्लाह के हुक्म से थे आपकी कोई मर्ज़ी कोई चाहत थी नहीं आपने तो अतात की थी और फिर ये निकाह आपकी इतनी दूसरी जिम्मेदारियाँ और दावत तबलीग जिहाद सारा कुछ इसलिए आप पर अदल का बोझ नहीं डाला गया था लेकिन इसके बावजूद आप अदल करते थे और बेहतरीन अदल करते थे लाइक अगर हम देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवाज मुताहिरात की मुलाकात के लिए असर से लेके मगरिब तक का वक्त लिमिट किया हुआ था असर से मगरिब आप तमाम अजवाज मुताहिरात के हजरों में तशरीफ़ ले जाते थे और बराबर बराबर वक्त सबको देते थे और फिर उसके बाद मगरब के बाद जिस जोजा मोतरमा की बारी होती थी अब उन्हीं के हजरे में क्याम करते थे यहाँ तक कि जब आप किसी कस्बे या किसी सफर पर तशरीफ़ ले जा रहे होते थे तो आप अपनी मर्जी या अपनी राय से नहीं पिक आउट करते थे कि इस दफ़ा मैं फ़लाँ जोजा को और इस दफ़ा फ़लाँ को नहीं कुरानदाज़ी की जाती थी और जिस जवजा महत्मा का नाम निकलता था आप उसी को साथ ले जाते थे अल्लाह ने आपको अदल का मुखलिफ नहीं किया था लेकिन फिर भी अदल क्यों ताकि उम्मत के मर्दों को अजवाज के हकूक सिखाने का नमूना बता दिया जाए आयत नंबर फिफ्टी थ्री ऐ लोगों जो ईमान लाए हो नबी अलैहि वसल्लम के घरों में बिला इजाज़त ना चले आया करो और ना ही खाने का वक्त ताकते रहा करो हाँ अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो ज़रूर आ जाया करो यहाँ पर फिर एक दफ़ा रसोल्ला सल्हु वम के तवसद से आप सल्लल्लाहु अलैहि के सवस से एक दफ़ा फिर घर में दाखिल होने का अदब और सलीका इसतीज़ान के हवाले से बताया जा रहा है कि घर में इजाज़त के बगैर दाखिल ना हो और मज़ीद एक और तस्वर भी समझाया जा रहा है कि अगर किसी ने तुम्हें दावत तोआम पर खाने की दावत पर भी बुलाया हो तो भी उसकी इजाज़त के बग़ैर इट ना जाया करो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो क़ुरान हमें एक्सप्लेन करता है और साथ ये भी इंस्ट्रक्शन है कि अगर तुम्हें बुलाया जाए तो फिर ज़रूर जाओ मोमिन के मोमिन पर हक़ जो पाँच हैं उनमें से एक ये भी तो है ना क्या हक है मोमिन के कि जब वो मुलाकात करे तो वो सलाम करे जब उसे छींक आए तो उसको दुआ दे जब वो बीमार हो जाए तो उसकी यादत करे जब उसको दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे और जब वो फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो कौन सी दावत में शामिल मिल जो दीन की हदूद और कयूद के मुताबिक हैं उन दावत के दावत नामों को कबूल करना है मैं कह जब खाना खा लो तो तुम्तर हो जाओ बातें ना करने लगो ये और मेहमानों को अदब और सलीका सिखाया गया कि तुम किसी के घर मधु हो खाने पे जाते हो तो एक तो खाने के वक्त से पहले ना जाओ अन इन्वाइट ना जाओ जाकर इजाज़त लो दाखिल होने से पहले और फिर जब खाना खा लिया जाए तो फिर वापस अपने घरों में आ जाओ कितना प्रैक्टिकल सासुल है आप देखिए कि कई दफ़ा मेज़बान ने और ख़ास तौर तो पर आज के दौर में तो मेज़बानों ने बहुत ही मुशक्क़त की होती है आज वो रिया दिखावे नमूदो नुमाश के चक्कर में भी कई दफ़ा हम दो दो तीन तीन दिन पहले खाने बनाने लग पड़ते हैं फिर उसके बाद मीठे बनाने लग पड़ते हैं अब वो बेचारी मेज़बान जो थकी हारी सुबह से काम कर रही है अभी तुम्हारे जाने के बाद उसने अपना खाना भी सेटल करना है अपनी क्रॉकरी कटलरी भी सेटल करनी है तो कई दफ़ा ये होता है कि खाने के बाद मेहमान वही बैठ जाते हैं अच्छा जी आपसे तो गपशप भी नहीं लगी आए बैठें आप गपशप लगा लें अब चाय हो जाए या पान हो जाए नहीं अल्लाह ने कहा है खाना खा लिया तो मेजबान को अपने काम सेटल करने की फुर्सत दो और मुंतशिर हो जाओ बातें करने में ना लग जाओ तुम्हारी ये हरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देती हैं मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते और अल्लाह हक बात कहने से नहीं शर्माता असल में ये जो हुक्म बताया जा रहा है ना कि जब तुम खाना खा लो और मेज़बान दावत तौमाम में तुम्हें खाना खिला के फारिग कर दे तो फिर बातें करने के लिए ना बैठो और मुंतशर हो जाओ और ये कि नबी अलैहि वसल्लम जो हैं वो शर्माते हैं और अल्लाह नहीं शर्माता असल में ये अहकाम जरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताल के वलीमा जो था उसके पस मंज़र में नाजिल हुए वलीमा रसूल सल्हम की सन्नत है सुनत मौक्ता है और यह शराइ निका में से एक है इसका मकसद दो एक तो अपने रिश्तेदारों और कराबत दारों को अपनी खुशी में शामिल करना और दूसरा मकसद अलान निका एक दावत होगी जिसमें निकाँ का एलान भी हो जाएगा ये वलीमे के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वलीमा जो है वो माली इस्तात और हालात के मुताबिक बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है हज़रत सफ़िया रज़ील्ल्हु तहा का निकाह हालांकि वो एक एक बहुत बड़े यहूदी जो था सरदार था उसकी बेटी थी साथ हिजरी में गजबाए ख़ैबर के बाद जब रसूल सल वसलम के अग दे निका में आती हैं तो जंग की कैफियत है मैदान जंग से फारिग हुए हैं गरीब वतनी की हालत में अपने देश में तो बैठे नहीं हुए अपने शहर में बैठे नहीं हुए इतना बड़ा निकाँह नहीं था बिल्कुल सादा सा निका था चमड़े का दस्तरखान बिछाया गया था कोई आटा लाया था कोई घी लाया था कोई चीनी वो बना दिया गया था और सब ने खा लिया था ये जैन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ता का निका बिकॉज हालात नहीं थे ऐसी सिचुएशन नहीं थी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताल का निका बहुत बड़ा एक्सटेंसिव लेवल पर कि पूरे का पूरा गोया मदीना ही मदू था दस्तर चुना गया था लोग आते जा रहे थे और खाना खा के रख्सत होते जा रहे थे तो वाज तौर पर जवाज है कि वलीमा सुन्नत मौदा है शरात निकाह में से है लेकिन इसको अपनी इस्तात और अपनी हालात के मुताबिक बड़ा भी किया जा सकता है और छोटा भी किया जा सकता है बड़ा करना कोई गैर शर्ी नहीं है अब हज़ा जैनब रजी अल्लाह का निकाह था लोग आते जा रहे थे रुखसत तो होते जा रहे थे लेकिन ये एक टोला था जो वहीं पर बैठ गया अब फारिग होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला के तजरे में तशरीफ़ ले जाना चाहते थे लेकिन मेहमान अभी मौजूद थे आपने उनको निकलने के लिए नहीं कहा आप तमाम अजवाज मतहरा के हजरों में एक चक्कर लगाए वापस तशरीफ़ लाए अभी ये मेहमान वहीं बैठे हुए थे गपशप में लगे हुए थे आपने फिर हया का मामला किया कुछ नहीं कहा अभी आप दूसरी तरफ जाने लगे थे तो फिर पीछे से ये आयात नाजिल हुई और ये लोग जो हैं ये रुखसत हुए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला तहा के पास तशरीफ़ ले गए अब जब आप वहाँ पे दाखिल होते हैं तो फिर अगली आयत नाजिल होती हैं अल्लाह ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से आगे अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो क्या करो फसलुहुन्ना में वर हिजाब तुम उनसे हिजाब के पीछे से बात करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रसी अल्ला के हुज़रे में दाखिल होने वाले ही थे कि ये आयात नाज़िल हो गई और आपने उनके हुज़रे पर एक पर्दा लटका दिया ये समेना व अतवाना का हुक्म है ये हुक्म वाज तौर पर है कि मुसलमान औरतें और ना महर महरम मर्दों का जब किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन कोई सवाल जवाब कुछ लेना देना इंटरेक्शन हो विच इज़ डेफिनेटली परमिशबल तो अल्लाह कह रहे हैं फिर उनके दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब होना चाहिए हिजाब किस को कहते हैं हिजाब कोई रुकावट है कोई बैरियर है कोई है वो दीवार भी हो सकती है वो पर्दा भी हो सकता है वो दरवाज़ा भी हो सकता है वो चेहरे पर पड़ा हुआ एक निकाब और हिजाब भी हो सकता है लेकिन फ्री इंटरेक्शन और और इंटरक्शन जो है वो नहीं होगी उनके दरमियान एक हिजाब जरूर होगा इतनी वाज आयत आने के बावजूद भी लोग हिजाब के जकून को मानने से इनकार करते हैं और कहते कि ये तो महातुलमोमिन के लिए है ये तो उनके लिए ये हमारे लिए है ही नहीं अच्छा अब हमारे नाम भी एक खुला रुखा अभी आ जाएगा ताकि कोई ये कहके गेट अवे और स्केप ना कर सकेगा तो लिए लिए पूरे का पूरा रुका हमें एड्रेस करके दिया जाएगा यह हमारे और उनके दिल तुम्हारे और उनके दिलों की पाकिजगी के लिए ज्यादा मुनासिब है और मुझे आप ये बताएं कि यह उनके दिलों की पाकिजगी जो सहाब कर वो जो अनमताल और वो जो मोमिनीन रोल मॉडल्स उनके दिलों की पाकिजगी के लिए ये हिजाब ज़रूरी है क्या ये आज के माशरे की पाकिजगी के लिए ज़रूरी नहीं है ये तो जिद बरा जिद है जिसको लोग मानने को तैयार नहीं तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दो और ये भी जायज़ नहीं है कि उनके बाद उनकी बीवियों के साथ निकाह करो ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है तुम खा कोई बात ज़ाहिर करो खा छुपाओ अल्लाह को हर बात का इल्म है अजवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसमें कोई मुजायक नहीं कि उनके बाप उनके बेटे उनके भाई भतीजे भांजे मेल जोल की औरतें उनके ममलूक घरों में आए और तो तुम अल्लाह की नाफरमानी से परहेज करना चाहिए अल्लाह हर चीज पर निगार रखता है अल्लाह और उसके फरिश्ते मलायका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरुद भेजते हैं तह सल्लूनाबी याजीना आमन वसलम तस्लिमा तो जब अल्लाह और फ़रिश्ते उन पर दरुद सलाम भेजते हैं तो तुम क्या करो तुम भी उन पर दरूद सलाम भेजो दरूद और सलाम ख़ातिनबीन मोहम्मद सल्ला वम पर भेजना ये हुक्म खुदाबंदी और फरीजा दीन है सलाम के हुक्म की अतात तो जब हम तशु में बैठ के अतः की दुआ पढ़ते हैं तो वो सलाम भेजने की शर्त और हुक्म की अतात उस शक्ल में हम नमाज़ में तशुद में अपना लेते दरूद भेजना हुक्म खुदाबंदी है और एक इंतहाई अफजल और बेहतरीन और उम्दा अमल है अगर मैं बहुत सी अदीस का मुरक्कब बना के आपको सही अदी के हवाले से कि एक दफ़ा दरूद भेजने वाले पर कितने अजर का वाद मुतफरक अदीस को अगर समअप करके मैं आपको वो अजर बताऊं तो हदीस के वादों से पता चलता है कि एक दफ़ा दरूद भेजने वाले को दस नेकियां, दस गुनाहों की बख्शिश दस रहमतें दस बरकतें और दस दर्जात बुलंद किए जाते और हदीस का वादा यह भी है कि जब कोई शख्स जितनी देर वो दरूद पढ़ता रहता है उतनी देर फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआएं करते रहते हैं इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फ़रमाया शाफ मक्शर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फ़रमाया कि जो शख़्स पाबंदी के साथ सुबह दस और शाम को दस दफ़ा मुझ पर दरुद भेजेगा उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी इसी तरह हदीस का वादा उस शख्स के लिए भी है जो अज़ान का जवाब देने के बाद रसूल सल्हि वसलम पर दरूद भेज आपके लिए वो वह दुआ के अलफा अदा करेगा तो उसके लिए भी आपने फरमाया कि उसके लिए भी मेरी शिफात वाजिब हो गई जुम्मे के दिन भी आप वसल्लम ने कसरत से दरूद पढ़ने की ताकीद जो है वो हदीस में फरमाई है और दरूद के हवाले से वो वाक्य भी आते है हमें वैसे भी हदीस से पता चलता है कि जिस दुआ से पहले दरूद पढ़ा जाता है वो दुआ भी उसके लिए आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं और वो दुआ शहला ही तक पहुंचती है तो गोया कबूलियत है दुआ के लिए भी दुआ से पहले दरूद पढ़ना और वो एक सहाबी का वाक्य है उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं क्या मैं अपनी एक तिहाई दरुद दुआ को दरूद बना लूँ आपने फरमाया अगर तुम चाहो लेकिन अगर तुम बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है फिर उन्होंने कहा क्या मैं अपनी अपनी आधी दुआ को दरूद बना लूँ उन्होंने फरमाया कि आप अगर तुम चाहते हो तो ठीक है बना बढ़ा लो तो बेहतर है उन्होंने कहा कि यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं अपनी दो तिहाई दुआ को दरूद ही बना लूँ आपने फरमाया बढ़ा लो तो बेहतर है गोया सारी दुआ को भी अगर दरूद बना लें तो वो बहुत बेहतरीन होगा अब मैं आपको बताऊँ कि बहुत दफ़ा ऐसी हालत और ऐसी परेशानी और टेंशन कई दफ़ा आ जाती है कि इंसान को समझ भी नहीं आता कि दुआ क्या कभी कभी होता है ना इतना स्ट्रेस और इतनी एंग्जाइटी और टेंशन होती है कि दुआ भी जबान पे नहीं आती और समझ भी नहीं आता कि इस वक्त मैं मांगू तो मांगू क्या बस उस वक्त फिर क्या करना है दरूद पढ़ते जाना है अल्लाह हमारी हालात को देखता भी है जानता भी है सुनता भी है अलीम भी है वो ख़ुद ही उस दरूद के बदले उस तकलीफ को काटेगा का और बेहतरीन नतज और ख़ैर मुरतब करेगा तो ये वो दरूद है लोग बहुत दफ़ा पूछते हैं कि जी दरूद पढ़ें तो कौन सा दरूद पढ़ें जो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ दरूद क्या है सल आलही वसल्लम जब सिर्फ इतना भी कह दिया जाए तो नबी वसल्लम के इसमें ग्ररामी के आने पर दरूद पढ़ने की शर्त जो है वो मुकम्मल हो जाती है बेहतरीन दरूद कौन सा है दरूद इब्राहिम दरूद इब्राहिमी बेहतरीन और करेक्ट तरीन दरूद है और पहले ही लोगों की जबान ज़ाकिर कम है पहले ही दरूद में कुछ कमी रह जाती है तो फिर जितना पढ़ना है वो क्यों ना पढ़े जो बेहतरीन है कैसे पता चलता है कि ये बेहतरीन है क्योंकि जिनके लिए पढ़ना है उन्होंने खुद जो हमारे लिए हमारी नमाज में तजवीज़ किया क्या ख़्याल है वो बेहतरीन नहीं होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए हमने पढ़ना है उन्होंने जो दुरूद ख़ुद हमारी नमाज के तश्त में हमें पढ़ना सिखाया है देर इज़ एब्सल्यूटली नो डाउट कि वो बेहतरीन है तो जितना पढ़ना है जब पढ़ना है वो बेहतरीन ही शक्ल क्यों ना पढ़े और बहुत से दरूद खुद हमारे माशरे में उसकी किताबें कुछ बहुत मौजूद हैं लेकिन उनमें से बहुत से मुशरकाना भी हैं उनमें शर्क के कलमात भी हैं और मैं आपको बताऊं कि उनमें से बहुत सों के तर्जमे के अंदर शर्क नहीं दिखाया जाता हालांकि हकीकत में अल्फाज मशरक़ाना मौजूद है तो इन मुश्तब चीज़ों से ज़रूरी बच जाइए और वह दरूद जो हम अपनी नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं उसको अपनी ज़बान पर कसरत से जारी रखिए आयत नंबर 59. या याहन नबी कुल्ली अजमाजिका वबनातिका बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन मिन जिलाबी बिहिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें सूरा अहज़ाब की इस आयत नंबर 59 में मुसलमान औरतों को मुखातिब करके एक बड़ा क्लियर कट दो टोक हुक्म दिया जा रहा है और मुखातिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहकर यह नहीं कहा जा रहा कि आप ये कर लें क्योंकि ये हुक्म है ही खालिसतन ख़वातीन इस्लाम के लिए तो आपको कहा जा रहा है कि आप फ़लाँ फ़लाँ खातून इस्लाम को ये हुक्म दे दें कि वो ये कार अपना लें हुक्म खुदाबंदी दिया जा रहा है अल्लाह फरमा रहे आप अपनी बीवियों बेटियों अहले ईमान की औरतों से कह दें कि वो अपने ऊपर चादरों के पल्लू लटका लिया करें असल में ये हुक्म अब एक फ़ाइनल फॉर्म है अल्लाह ने हमें ज़ीनतें छुपाने तबरुद से बचने वसल हन्ना में वराए हिजाब के तरीक़े सिखाए हैं तो अब पर्दे का एक मुकम्मल चार्टर और एक मुकम्मल जाप्ता और तरीक़ा यहाँ पर इस आयत के ज़रिए से समझाया जा रहा है कि वो जो तुमने अपनी ज़ीनतें छुपानी हैं वो जो तुमने हिजाब का अहतमाम करना है वो जो तुमने तबरज से बचना है तो फिर ये तुम्हारे लिए हुक्म मौजूद है बड़ा वाजे क्लियर कट हुक्म है और किसी भी कुरान के हुक्म को समझने का तरीका वही जो मेरा ख़्याल है किसी भी ज़बान के जुमले को समझने का है कि सबसे पहले कुरान की आयत के हुक्म को समझने का एक पहला तरीका कि ग्रामर की रू से ग्रामेटिकली उसकी ट्रांसलेशन को और उसके तर्जे को एनालाइज करके समझा जाए ताकि पता तो चले कि अलफ़ाज के क्या के है अल्फाज अल्लाह के हैं तो अल्लाह के क्या राय उसको ग्रामीटिकली उसका ट्रांसलेशन एनालाइज करके समझना दूसरी बात कि जब ये आयत नाजिल हुई तो इस आयत की तशरी में इसकी तौज़ी में मुफ़रीन ने क्या लिखा है तीसरी बात कि जब ये आयत नाजिल हुई थी तो वो उस दौर के लोग जो अहले अरब थे जो अहले ज़बान थे जो ज़बान को समझते थे उन्होंने जब इस आयत को समझा था तो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया था उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था ताकि इस हुक्म की नोयत समझ में आ जाए तो ये तीनों तरीके अगर इस हुक्म के बारे में देख लें इसलिए मैं इसको इस अंदाज से समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ क्योंकि इतने क्लियर कट हुक्म के बावजूद शक शुबा चेहरे के पर्दे और निकाब के बारे में तरद और इनकार कहाँ लिखा है नहीं लिखा है उस दौर के लिए आज के लिए नहीं है ये वजाहतें मौजूद हैं अल्लाह सुबाना ताली क्या फरमा रहा है ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन करके देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किन से कहें अपनी अजवाज़ से कहें क्योंकि वो उम्मत की रोल मॉडल्स हैं अपनी अजवाज़ से कहें और बनातिकाँ अपनी बेटियों से कहें गोया इस हुक्म की अताज़ सबसे पहले नबी मेहरबा सल्ला वसलम के अपने घरने से की गई है जो रोल मॉडल्स हैं ताकि कहीं कॉल और फेल का तजाद ना हो वो रोल मॉडल्स भी वो अमल अपनाती हुई नज़र आ जाएँ अपनी <Shriek> से कहें अपनी बेटियों से कहें और किसको कहें निशाइल मोमिनना मोमिनों की औरतों को भी कहते मोमिनों की औरतें कौन होती हैं कहाँ होती हैं आप जानती हैं निसाइल मोमिन से मुराद कौन है ये कौन सी मखलूक है औरतों की कहाँ रहती हैं? क्या मरीख पे रहती हैं चांद पे रहती हैं किस बस्ती में रहती हैं आप जानती हैं कौन है मोमिनों की औरतें बताएं जी कौन होती हैं मोमिनों की औरतें क्यों शक करती हैं अपने भाइयों अपने बापों अपने बेटों और अपने शहरों के ईमान पर अल्लाह उनके ईमान को सलामत रखे अल्लाह हमारे इन मर्दों को मोमिन बनाए ये मुखातिब हमसे हैं हम मोमिनों की माएँ बीवियां बहने बेटियां अल्लाह हम से मुखातिब है वो जो हर आयत का हुक्म आने के बाद कहने वालों ने कह दिया ना ये उस दौर के लोगों के लिए ये मोमिनीन के लिए अल्लाह ने यहाँ मेरे और आपके नाम में खुला ख़त भेज दिया है तमाम मोमिन औरतों की बीवियों बहनों बेटियों सबको बता दो कि उनके लिए ये हुक्म है ये मेरे और आप में से हर एक को मुखातिब करके एक एक को यह हुक्म दे दिया जा रहा है कि तमाम औरतों को कह दो कि जब वो अपने घरों से निकलें अपनी जीनतों को छुपाने और अपने तबरद से बचने के लिए निकलें तो क्या करें युदन युदन का रूटवर्ड दाल नून वाओ है ये दुनिया का भी रूटवर्ड है ये अदना का भी रूटवर्ड है दनु का मतलब क्या होता है नीचे करना लटकाना झुकाना पस्त करना और करीब करना दे यू आर सब कुछ बता दी अल्लाह ने कहा कि वो नीचे कर लें लटका लें झुका लें पस्त कर लें करीब कर लें कहाँ से अलई हिन्ना अपने ऊपर से ऊपर से क्या मतलब अपने सरों के ऊपर से किस चीज़ को लटका लें झुका लें मिन जिला बीबे हिन्ना उनके जिला जिला बीब में से जिला जिलबाब की जमा है जिलबाब अरबी ज़बान में किसको कहते हैं अहले ज़बान तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं जैसे आप ओवरऑल समझती हैं जैसे आप गाउन समझती हैं जैसे आप ओवरकोट समझती हैं ना ओवरकोट क्या है अरब समझते हैं कि जिलबाब क्या है अरबी ज़बान में जिलबाब उस कपड़े उस लिबास को कहते हैं जो लिबास के ऊपर पहना जाता है जिलबाब अरबी जबान में वो कपड़ा वो लिबास है जो लिबास के ऊपर पहना जाता है खुल्लम खुल्ला, ढीलम ढीला इतना मोटा इतना दुबीज़ इतना नॉन ट्रांसपेरेंट कि अंदर वाला नीचे वाला ज़ेरी लिबास जो है उसकी ज़ीनतें ना झलक जाएं। तो लिहाजा अल्लाह ने कहा कि ए मुसलमान औरतों जब तुम अपने घरों से निकलती हो जीनतें छुपाना चाहती तबर्रजों से बचना चाहती हो वसलुहन्ना में वराए हिजाब की अतात करना चाहती हो तो तुम जिलबाबे ले लिया करो तुम जिलवाब ले लिया करो वो जिलवाब कोई खुल्लम खुली चादर भी हो सकती है वो स्टिश भी हो सकता है वो अनस्टिश्ड भी हो सकता है अपनी सहूलत और अपने हालात और अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से कोई खुल्लम खुल्ला ढीलम ढीला मोटा सा नॉन ट्रांसपेरेंट कपड़ा अपने कपड़ों के ऊपर ले लिया करो और फिर उसको उस सारे का सारा नहीं मिन उसमें से कुछ हिस्सा अपने सरों के ऊपर से लटका लिया करो झुका लिया करो नीचे कर लिया करो और करीब कर लिया करो मुझे बताएं इससे ज़्यादा वजा चाहत से तो अल्लाह हुक्म दे नहीं सकता था जितना अल्लाह ने दे दिया अल्लाह सुबहान तला ने चेहरे के पर्दे और चेहरे के निकाब का हुक्म देते हुए तो मैं जब ये आयत का तर्जमा पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे यूं लगता है कि अल्लाह ने एक मुसलमान औरत का हाथ पकड़ के उसको निकाब और हिजाब पहनने का तरीका सिखाया हाँ बस सिर्फ अंग्रेज़ी या उर्दू में नहीं सिखाया और यहाँ सिर्फ़ ये नहीं कहा कि फिर एक पिन इधर लगा लेना या एक पिन उधर लगा लेना अल्लाह ने तो हाथ पकड़ के किजाब और निकाब पहनने का तरीका और सलीका सिखाया और मैं वाजह तौर पर अगर आपको कहूँगी तो आप मेरे साथ इस बात पर राज़ी होंगी कि इतनी डिटेल से तो अल्लाह ने नमाज़ का तरीका नहीं सिखाया इतनी वजाहत के साथ तो मेरे रब ने यह नहीं सिखाया कि ऐसे रकू करना ऐसे सजदा करना ऐसे क्याम करना ऐसे हाथ बांधना ऐसे तकबीर करना इतनी डिटेलिंग और माइन्यूट डिटेल के साथ तो मेरे रब ने नमाज जो बुनियादी सुतून है उसका तरीका नमाज का अल्लाह ने कुरान में नहीं सिखाया जितना मेरे रब ने पर्दे का और चेहरे के निकाब का तरीका सिखा दिया लेकिन फिर वो इज्जत के नहीं है चेहरे का पर्दा नहीं है चेहरे का पर्दा अच्छा जब यह आयत नाजिल हुई इसकी तफसीर में तशरी में वज़ाहत में जो बड़े बड़े मुफसरीन कुरान थे जिन्होंने राइट फ्राम दोर्स प्रॉफिट सल्म से जिन्होंने कुरान की तस्वीर सीखी थी उन्होंने इस आयत की तफसर में क्या फर्मा हज़रत हजरत हजर सीरीन रहमत लीरन रहमत ल बैदा सलमानी को जब सवाल पूछा उबैदा सलमानी बहुत बड़े मुफसरे कुरान हैं और ये काजी शुरा के हम पल्ला हैं बिल्कुल फ्रॉम द ऑरिजन जो तफसीर सीखते हैं उबैदा सलमानी से जब पूछा गया कि इस का क्या मतलब है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने बोल के जवाब दिया ही नहीं उन्होंने बड़ी सी चादर ली उसको अपने इर्द गिर्द लपेटा और अपनी आँख खुली छोड़ी एक आंख खुली छोड़ी और कहा इसका ये यह कि जब औरत अपने घर से निकलती है तो वो इस ड्रेस कोड के मुताबिक निकलती है। और सिर्फ इनकी नहीं सिर्फ इनकी नहीं बड़े बड़े सारे मुफसरीन कुरान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है ये वो सहाबी रसूल सल्हल आपके चचा जहाँ हैं हज़रत ममूना रज़ी अल्लाह ता के भांजे हैं एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं तीन दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा नबी सल्हलम ने हाथ उठा के इनके लिए दुआ की थी अल्लाह मफक् दीन अल्लाह इसको दीन का फ़हम दे अल्लाह ने घुट्टी दी थी हजरत अब्दुल्ल अब्दुल्ला बिन अबास को हिब्रमा स्कॉलर ऑफ़ द है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इब्ने जरीर है हैं ये सारों ने सल्लल्लाहु वसल्लम से तफासिर सीखी और जब उनसे भी पूछा गया इस का मतलब क्या है आज के उलमा को बीच में से निकाल दीजिए गो टू दॉस गो टू दिजन जिन्होंने उनसे सीखी थी सब जैद मुफसरीन क़ुरान ने इस आयत की तफसीर में यही कहा था कि एक मुसलमान औरत अपने घर से निकलती है तो वह अपने सारे जिबास को सारी जीनतों को एक चादर से ढांप लेती है आंखें खुली रखती है रास्ता देखने और चलने की सहूलत के लिए इस साहित की तशरी है जो मुफसरीन ने की और फिर जब यह आयत नाजिल हुई थी जो मुखातिब खुवात है उस दौर की उनका रवैया क्या था अजवा का हज़रत आयशा के अल्फाज आपके पास मौजूद हैं हज़रत आयशा ने क्या फरमाया था कि सिफान बिन मुअत्तल ने मुझे पर्दे के अहकाम नाजिल होने से पहले देख रखा था इसलिए मुझे पहचान आयशा सिद्दीका रजियाल्ला ने मेरे और आपके टोटल क्लैरिटी के लिए दूसरी बात फरमा दी थी कि जब सफमान बिन मोतिल की आवाज आई थी तो फिर मैंने अपने चेहरे पर चादर डाल ली थी आयशा रजील ताज तौर पर क्लैरिटी से कर दी बिना का बेटियों ने क्या किया वो तो हया का पैकर है फातमा तो जहरा उनकी एक दोस्त है वाकया बताती है कि हज़रत फ़ातमा बीमार बीमारी हज़रतली रजी अल्लाह तन पाँच तशरीफ़ फरमाते मैं आदत के लिए गई बड़ी परेशान थी और उन्होंने हज़रत हज़रतली रजी अल्लाह तु से फ़रमाया कि अली जरा गौर से सुनेगा अली जब मेरा जनाजा घर से निकालो तो रात के अंधेरे में निकालना अल्लाह वक़बर ये हयाक का पैगाम है हालांकि वो लिपटी होती है मैयत पूरी की पूरी उन चादरों के अंदर लिपटी होती है सादी अनसली चादरों में कोई जिस्म की अयत सा ना दिन की रोशनी में निकली किसी ना महरम की वो जिस्म की किसी साख बाहर पर नज़र ना पड़ जाए अली मेरा जनाजा निकालोगे तो रात के अंधेरे में निकालना हजरतिया फरमाती हैं मैंने तसली दी थी आप परेशान ना हम अपने पर्दे को ख़राब नहीं होने देंगे मैं हबशा में गई थी तो मैंने देखा था कि वह मैयतों के ऊपर वो लकड़ियों की जो शाखें हैं उसका वह स्ट्रक्चर बना के चादर तान ली जाती थी ये तो बनातिका का जवाब है निसाइल उस ज़माने की उन्होंने क्या कहा सिर्फ एक मिसाल आपको आयशा के हवाले से अगर मैं आयशा फरमाती हैं जब यह आयत नाजिल हुई थी जब यह यायत नाजिल हुई थी तो उन्होंने बड़ी बड़ी चादरें ले ली थी और कैसे फरमाती हैं कि जब मस्जिद में भी आती थी फजर की नमाज़ में मस्जिद के लिए आती थी तो जायशा फ़रमाती हैं कि मुसलमान औरतों का हाल क्या था सिमिली देकर फरमाती हैं का अन्ना उन्ना गुराबन कि वो ऐसे काली काली बड़ी बड़ी चादरें लेकर आती थी कि लगता था कि वो बड़े बड़े काले कवे हैं जो चलते आ रहे हैं कुछ नज़र नहीं आता था उनकी शक्लों उनकी चेहरों उनकी हैयतों में से और निसाइल ने क्या किया उम्मी खलाद रजी अल्लाह तहा का वाक्य आता है ये एक सहाबियाँ हैं मैदान जंग में इनका एक भाई और एक बेटा हुआ दो जिगर के टुकड़े शहीद हैं। दो जिगर के टुकड़े एक बेटा और एक भाई शहीद हो गया और जब बाहर निकलती हैं अपने घर से इतनी बड़ी खबर और इतने बड़े सानहे की ख़बर के बाद अपने घर से उम्मे उम्मलाद रजील्ला बाहर तशरीफ़ लाती है तो पूरे पर्दे की हालत पूरे निकाब की हालत में बाहर निकलती है सहाबा की भी अकलें दंग रह जाती हैं सहाबा फरमाते हैं कि बहन तुझ पर इतना बड़ा गम और इतना बड़ा सदमा और इसमें भी तू अपना पर्दा और हया कायम किए हुए उम्मे खलाद ने पैगाम दिया था सारी उम्मत की बेटियों को पैगाम दिया था सारी उम्मत की अपनी बहनों को उम्मे खलाद ने पैगाम दिया था भाइयों मैंने अपना भाई और अपना बेटा खोया है मैंने अपनी हया नहीं खोई मैंने अपनी हया नहीं खोई आज हम अपनी हया खो बैठे आज हम हकीकतन अपनी हया खो बैठे पूरे का पूरा माशरा ऐसे लगता है जैसे हमने अपनी हया का सौदाई कर ली ऐसे लगता है जैसे हम हया को कहीं लपेट के हम बही अरब में फेंका है और खत्म कर दिए हमने हया का पर्चा वर्काई फाड़ के रख ऐसा नहीं है तो और क्या है पाकिस्तान दो सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कलमा तैयबा के नाम पर लिया हुआ यह रियासत इसकी गलियों में कूचों में चौराहों में स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में सरेआम जवान कमारी, बच्चियां अपनी जुल्फे खोल के दुपट्टे फेंक के बेहयाई का लिबादा जीने टॉपें टाइटें क्या क्या बताऊं और क्या क्या सुनाऊं गलियों में मटकती फिरती है अब सिर्फ ये नहीं है उनके साथ उनके जवान भाई उनके बाप उनके कंधे से कंधा मिला के फिरते हैं किसी को गैरत नहीं आती किसी को खया नहीं आती बल्कि उल्टा वो फख्र जताते हैं अपनी इस बेटी के ऊपर कह के बड़ी बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है बड़ी प्रोग्रेसिव हो गई है बड़ी तरक्की करेगी बड़ी स्मार्ट है बड़ी रिफाइंड है कैरी करने के तरीके आगे कहा जा रहे हैं वाजे तौर पर अगर हम देखें तो ये वाकई हया का सौदा ही है जो हमें माशरती सतह पर हर हर लेवल में नजर आ रहे है। अगर मुख्तरा दोहरा लीजिए आप अहकाम जो अल्लाह ने पर्दे के हवाले से दिए सोराफ़ में फ़रमाया गया क़द अन् लिबास सोआत हम फिर फ़रमाया गया लिबास तकवा ज़ाल का ख़ैर नूर में हमने पढ़ा वलायुद्दीन ज़ीना तहन्ना जुहर मिन्हा एक पूरी फहरिस्त बताई गई फिर अब यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया वसल में वराए हिजाब वकरना फ़ी बूत कुन्ना तबरुद से रोका गया और फिर अब कहा जा रहा है युद्दीना मिन जिलाबी बहन ये सारे के सारे अहकाम आए तो क्या रिस्पॉन्स थी क्या हुआ था हम देखते हैं कि वो मोमिनीन, वो वहाबियात नबी अलैहि वसल्लम के काफ़िले में शाना बशाना अपने इन तमाम महकाम की अताद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही थी वो मैदान जंग में भी जा रही हैं कारोबार भी कर रही हैं जराहियाँ सर्जरियाँ दावत तबलीग कर रही हैं और ये काफिला रवा दवा रहा था फिर कहीं शैतान ने फितना और वसवसा डाल दिया था कि यह तेरे पास तो अल्लाह की बड़ी ख़ूबसूरत और हसन मखलूक है ये तो बेचने की चीज़ है ऐसे बार बार बेच ये तो देखने की चीज़ है बार बार देख और फिर उसने इसकी मुस्कुराहटें दिखाकर अपनी टूथपेस्टें इसके चेहरे की रानाई देखकर अपनी साबुन की टिकियाँ उसकी चाल दिखाकर अपने जोड़े उसकी कैटवॉक से अपने डिजाइनर्स उसकी जुल्फों से अपने शैम्पू और वो बिकती है हवा की बेटी हर साइन बोर्ड पे बिकती है हर इश्तिहार पे बिकती है हर टीवी के एडवर्टीजमेंट पे बिकती है वो बिकती है बिकती है बिकती जा रही है बेचने वाला तो अपनी जेब भर रहा है ये क्यों बिकती है और सिर्फ ये इसलिए नहीं बिकती आप देखें कि औरतें उठती हैं अपने घरों में से अपनी गाड़ियों पे अपने हैंड बैग अपने कंधों पे डालती हैं माल भी अल्लाह का दिया हुआ सेब भी सवारियां भी हालात भी सब कुछ अल्लाह के दिए हुए लेकर जाती हैं बाजारों में और रब पसंद नहीं मन पसंद शोहर पसंद बरदरी पसंद कपड़े बना के आ जाती है। कब तक बनाती हैं कब तक बना लेंगी कुल्लू नफसे तुल मौत जिसने जाना है मुझे बताएं कोई डिजाइनर कफन पहन के गया उस दिन तो सब ने चारों चार, अल्लाह का वज़ा करता कफन पहन के जाना सियानी मेरी बहनों बेटियों वो है जो अपनी जिंदगी की मोलत अमल में है। अपनी मर्जी से इख्तियार अमल से दस्तबरदार होकर अपनी जिंदगी की मोलत अमल में रब पसंद लिबास पहन दुनिया की दुनिया को राजी करने बरादरी और माशरे को राजी करने की फिक्र निकाल दीजिए किसको राजी करना है तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन उस एक रब को राजी कर लीजिए ये असूल याद रख लीजिए रब राजी तो सब राजी रब रूठे तो सब रूठे अल्लाह हमें लिबास के अहकाम को समझने समझाने और अपनाने की तोफ़ीकत फरमाए अल्लाह सुबहाना ताल फरमाए ये तरीक़ा ज़्यादा मुनासिब है कि वो पहचान ली जाए सताई ना जाए अल्लाह गफूर और रहीम है अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में ख़राबी है जो मदीना में हैजान अंगेज अफवाहें फैला रहे हैं अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तुम्हें उठा खड़ा करेंगे फिर वो इस शहर में मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे उन पर हर तरफ़ से लानत की बोछाड़ होगी जहाँ कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे बुरी तरह से मारे जाएंगे ये अल्लाह की सुन्नत है जो ऐसे लोगों के मामले में पहले से चली आ रही है और तुम अल्लाह की सुनत में कोई तब्दीली नहीं पाएगी आप देखिए जब मुश्किल है कमात आते हैं ना तो लोग ठिठक के खड़े हो जाते हैं उसको रुक जाते हैं बहुत दफा डिले और पोस्टपोनमेंट मुझे याद है कि एक बैच में एक बच्ची थी अलमा का को कोर्स किया कुरान पढ़ा तो उन्होंने मुझे आके उसने कहा कि उस्ताजा मैं ना पर्दा तो करना चाहती हूँ लेकिन बस मैं ना छः महीने के बाद करूँगी मैंने कहा क्यों उसने कहा कि एक तो ये कि मैं पूरे घर में ना अभी अकेली हूँ मेरी एक और कज़न है ना वो भी कोर्स कर रही है तो मेरा दिल है कि वो भी कर लेना फिर हम दोनों करेंगे तो मुखालिफत को फ़ेस करना आसान होगा और दूसरे एक और बात है मेरे ना एक खालजाद की शादी है सारी फैमिली ने इकट्ठे होना है मुझे ना पर्दे की हालत में फैमिली को फ़ेस करना बड़ा मुश्किल बस एक दफ़ा ये शादी हो जाए ना फिर हम दोनों मिलके मतलब हम जनरली अतात को प्रोलोंग और डिले करते हैं समेना के बाद अतवाना असलम के बाद असलम तो डिले और प्रोलॉन्ग करते हैं किसी को क्या पता जिंदगी की मोहलत का अल्लाह यही कह रहा है वो तुमसे पूछते हैं क़यामत की घड़ी कब आएगी अरे मौत क्या है मौत भी तो क़यामत सुगरा है वो पूछते हैं क्यामत की घड़ी कब आएगी कहो इसका इल्म तो अल्लाह को है तुम्हें क्या खबर शायद वो करीब आ लगी हो बहरहाल ये यकीनी अमर है कि अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है काफिर कौन होते हैं या अल्लाह को नहीं मानते या अल्लाह की नहीं मानते सुन लेते हैं समझ लेते हैं अहमामात के मुताबिक अमल नहीं करते काफिरों पर लानत है लानत कबीरा गुना होता है लानत जन्नत से महरूम हो जाने वाला अमल होता है अब जब जन्नत से महरूम होंगे लानत की वजह से तो जहन्नुम में अल्लाह के अहकाम को सुनने के बाद इनकार करने वाले जहन्नुम उनके लिए भड़कती हुई आग है अच्छा कोई नहीं यहाँ पे खुल के जी लेंगे खुल के पहन लेंगे चार दिन जहन्नुम की आग? नहीं वो वहाँ पे हमेशा रखेंगे। ला या जदूना वली नसीरा जहन्म से निकालने के लिए उनका कोई वली मददगार नहीं होगा आप जहन्ुम में कैसे रहेंगे क्या हाल होगा जिस रोज उनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे मैं कई दफा यह बात बताती हूं कि जहन्नुम में जो गुना का उज्व है ना सजा उसको दी जाएगी गुना के उज को सजा दी जाएगी ये जहन्नमी अल्लाह के अहकाम पर्दे के अहकाम निकाब के अहकाम को सुनने के बाद नाफरमानी और इनकार करते थे मैं आपको बताऊँ पर्दे के अहकाम सुनने के बाद अक्सरियत के लिए चादर लेना बाया पहनना मुश्किल ही रहता मुश्किल होता है ना तो ये जो चार इंच का कपड़े का टुकड़ा जो चेहरे को कवर करता है ना यही मुश्किल होता तो वो चेहरा वो एक चेहरा जो कवर करना और ढांपना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया था ना उसी चेहरे को आग के ऊपर रोस्ट और टोस्ट किया जाएगा और उस वक़्त वो कहेंगे काश काश हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात कर ली होती कहेंगे अरब हमारे हमारे अब उन सरदारों हमने अपने उन सरदारों की जो टॉप स्टार्स थे जो स्टेटस थे जिनको देख दे के हम ड्रेस कोड्स अपनाते थे हमने उनकी अताात की उन्होंने हमें राह रहा से बेरा कर दिया अरब उनको दोरा ज़ाप दे और उन पर सख्त लानत कर। ऐ लोगों जो ईमान लाए उन लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने मूसा सलाम को अजियतें दी थीं फिर अल्लाह ने उनकी बनाई हुई बातों से उनकी बरात फरमाई और अल्लाह के नज़दीक भाईसत ईमान लाने वालों अल्लाह से डर जाओ और क्या करो कूलु का सदीदा बात सीधी करो ये क्या है बहुत दफ़ा लोग पर्दे के हिजाब के निकाब के अहकाम को सुनने के बाद अमल नहीं करते और अपने अमल को कवर अप और जस्टिफाई करने के लिए बड़े आराम से अल्लाह के अहमत की, की नफ़ी करके कह देते हैं कोई ने लिखा कुरान में पढ़ता है कहीं ने लिखा चेहरे का पढ़ता है कहीं ने लिखा ये आज के दौर के लिए अल्लाह कह रहा है कम अज़ कम दो रे गुना तो ना करो एक अल्लाह की नाफरमानी करते हो एक अल्लाह की सरकशी करते हो ऊपर से उसकी नफ़ी करके कम से कम दोरे गुना तो ना करो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको मान तो लो कम से कम एक्सेप्ट तो कर लो डबल नाफरमानी के मुरतकब तो ना हो जाओ और जब तुम बात सही करने लगोगे ना फिर अल्लाह पता है क्या करेगा अल्लाह फिर तुम्हारे अमल भी दुरुस्त कर देगा तुम्हारे कसूरों से माफ दरगुजर कर देगा ये भी मैं आपको समझाती जाऊँ अमल की तौफीक सही बात पर अमल की तौफीक होती भी उसको है जो हुक्म की नौयत को सही तरह कहता है जो नौयत को मानता ही नहीं है जो अपने आप को कवर अप करने के लिए हुक्म कोई रिफ्यूज़ करता है और हुक्म कोई इनकार करता है फिर उसके लिए मोर लग जाती है उसको अमल की भी तौफीक नहीं होती अल्लाह ने कहा कम अज़ कम कहो तो बात सही बाई वर्ड ऑफ़ माउथ तो एटलीस्ट अल्लाह के हुक्म का इनकार ना करो जब तुम सही बात कहोगे अल्लाह तुम्हारे अमल भी दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर भी करेगा और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लाम की अतात करेगा उसने बड़ी कामयाबी हासिल की हमने इस अमानत को आसमानों और ज़मीनों और पहाड़ों के सामने पेश किया तो उसे उठाने के लिए तैयार ना हुए उससे डर गए मगर इंसान ने उठा लिया वो बड़ा ाल जाख़िल है इस बार अमानत को उठाने का नतीजा है कि अल्लाह मुनाफिक मर्दों औरतों और मुशरक मर्दों और, और औरतों को सजा दे और मोमिन मर्दों और, और औरतों की तौबा कबूल कर ले अल्लाह गफूर रहीम है अल्लाह ईमानता फरमा अल्लाह कुरान हदीस के अहकाम को मान के इनकी मान के जिंदगी गुजारने की तोफ़ी अता फरमा रबीर और राख मीन रबना नान फिल्म तकफिर लाना व तरह नकुन ना मिनलिन रबी नी म तो नफसी फ़फिरली अल्लाह सुबहान तेरे अहकाम लिबास के अहकाम को पढ़ने सुनने से पहले जिस जिससे जो कमी जो कुताही जो सरकशी जो हदूद से तजावुज हुआ अल्लाह तरक सर फरमत अल्लाह जो जिद और ढिटाई और तकबुर से करते रहे पहना ओढ़ा सब दर कुसर फरमा दे अल्लाह कुरान को सुना है अल्लाह इस पर अता आसान कर दे अल्लाह रब पसंद लिबास पहनने वालियाँ बना दे अल्लाह तेरी तरफ़ तायब हो के पलट रहे हैं अल्लाह हमें थाम ले इलाही अपना बना दे अपने रंग में रंग दे रब पसंद लिबास मुमकिन और आसान बना दे अल्लाह रास्ते की रुकावटों से गनी कर दे रास्ते की रुकावटों को दूर कर दे घर वालों को मुआविन मददगार बना दे इलाही हमें रब पसंद लिबास जन्नत के लिबासों के हिरस में पहनने अपनाने की तोफ़ी फरमा रब बना ला ज़े क्लू बना बाद इस ख़तना वह हब लना मिल्ला तहमा इन्का अनंतुलवाहाब सुबह नब हमदेका नशा अंता नस्त रुका वन तुबोलेक्क سبحان ربك رب العزة يما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سمامين